भाई ऊपर काले बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट लग नहीं रहा कि बारिश होगी क्योंकि थोड़े से स्कैटर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले काले डार्क लग रहे थे, घूम घूम के इधर उधर से आ रहे थे, अंधेरा। बट फकर जमान का इरादा कुछ और है। एक छक्का, आठवां छक्का फॉर फकर जमान, और बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पर, इनके पास आइडिया ही नहीं हो पा रहा। रॉबिन हमें बता दीजिए, हम फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ठीक है, तो फेसबुक के दर्शकों नमस्ते और यूट्यूब के दर्शकों को भी नमस्ते। जिस तरीके की पारी फकर जमान खेल रहा है भाई, ये लड़का 400 भी चेस कर सकता है। आपको याद होगा श्रुति ने बोला था कि शुभमन गिल का चार्ट उसने देखा था, उसके बराबर किसी का चार्ट लग रहा था, इतना तगड़ा प्लेयर, तो उसको लग रहा था फकर जमान ही है, बिकॉज ये ओपोनेंट्स को छोड़ता नहीं है। और हमेशा जब पाकिस्तान को जरूरत होती है एक ही हाथ ऊपर आता है, उसका नाम है फकर जमान। और मैं शुरू से बोल रहा हूं भाई, इसको खिला लो खिला लो खिला लो, पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है कि इमाम द पर्ची को खिलाए जा रहे हो। आज भी मैं इमाम द पर्ची होता तो 70 बॉलों में 70 रन बनाता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के किस्म बनाया था, रह गई थी ना चेस। आज आया असली प्लेयर जो बोल भी रहा है कि भाई मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे खिला लो, फाइनली आया वो। अब बैटिंग देख के मजा कितना आ रहा है, रख रख के मारो। देखो कैलकुलेशन अब तक बुझ चुके हैं। विलियमसन डर डरा के लेके आया सऊदी को, अभी देखो डीएलएस एक छक्का लगाया, एक छक्का लगाया, सिंगल ले लिया, क्योंकि पता है कि 142 हमें 20 ओवर में जाना है, ये बड़े आराम से। बाबर का भी देख, बाबर को भी अपना रोल अच्छी तरह पता है। हाँ। उसको पता है मैंने सिंगल सिंगल खेलना है। बाबर अच्छा खेल रहा है भाई, बुरा नहीं खेल रहा, बिल्कुल डबल आ गया 60 बॉल्स में 92 रन। और मैंने आपको बिल्कुल यही बोला था न्यूजीलैंड वाली इनिंग में कि न्यूजीलैंड ने 120 की स्ट्राइक रेट से खेला है। क्या कोई यहां पर आके पाकिस्तान के लिए 150 की स्ट्राइक रेट से खेल सकता? और एग्जैक्टली वही कर रहा है फकर जमान। अगर बाबर 100 के आसपास खेल रहा है 90 की स्ट्राइक रेट से, तो फकर 150 से खेल रहा है, बराबर हो रहा है ना। सो यार फकर जमान तो बहुत तेज खेल गया भाई, बहुत आगे चल रहे न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान पीछे नहीं चल रहा। बट यस, 400 तक पहुंचना विकेट्स इन हैंड रखना बड़ी बात है। न्यूजीलैंड को भी भाई एक विकेट वापस गेम में ला के दे सकती है, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, और वो विकेट फकर ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। वो विकेट भी बाबर की अगर आती तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फकर जमा की विकेट आ गई तो मैच आपके लिए काफी तो बड़ा मुश्किल की तरफ वो मैच चला जाएगा। इसलिए फकर जमान का विकेट ना आए, भले आप रिस्क मत लो, क्योंकि लंबा जाना है। फकर को भी पता है मेरे बाद कौन रन्स करेगा, इस हिसाब से तो कोई नहीं कर पाएगा कि आपको 400 पहुंचा दे। नहीं, रन्स कर भी लेगा लेकिन इतनी तेजी से थोड़ी कर पाएगा। जिस तरीके से ये 60-62 बॉलों में 92 ओवर में फकर जमान खेल रहे हैं, इतनी तेज थोड़ी कोई बैटिंग कर पाएगा। रिजवान रन्स कर लेगा और प्लेयर्स कर लेंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट फकर जमान का है वो किसी और प्लेयर का नहीं है पूरे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, और वो दिख रहा है। फकर जमान वहां पे खड़ा है तभी पाकिस्तान इस मैच में भी है। जो रनचेज प्लेटफॉर्म सेट हो गया, जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हो सकता है इतिहास भी रच दे, तो वो इसी वजह से, क्योंकि फकर 8 छक्के लगा चुका है, रख रख के मारा है हर एक बॉलर को, किसी को नहीं बख्शा। मजा आ गया बैटिंग देख के यार, छक्का देख निकल निकल के छक्के मार रहा है। आज ये देखो ना, मतलब हर तरीके से कवर्स के ऊपर छक्के, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के, उनका पेट शॉट जो होता है मिड विकेट के ऊपर से रख के छक्का लगाया, हर एक एंगल पे फकर जमान ने आज शॉट्स लगाए हैं। वही तो, हर जगह शॉट। और ठीक है ना यार, सही जा रहे हैं प्रिंडेट के साथ। कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, 10 रन तो आ चुके हैं। 20 ओवर में 142 का टारगेट है, डीएलएस पार कर जाएंगे, ये आगे हो जाएगा पाकिस्तान, 5 रन दूर है फिलहाल अगर बारिश हो जाती है। ताथैया ताथैया हो, ताथैया ताथैया हो, आज किस तरीके से चेज हो जाए यार, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हो जाए चेस तो मैं कह रहा हूँ टूर्नामेंट पे आग लग जाएगी कसम से, सच में। फिर पाकिस्तान अगर भाई बादल ना दिखाओ, बारिश ना कराओ, बारिश ना कराओ, बारिश ना कराओ, आगे है 3 रन से पाकिस्तान। हालांकि अभी तो चलो रिजल्ट ही नहीं आएगा, 20 ओवर होने हैं, मैच हो पूरा और एंड तक होगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, अल्टीमेट मैच बना दिया इसने, मैच बना दिया, इंटरेस्टिंग कर दिया अभी, वरना अभी तक तो मेरे हिसाब से 3-4 यार, कितने रन चाहिए, 270 के करीब रन चाहिए। अब 138 बन गए, ऊपर से उतर गए 138, तो 268-70 के करीब रन चाहिए भाई। ये जिंजर एल है श्वेब्स का, 264 गलत समझ रहे हो तुम लोग, कमी ने कहीं के यार 3200 बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, अगर 20 ओवर आखिरी के 20 ओवर में अगर ये किसी तरह 160-170 के करीब और विकेट्स इन हैंड रखते हैं तो क्यों नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बस विकेट्स वाला खेल है, विकेट्स का खेल है, और फकर जमान कितनी देर तक खड़ा रहता है, एक विकेट का खेल है इनके लिए। पर न्यूजीलैंड ने भी नहीं सोचा होगा यार ये हो जाएगा हमारे साथ, इनको लगा वो 400 बना कि हम तो
नहीं भाई, आप चिन्ना स्वामी में देखो, अगर इंटेंट के साथ फकर जमान पीछे पड़ जाए किसी भी बॉलिंग लाइनअप के, हाँ। छोड़ता नहीं। अरे बिना फकर जमान वाली पाकिस्तान होती तो इनका ये हाल नहीं होता। ये देखो यार, ये तो पागल हो चुका है आज, कहां पहुंचा दी इसने। और इन्होंने भी सारे सारे स्पिनर भर लिए, वो मारे जा रहे स्पिनर को, गेन फिलिप्स आ जाए, सैंटनर आ जाए, सोडी आ जाए, आ जा भैया, 9 छक्के मार दिए, 99 पे पहुंच गया 62 बॉल्स में। ये चिन्ना स्वामी मजाक बना के रख दिया उसने बॉलर्स का। दुनिया के किसी ग्राउंड पे छक्का था ये, इतनी दूर मार रहा है ये। वो तो लंबे छक्के ही मारता है भाई, मार रहा है लंबे लंबे, वो छोटा छक्के मारता ही नहीं है कभी भी। ये पूरे टूर्नामेंट में इमाम द पर्ची क्या बोल रहा था, हमें प्रोटीन चाहिए, 94 मीटर, हमें प्रोटीन चाहिए, हम छक्का नहीं मार पा रहे, हमें प्रोटीन चाहिए, छक्का मारने के लिए ले प्रोटीन ले ले। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है ऐसा 62 ले प्रोटीन ले ले भाई, प्रोटीन ले ले, प्रोटीन देख ले, प्रोटीन क्या होता है। अगले 10 ओवर में यार ये खेल भाई 62 बॉल्स पे 99, अब सिंगल लेगा छक्का, प्रोटीन के लगता है। क्या सेंचुरी मारी है यार, क्या सेंचुरी मारी है यार, फकर जमान बड़े मैच ना, इसको प्रोटीन चाहिए, इमाम पर्ची को दे दो प्रोटीन, ना इसको प्रोटीन चाहिए, ना इसको फलान ढमकान चाहिए, इसको पाकिस्तान के लिए खेल के रन बनाने हैं। ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलने का जज्बा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिसने इस बंदे को बाहर रखा है, शर्म आनी चाहिए कसम से। एक्चुअली भाई जिगरा दिखाया, ये आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है भाई मेरी इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी कि मुझे बाहर रखा जाए, मैं हमेशा अवेलेबल था पाकिस्तान के लिए। तुम तड़प गए पूरे पूरे 2023 में, पावर प्ले में छक्का नहीं लगा। मैंने जाके मोहम्मद यूसुफ और जाके वहां पे देखिए, मोहम्मद यूसुफ और मुश्ताक अहमद बैठे थे, समा न्यूज ने मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे मैंने बोला था ऑन एयर, आप बताइए मुझे ईमानदारी से कि इन पिचेस के ऊपर क्या फकर जमान ड्रॉप होता है बाबर आजम चौक का। तो बाबर भी तरबूज, वही तरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है। ये है ना, ये ऑन सॉन्ग है टू चेज, ऑन टारगेट जा रहे हैं ये, 402 बड़ा टारगेट है, मगर न्यूजीलैंड की हालत खराब हो गई इतने छक्के। जब आप खा रहे थे ना 10-15 छक्के, मेरे ख्याल 9-10 छक्के मार चुका है वो फकर जमान, तब आपको समझ नहीं आता बॉलिंग किससे करा है, कहां का है। बोल्ट पिट गया, सऊदी छक्का खा गया, सेंटनर छक्के खा रहा है, सोडी छक्के खा रहा है, आपका वो फिलिप्स आया डबल छक्के खा गया, दो एक साथ कराया किससे, केन विलियमसन के पास ऑप्शन ही नहीं है, डैरिल मिचेल से करा ले वो भी छक्के खाएगा। कैलकुलेशन आया होगा 20 ओवर में कितना है, उसने आके यहाँ पर आके उसामा बीर जो है बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे आगे आगे। आप देखो इस ओवर के अंदर अभी 12 रन आ गए, तो 400 भी चेस, और अगर पाकिस्तान ने 400 चेस कर दिए कोई बात नहीं, आगे जाओ ना जाओ भाई, आपकी जो खोई हुई सारी इज्जत थी ना सब वापस आ जाएगी। एड वन बैड, यू हैव टू थैंक वन बैड जिसका नाम है फकर जमान। ये पूरी टीम को अकेला बंदा आगे लेके गया है, बाबर आजम नहीं भाई, सॉरी फकर जमान। बाबर आजम ठीक है, उसके साथ एंकर इनिंग्स खेल रहा है, लगे रहे टुकटुक, अच्छी बात है, मैं तो बाबर की इनिंग को भी बोल रहा हूं अच्छा खेल रहा, आउट मत होइए बस। नहीं अल्टीमेटली यार फकर जमान से बड़ा मैच विनर नहीं है पाकिस्तान के, कोई भी नहीं है। आप बार बार बाबर आजम का नाम जपते रहो, आप किंग बुलाते रहो, नंबर वन बैटर बोलते रहो, लेकिन जो बड़े मंच पे डिलीवर करे ना वही जो लोग स्पोर्ट्स यारी देखते हैं, जो लोग को ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बता रहा, मैंने एशिया कप पे भी यही बात बोली थी, मैंने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप पे भी एक बात बोली थी, मैं आज भी यह बात बोलता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई बैटर है तो उसका नाम है फकर जमान, उसके अलावा कोई बैटर नहीं है इनके पास। ना मैं बाबर को मानता हूं, ना रिजवान को मानता हूं, इमाम पर्ची को तो मैं बैटर ही नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता, मैं सिर्फ एक ही बंदे का मैं फैन हूं, उसका नाम है फकर जमान, बिकॉज द वे दैट ही प्लेज, जिस तरीके से खेलता है यार, आपको देख के मजा आता है ना। ये मत देखो पाकिस्तान का बैटर है कि इंडिया का बैटर है कि साउथ अफ्रीका का बैटर है, भाई वो अपने देश के लिए खेल रहा है, कैसा खेल रहा है, 400 लगा हुआ उसको पता है ना, कोई भी बैटर हो उसको पता है 400 लगा हुआ है भाई, बंदा तो है नहीं, अपने रन बनाओ निकल लो। इमामुल हक होता क्या करता यार, देखो भाईजान 400 तो बंदा नहीं है, मैं 70-50 करता, मैं चल रहा, मेरी एवरेज तो मेंटेन रहेगी। उसने बोला कुछ नहीं भैया, मैं चेस करके दिखाऊंगा, वो अभी भी देखो चेस होए ना होए भाड़ में जाए, बट बंदे ने हिला के रख दिया। आज पूरी दुनिया देख रही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट मरा नहीं है। देखो क्यों खुंदक चढ़ रही है इतने दिन से यार, तुम तो अपने खुद अपने क्रिकेट का जनाजा निकाल के चले गए हो। अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाया तुमने इसको, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था, नहीं खेला था, खेला था इमामुल हक खेल रहा था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट तुम हारे, ये नहीं खेला था। 158 की स्ट्राइक रेट, 9 छक्के 6 चौके, कौन मार रहे इस टूर्नामेंट में, इस पूरे टूर्नामेंट में किसी ने नहीं मारी इतनी तेज सेंचुरी मेरे ख्याल से, किसी ने मारी इतनी, अच्छा उसने मारी है मैक्सवेल ने, आई थी मार्क्रम ने भी मारी थी, मैक्सवेल 40 बॉलों पे मारी थी, मार्क्रम ने वाली थी 40 और उसने मार्क्रम ने,
बट कंपेयर कर सकते हो ना, चेस में तेज मारा है ना उसमें, चेस में, चेस में 400, चेस में 400 के चेस में ऐसे खेलना बिना डरे बिना रुके बिना थबे मारे जा रहा है। बट सबसे बड़ी बात क्या है पाकिस्तान के लिए अभी इस टाइम पे बताओ, फखर जमान को मैं और ज्यादा बड़ा फैन क्यों फखर जमान का हमेशा से, भाई देखो अब ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, ये आदमी जब भी रन मारता ना लंबे रन मारता है। मैंने इसको एक बार 194 या 192 पे आउट हो गया था, मैंने इसको ट्वीट भी डाला था, चौका आ गया, चौका आ गया, अफ्रीका के अगेंस्ट मारा था, स्वीप मार रहा है, अफ्रीका के अगेंस्ट 193 लगाए थे, फिलिप्स तो अपना सर पकड़े जा रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन केन विलियमसन फिलिप्स से बॉलिंग क्यों करा रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तो ऑप्शंस नहीं है ना, आप दो पेसर के साथ उतरे हो, डैरिल मिचेल से डलवा सकते हो, इसके बाद ऑप्शन क्या है, जो बॉलर आ रहा है किस पे छक्का, भाई ऐसा है मैं जो आपको चीज बता रहा था ये तो छोड़ेगा नहीं, मुझे लग रहा पाकिस्तान जीत रही है मैच जिस तरीके से फखर जमान खेल रहा है, फखर आउट हो गया तो अलग बात है, ये क्या राई लाइव है, फकर जमान आउट होगा अपनी गलती से होगा, भाई फकर जमान का ये बता दूं कि फकर जमान को मैंने उस टाइम पे भी जब 212 इसने वनडे में पता होगा आपको है ना, और 190 भी 12 वनडे में, 190 में मैंने इसको ट्वीट करा था कि भाई 200 मिस कर दिया, ये देखो सामने का बच गया ये चौका बच गया, वरना ये बेचारी था, मुझे लगा था टाइम नहीं हुआ उस तरीके, तो मैंने इसको ट्वीट भी करा था कि यार 200 रुआएगा फिर से तेरा, तो इससे ट्वीट लाइक भी करता फखर जमान ने, वो भी क्या पारी थी यार 190 मार दिया, तो ये बताने का मतलब है कि जब रन मारता है फखर जमान तो 100 नहीं मारता, 150 190 200 भी मार सकता है, सिर्फ एक लौता प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने मेरे महान पाकिस्तानी भाइयों ने उसको बिठाया हुआ था, लख दी लालत मैं कहता हूं जहन्नम की लालत है जिस बंदे ने इसको बाहर रखा हुआ था, ऐसी लानती बैटिंग कर रहे हो, एक बंदा तुम्हारे पास पड़ा हुआ उसको बाहर बिठाया हुआ है, आ जाए मजा देख के जोश देखो, सारे भी बाहर बैठे हुए थे यहाँ पे, अब यहाँ करीब आकर के घर जाने का बंदी कर रहा किसी का, आज सब देख रहे मैच देख रहे हैं, बैठे हुए लाइव कर जा रहे तुम्हारे साथ, एक बंदे का बंदी कर रहा कि भिल जाए बैटिंग ही ऐसी कर रहे हो, एक बंदे और ये कुछ मतलब आप ये भी देखो ना इनको जो बोलते हैं बड़बड़ के वहां पे बैठ के कुछ शर्म नहीं आती, आप बोलते हैं बेसबॉल का प्लेयर है उस तरीके से उसकी हिटिंग है बेसबॉल की तरह छक्के लगाता है, आज कवर्स के ऊपर से भी छक्के लगा रहा था फखर जमान बैठ के, जो आपने देखी होगी उसकी पारी ऑफ साइड पे छक्के लगा रहा था लेग साइड पे छक्के लगा रहा था, ओवरऑल ग्राउंड के ऐसी नहीं कि सिर्फ आड़ा मारता है सीधा भी मारता है फखर जमान, तो जो बोलते हैं वहां पे बैठ के कि फखर जमान यार वो तो अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है वो तो इतना कोई देखने में भी अच्छा नहीं लगता, प्लीजिंग टू द आई नहीं है उसकी क्रिकेट जो वो शॉट्स खेलता है, आज देख ली किस तरीके से बैटिंग कर रहा है फखर जमान वहां पे, बहुत लोग बोलते हैं तो बेसबॉल का प्लेयर है बेसबॉल की तरह आड़ा मारता है आड़ा तिरछा खेलता है, अच्छे प्लेयर नहीं है फखर जमान, बहुत बढ़िया खेल रहा है बट 402 का टारगेट है, 402 का टारगेट है अभी जिस हिसाब से जा रहे हैं, अच्छा खेल रहा है बहुत बढ़िया है, एक विकेट पूरा मैच पलट सकती है और एक फखर की विकेट, अब बस ये है कि अब बोल्ट आ गया, देख 4 ओवर में 42 रन, बोल्ट से तो बॉलिंग वैसे नहीं हो रही, बात इन्होंने सारे बॉलर लगा दिए किसी भी बॉलर के बस की नहीं हो रही कि उनको टच भी कर पाए, तो अब आ गया भैया आपका ट्रेंट बोल्ट, अब देखने वाली बात यह है कि विकेट आएगी कब, मैंने आपको बोला था अगर 35 ओवर तक अभी भी लगा के रखना, भाई जितने चैनल देख लेना यूट्यूब पर देख लेना, चाहे आप हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो नेपाल से हो बांग्लादेशी से हो, जो मैं प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूं अगर 35 ओवर तक फखर जमान खेल गया तो यह मैच पाकिस्तान जीत जाएगी, अगर विकेट जल्दी आ गई तो यह मैच पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, बाबर आजम भी अच्छा खेल चौका रहा है, नहीं, चौका नहीं। बाबर आजम का फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अभी भी 8.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है, कम नहीं है, अगर फखर जमान 35 ओवर तक, ज्यादा नहीं बोल रहा अभी 20 ओवर तो हो चुके हैं, 35 ओवर्स तक अगर फखर जमान खेल गया ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगी 100%, अगर उससे पहले आउट हो जाता है लेट्स से चलो अभी नेक्स्ट 3-4 ओवर्स में आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत नहीं, मुश्किल फिर है तो मतलब ही नहीं। अगर 30-35 के बीच में आएगा तो फंस जाएगा मैच, बड़ा बुरा फंसेगा फिर कुछ नहीं पता, आप न्यूजीलैंड भी जीत सकती है पाकिस्तान भी जीत सकती है, 242 रन चाहिए 29 ओवर्स में, अगर ये थोड़ा सा सेंसिबल हो के अगले 9 ओवर में सपोज लेट से 180 अगले 20 ओवर में अगले 20 ओवर में या मान के चलो लास्ट के 20 ओवर में 170 रन भी रखते हैं, यहां से 70 रन लगाते हैं अगले 9 ओवर में 60-70 के करीब लगाते हैं तो रन चेस में पाकिस्तान पूरी तरीके से रहेगा क्योंकि अभी भी 9 विकेट हाथ में है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगले 9 ओवर में अगर पाकिस्तान विकेट नहीं लूज करता है तो आप मान के चलो कि आखिरी के 20 ओवर में न्यूजीलैंड सुपर चार्ज दिखा दो, बहुत पैनिक करने वाला, ये रनचेस ऑन रहेगा लास्ट तक, अरे इनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही किसी से, बॉलिंग तो हो ही नहीं रही, मैंगो मैन 20 ओवर्स में 142/1 के बाद मैच नहीं हुआ तो जीत गया पाकिस्तान डीएलएस पे, ऐसे ही जीत सकते हैं भाई, कुदरत इनको अब बारिश दे देगी तो गदर यार, अभी यहां से हार भी जाते हैं तो भी भाई इसकी मेहनत की तो तारीफ करो यार, क्या हुआ है बारिश आ गई, अबे यार यार बारिश, व्हाट द हेल मैन,
पाकिस्तान आगे है वैसे डीएलएस भाड़ में जाए आगे पीछे यार मुझे मैच देखना है यार बारिश नहीं आनी चाहिए थी बैटिंग अच्छी हो रही थी वैसे इतनी बढ़िया वो बैटिंग कर रहा था यार शायद स्लाइड ड्रिजल होगी इतनी तेज होनी तो नहीं चाहिए रेन स्टार्टेड बारिश शुरू हो चुकी है लक्षित को बोलो वहां से लाइव करेगा बारिश पे अरे यार बहुत गलत टाइम पे वैसे आया लक्षित वहीं पर है चिन्ना स्वामी के बाहर ही है बेंगलोर में भेजा हुआ है तो बारिश का पूरा वो वहां से आपको देगा लाइव दिखा देगा कितनी बारिश हो रही है क्या सीन है क्या नहीं है लेकिन यार ये तो हद है यार बट आप भी बात बता दो जितने लोग देख रहे हैं चाहे हिंदुस्तानी भाई बायस होकर मत बोलना कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखेंगे जब पूरे ओवर होंगे बट क्या इनकी शक्लों पे लानत नहीं है कि फखर जमान जैसे प्लेयर को उन्होंने बाहर रखा पूरी, पूरी किसी, है, किसी में इतना टैलेंट है किसी में इतनी एबिलिटी है किसी में इतनी पावर है जितने छक्के उसने मार दिए अपने पूरे करियर में इतने छक्के नहीं मारे लोगों ने जितने इसने दो मैच में मार दिए 7 छक्के पिछले मैच में मारे मेरे ख्याल 10 छक्के आज मार चुका है 10 मारे कि 9 मारे एक बार देखना अब 9 छक्के मारे अब बारिश आ गई है गेम रुक गई है लक्षित को बोलो जल्दी ऑन करेगा लाइव 9 छक्के मार दिया चलो अगर आप टैलेंट की भी बात करते हो सुशांत भाई की टैलेंट है 21 ओवर में 160 रन है तुम्हें बाकी के कितने बचे 29 ओवर्स में तुम्हें 242 मारने नहीं बन सकता आराम से बन सकता है मैं तो वही तो कह रही हूं ना आपको सिर्फ ये देखना है फखर जमान कितनी देर तक कैरी ऑन कर सकता है अब इस बारिश की वजह से ओवर्स कटते हैं रन्स बढ़ते हैं वो भी देखना पड़ेगा कुदरत का निजाम बोल रहे थे ना आप मांग रहे थे कहीं कुदरत का निजाम आपके अगेंस्ट ना चला जाए नहीं वैसे अब ये बारिश की वजह से ये देखना पड़ेगा कि रन कितने ऊपर हो जाएंगे बारिश की वजह से क्या होता है चारू ओवर्स कट जाते हैं रन बढ़ जाते हैं तो लेट से 402 आपको चाहिए होता है 50 ओवर बनाना वो ये दे देंगे 398 बनाना है 45 ओवर 390 बनाना है 40 ओवर में और मुश्किल हो जाता है डीएलएस हमेशा ऐसे होता है बट क्योंकि उन्होंने विकेट नहीं खोई है शायद इनको ठीक ठाक रहे और इन्होंने रन रेट भी अच्छी लेके चल रहे हैं आप देखो फखर जमान की ब्यूटी क्या है सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है भाई वो बंदे ने रन रेट गिरनी नहीं दी उसको पता है बारिश आ सकती है उसको पता है डीएलएस हो सकता है पिछली बार भी उसने जब मैं बार बार आपको बता रहा हूं जब मैं गुस्सा कर रहा था बाबर आजम 15 बॉले क्यों ले रहा है यहां पे पिछले मैच में भी बाबर आजम ये फखर जमान ने बोला था भाई मैं इजीली अपनी सेंचुरी बना लेता लेकिन हमने डिसाइड करा था 28-29 ओवर में खत्म करना ताकि हमारी नेट रन रेट ऊपर हो जाए तो आज तो वो तुड़ाई कर रहा है प्रॉपर इनको शर्म नहीं आनी चाहिए वैसे बाबर आजम वगैरह को या जो भी जिसने भी मिकी आर्थर वगैरह जिसने भी इसको बाहर रखा था वो खुद चीखे मार रहा है कि भाई मैं ठीक हूं मेरी फिटनेस में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेल सकता बट मजे की बैटिंग करी है यार लेकिन यार एक बात बताओ बॉलिंग बहुत ही घटिया करी है उन्होंने बॉलिंग तो फिलिप्स लॉलीपॉप करे जा रहा है सेंटर लॉलीपॉप करे जा रहा है बोल्ट की बॉलिंग देख लो शॉर्ट बॉलिंग वो ये पिच भी इसी काबिल है वैसे नहीं देखो इस विकेट पे जिस तरीके से बैटिंग होनी चाहिए वो फखर जमान ने करके दिखाया आपने जो टैलेंट की बात की थी कि क्या क्या पाकिस्तान में और कोई टैलेंट नहीं है टैलेंट हो भी जो मर्जी हो टैलेंट इससे बेटर भी हो फखर जमान से मैं कहता हूं होगा टैलेंट लेकिन क्या वो जिगरा है क्या वो इंटेंट है खेलने का जो ये डिफेंसिव माइंडसेट से बाकी बैटर्स इनके खेलते हैं रिजवान हो गया या चाहे बाबर आजम उस तरीके से आप ले लो बाकी इमामुल हक द पर्ची को आप उठा लो ये सारे टुक 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 खेलते हैं मैंने थोड़े दिन पहले एक ही प्लेयर है मैंने थोड़े दिन पहले फखर जमान का वीडियो भेजा था फखर जमान है और मैं एक और वीडियो भेजा लेकिन वो वाला वीडियो चला रॉबिन मैंने ग्रुप पे भेजा था याद होगा तेरे को जिसमें फखर जमान बारिश में रनिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में मैंने वो स्टोरी उस दिन भी सुनाई थी कौन सा भाई क्लिनिकल खेलता है ना बाबर ना रिजवान ना इफ्तिकार ना द पर्ची इमाम ना ये बच्चे अब्दुल्ला शफीक साउथ शकील सबको साइड में रख लो इन सब के बराबर एक है फखर जमान और मैं आज का नहीं चिल्ला रहा भाई जो तुम्हारा प्रोवन मैच विनर है चैंपियंस ट्रॉफी जिताया किसने फखर जमान मोहम्मद आमिर मैं तो शाहीन अफरीदी वगैरह को मानता ही नहीं भाई जब तक जिताओगे नहीं कुछ जिसने जिताया हुआ हम तो उसको मानते हैं मोहम्मद आमिर आज भी मेरे लिए शाहीन अफरीदी से बड़ा बॉलर है आज भी क्या करा शाहीन अफरीदी ने डू और डाई मैच में मोहम्मद वसीम जूनियर 3 विकेट ले गया वो 10 ओवर में 90 रन आज तक का सबसे एक्सपेंसिव स्पेल फॉर पाकिस्तान शाहीन अफरीदी ने करा आज जब डू और डाई मैच है सेंटर से छक्के खा रहा है सेम गोस फॉर फखर जमान भाई T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल बाबर की इनिंग देख लो लांगती रन बॉल भी नहीं है फखर जमान ने आके मारे स्टाफ को छक्के आज 400 रन के बाद कोई सोच भी रहा था ये लोग बना सकते हैं कोई सोच भी रहा था अच्छा कोई सोच रहा होगा भाई फाइट दे दे वो बैठे होंगे ना पाकिस्तानी बेचारे अल्लाह आज तो कुछ दे दो अल्लाह पाक प्लीज आज कुछ करवा दो भाई वो मारना शुरू हुआ है पहले एक ओवर दो ओवर तीन ओवर देख रहे हैं अच्छा ठीक है ओहो छक्का आ गया अच्छा दूसरा आ गया तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा बंदा रुकता ही नहीं है
वो जब मारना शुरू करता है तो रुकता ही नहीं है, वो लगातार ही मारता रहता है, बिकॉज वो अपने लिए रन नहीं बनाता, वो अपने देश के लिए खेलता है। बाकी इनकी पर्चियां जो है ना, कटकट, ये पता नहीं कौन सा ट्रैक्टर चला रहे, 50 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, खोजते खेत जोतने आते हैं ये लोग। अभी मैं बोलता हूं बाबर आजम बढ़िया खेल रहा है, ऐसा ही खेले, टिका रहे, आउट ना हो बस, तेरा कोई काम नहीं है बाबर आजम, बहुत बड़े किंग हो भाई आप, आउट मत होना बस। और फकर जमान को ऊपर, लेकिन एक डिसएडवांटेज पता है क्या, ये बारिश की वजह से ना जो रिदम थी वो टूट जाती है, रिदम टूट जाती है, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज। मैंने आपको इंडिया के लिए भी यही बात बोली थी जब रोहित शर्मा वगैरह की बारिश हो गई थी वहां पर, कि बारिश आती है तो रिदम टूट जाता है, यहां पर भी बारिश आई है तो रिदम टूट गया है, ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन लेट से कि अगर 8 ओवर जो भी 28 ओवर में इनको 242 के अराउंड बनाने, अगर ये टारगेट रिड्यूस हो जाता है 20 ओवर के आसपास, 180 170 का टारगेट अगर मिलता है, 190, तो एक ये रनचेस प्लान कर सकते हैं। 170 80 का नहीं मिलेगा बॉस, नहीं कैसे, 8 ओवर के हिसाब से आप लगा लो, जैसे 7 के 8 ओवर में 170, नहीं नहीं अभी 28 ओवर में इनको, चलो देखते हैं डीएलएस का भी सारा आपको बताएंगे, अभी बारिश हो गई, आई होपफुली लक्षित ने लाइव शुरू कर दिया कि नहीं, कर दिया है ना, हाँ, तो लक्षित वहां से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बारिश कब तक रुक सकती है। ये भाई मैं आपको बता रहा था फकर जमान का, उस दिन भी दिखाया था आपको, लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक लौता जर्नलिस्ट ऑब्सेस्ड विद फकर जमान, जब मैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप गया था, मैंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोला भाई एक बंदे से मिलना है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बाबर के साथ तस्वीर ले ली, हारिस नसीब भाई गए हुए सारे अपने भाई हैं, सबके साथ ली है तस्वीर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बंदा जिसके साथ चाहिए थी उसके साथ नहीं ली फकर जमान, बिकॉज खेला ही नहीं एक भी मैच। ये इनका प्रैक्टिस मैच था ब्रिस्बेन के अंदर, बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, देखोगे आपके जो दोनों ट्रेनर बैठे हुए उन्होंने भी पूरा का पूरा कवर करके बैठे हुए, इसके घुटने में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम थी, ये तब भी कोशिश कर रहा था बेचारा, देखोगे आप वो येलो स्पॉट्स देख रहे हो आप, कि मैं रनिंग करके अपनी ट्रेनिंग पूरी करूं, जब मैच नहीं हुआ मैच कैंसिल हो गया ब्रिस्बेन गैबा, ये लगातार लगा हुआ है, बारिश में भी लगा हुआ है, भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से खेल जाओ यार, किसी तरीके से खेल जाओ यार, यार ऐसे बंदे को, और ये मैंने अपने हाथ से शूट करा हुआ वीडियो, कोई ये बनावटी वीडियो नहीं है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, ब्रिस्बेन मैंने प्रेस बॉक्स में बैठ के शूट करा है वीडियो, किसी तरीके से सोच रहा मैं खेल जाऊं, मैं ऐसे नहीं रिस्पेक्ट करता फकर जमान को, मैं मजाक उड़ाता हूं बाबर आजम को, क्योंकि वो डिजर्व करता है मजाक उड़वाना अपना। आज की डेट में इनके पास फकर जमान नहीं होता, ये बना सकते थे या यहाँ पे होते हम इतना चिल्ला रहे होते? अब तक हालत खराब, क्या करता बाबर आजम आपको भी पता, क्या करता था मामला, अपने रन बनाना और अपनी कंट्री के लिए रन बनाने में ना जमीन आसमान का डिफरेंस है, और ये आदमी भाई फाइटर है, प्रॉपर फाइटर, लपेट लपेट के छक्के मारता, और सिक्स हिटिंग एबिलिटी जो इसमें है, इनकी पूरी टीम एक तरफ है और ये एक तरफ है। आ जाओ वापस फुल स्क्रीन पे, सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज लव फकर जमान यार, एंड हैट्स ऑफ, जिस तरीके से आज इसने अटैक किया है ना यार, कितना स्मूथ, मतलब इजी अटैक किया, इजी किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा ना, आप किसको, केन विलियमसन अगर लगाते भी तो किसको लगाते, देखो शुरुआत में ट्रेंट बोल्ट को अटैक किया, फिर उसके बाद ट्रेंट बोल्ट टीम सऊदी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको भी नहीं छोड़ा, फिर लेकर आ गए स्पिनर को ईस्ट ओडीआई आए उसको भी उसी तरीके से, मिचेल सैंडर को तो खैर वो तो मैचअप ही हो गया था लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, वो तो फकर जमान के मतलब हक में ही था, एंगल के साथ वो आ रहा था वो छक्के लगा रहा था रख रख के, ग्लेन फिलिप्स को ये लेकर आए थे कि एक ऑफ स्पिनर आएगा हो सकता है कि एंगल बाहर जाए तो फकर जमान थोड़ा सा वहां पे स्लो हो जाए, लेकिन उसको भी बड़बड़ के छक्के लगा दिए, ऑप्शन बचा क्या विलियमसन, फकर जमान को तुमने इंडिया के अगेंस्ट खिलाया, फकर जमान को एक मैच खिलाया, हारे हो सारे मैचेस, खेला या नहीं खेला वो, नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाया ना, हारे 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 हो, बांग्लादेश वाला भी हार जाते अगर फकर जमान को शायद एक मैच देख के तुमने उसको बिठा दिया, तुम्हें पता नहीं है वो किस कैलिबर का, तुम्हें एक्चुअली अंदर से पता है कि वो क्या चीज है, तो तुम डरते हो ओवरशैडो कर कि हम तो इतना तेज खेल नहीं सकते, हम तो इतना तेज खेल नहीं सकते, तो ये जब फ्लॉप हो रहा है इसको बाहर करो यार, ये है असली बात, फिर इन्होंने इंजरी का बहाना, सुनने में लगते कड़वी लेकिन ये है असली बात। हेमांग मल्होत्रा बोल रहे सुश भाई मान गए आपको एन एस्ट्रोलॉजर को, एब्सोल्युटली ब्रूटल इनिंग्स में भाई यार, कभी भी देखो हमारी रोजी रोटी है उसके साथ भाई गलत नहीं बोलते, इसलिए नहीं उसको हेट देंगे कि वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी अच्छा खेलेगा भाई उससे दिल से सलाम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हिंदुस्तानी खुद बोलेंगे हेमांग मल्होत्रा नहीं बोल रहा, हाँ सब बोलते हैं मल्होत्रा भाई, मेरा हिंदू भाई है, चलो तुम लोग हिंदू मुसलमान बात करते हो, हिंदू और इंडियन है, क्योंकि सारा था पाकिस्तानियों को लगता है भाई हिंदू तो हमें हेट ही करेंगे, क्या बोल रहा है वो, एब्सोल्युटली ब्रूटल इनिंग्स, कोई क्रिकेट फैन हो जो बोल दे भाई इसकी बैटिंग देख के मजा नहीं आया, ये हलवा नहीं है 400 की चेज कर रहा है वो, हिस्ट्री 400 रन
और अभी और कोई श्रीलंका की बॉलिंग नहीं चल रही यहाँ पे, बोल्ट और सऊदी, सऊदी के पहले तीन ओवर में क्या था, तीन रन दिए थे, विकेट भी ले ली थी। आगे मैच नहीं होता तो जीत जाओगे और इसी की बदौलत आप, उसने एक दो ओवर देखा है, फिर उसने बोल्ट को छक्के मारने शुरू करे हैं, उसने सऊदी को छक्के मारे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है यहां पर फकर जमान की, वास्तव बोल रहे हैं अब ये नहीं होना था यार, वी इंडियंस वर एंजॉयिंग दिस बैटिंग। हाँ यार बारिश में एंजॉय कर रहे थे, बड़ा यही बोल रहे थे, पास्ता बोल रहे हैं कि यार मजा आ रहा था बैटिंग। यार पहली वाली पे जा, पहली वाली पे जा यार, पहली वाली सुपर जार जो आई थी, इससे पहले आई थी वो पड़ी नहीं थी। हसन रिजवी, एस हसन रिजवी भाई बोल रहे हैं, सुशांत ब्रो टाइम एंड टाइम इट शोज योर क्रिकेट एनालिसिस हैज बीन एक्यूरेट, यू हैव बीन आस्किंग फॉर फकर फ्रॉम डे वन। भाई वो मैं यही तो बता रहा हूं कि पाकिस्तानी समझ लेते हैं कि भाई ये हमसे नफरत करता है तो ये बोल रहा है, हिंदुस्तानी समझ लेते हैं कि ये पाकिस्तान की साइड क्यों लेता है, किसी की साइड नहीं ले रहा भाई और किसी से नफरत नहीं कर रहा, जो जैसा खेल रहा है वो बता रहा हूं। अगर मेरा प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगा वही बताऊंगा, अगर आप अपना बेड़ा घर खुद ही कराने पर तो ले, क्यों नहीं खेला इंडिया वाली गेम अहमदाबाद की पिच पे, क्यों नहीं खेला? रोहित शर्मा ने याद है कैसे छक्के मारे थे भाई, जब एक सिक्स हिटर रोहित शर्मा के कैलिबर का है, जब यहां से आया हुआ है तुम्हारे पास, क्या कहते हैं वो बोलते, पता है क्या कहावत याद पता है आपको, नेवर टेक अ नाइफ टू अ गन फाइट। आप चाकू लेके किसी के पास बंदूक का क्या कर लोगे? और उसी तो मैच से जहां पे हमारा हथियार पड़ा हुआ है रोहित शर्मा विराट कोहली, तुम अपना सबसे बड़ा हथियार घर में बैठा हुआ तो बिठा ले भाई उसको, जीत गए तो सबसे बुरा पता कब लगेगा, जब जीतने के बावजूद तुम बाहर हो जाओगे, बिकॉज देखो रेड रेट तो तुम्हारी आज भी अच्छी नहीं होगी, और 400 रन मार दिए, तुम्हारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को 400 रन पड़ गए, चेस कर भी लोगे तो कोई 35 ओवर में तो चेस नहीं होने वाला ना, जाओगे एंड तक। तो बड़ी बात यही है भाई कि आपने अपना बेड़ागर खुद करवाया अपने बेस्ट बैटर को बाहर रख के, एंड थैंक यू रिजवी भाई फॉर अप्रिशिएटिंग। कम से कम पाकिस्तान से भी लोगों को यह समझ में आती है कि मैं क्यों बोल रहा था कि फकर जबान फकर जबान फकर जबान फकर जबान, आज से नहीं बोल रहा हूं मैं तो, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से इसके पीछे पड़ा हुआ हूं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में बड़े मजे की बात यह है, मैं गया, मैंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोला यार मुझे किसी से नहीं मिलना, बाबर बाबर कोई नहीं मिलना, लोग बता रहे बाबर से मिल लिया भाई, कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मिलना कोई बात नहीं, वो तो एज अ कर्टेसी कि हम हिंदुस्तान से आप पाकिस्तान से आ जाओ, और बड़े प्यार से मिला था वो भी, और बाकी सारे बॉलर्स उनके बहुत अच्छे, तो बढ़िया नसीम शाह वगैरह सारे अच्छे, मेरे को एक ही का बंदे का फैन था मैं, वो फकर जबान, मैं बोला उनको कि यार मुझे फकर जबान से मिलवा दे, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, वो हंसने लगा फकर से मिलेगा, बोले यार तुम्हारी टीम का सबसे बड़ा बैटर ही वही है, कदर ही नहीं है उसकी, कदर ही नहीं कर रहे टैलेंट की, कदर उसकी कदर ही नहीं करते, यहाँ पे पता चल रहा है ना उनके जर्नलिस्ट उसकी कदर करते हैं, ना टीम कदर कर रही है, ना कैप्टन कदर कर रहा है, ना मैनेजमेंट कदर कर रही है, लख दी लानत मैं कहता हूँ। तभी तो कैलकुलेटर्स लेकर के बैठे हुए हैं, कैलकुलेटर्स लेकर बैठे हुए हैं, मुझे तो अब समझ में नहीं आता है कि फकर जमान जो बोल रहे थे उस दिन कि मैं अवेलेबल था तो इंजरी का बहाना क्यों बनाया, फिर अब बोल कौन रहा है, सच बोल कौन रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, मिकी आर्थर बोल रहे हैं भाई उसका क्लियर कर दिया, लक्षित का भी थंबनेल लगा दो ना जो लाइव कर रहा है वो मतलब ठीक है भाई आगे आ जाइए सुपर चैट दिखा दो, गरीब तरीके से बात हो रही है, वो अलग कुछ बोलते हैं ये अलग कुछ बोल रहा था, सुपर चैट दिखा दो सुपर चैट दिखा दो, पर अकबर ये यहां से अब क्लोज जाके हार जाएंगे तो भगवान ही फिर। UM123 बोल रहे हैं इट्स अ पासिंग शावर सो वी विल हैव अ फुल गेम, देखते हैं। हां अभी वैसे भी कट ऑफ टाइम से अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कट ऑफ टाइम ओवर कटेंगे उसके पहले भी, पूरा गेम होगा तो मजा आएगा फिर पूरा गेम होपफुली। अश्कर गोहर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू अश्कर गोहर, और आगे आ जाओ, थैंक यू भाई, लेकिन बैटिंग देखने में मजा आया कि नहीं आया ये बताओ आप, बहुत जब ये खेलता है ना तब आता है मजा। जिशान कालिम बोल रहे हैं व्हाटएवर हैपेंस नाउ फकर हैज अर्नड हिज प्लेस पर्ची इज गॉन रियली वांट पाकिस्तान टू विन, भाई आप डिजर्व करते हो अगर वो एंड तक खेल गया, अब तो बनता है, और चित्रौल भी डिजर्व करते हैं, और बाबर आजम कैप्टनसी लूज करना डिजर्व करता है अगर पाकिस्तान बाहर हो जाए अब और ये मैच तुम जीत जाओ, बिकॉज उससे पूछा जाना चाहिए कि किस बेसिस पे तू इमाम को खिला रहा था और फकर को नहीं खिला रहा था ये बता, जीतते भी है तो फकर किस बेसिस पे। जिशान कालिम बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक पर्ची बाहर गई है भाई, उसने अगर आज इमाम उल हक होता तो उसने वही करना था, मैं कह रही हूँ अभी तक हालत इतनी बहुत बुरी हो जाती, कुछ ना करता वो, कुछ आगे आ जाओ, पता पाकिस्तान से वो पहले ही सरेंडर, इतना बड़ा टारगेट देख करके वो पहले ही सरेंडर हो जाते, विकेट आ जानी थी, अब तक बड़े शॉट है नहीं ना खेलने के पास, उसके पास है कौन सा बड़ा शॉट वो खेल लेता, अरे वो इंटेंट भी तो चाहिए होता है ना, चाहिए बड़े बड़े छक्के लगाने वाला प्लेयर, फियरलेस होके आप खेल सको,
ये चीज जो यहाँ पर दिख रही है आपको, और अब आपको ये भी लगेगा कि यार उसको खिला लिया होता, बोलेंगे भले ही नहीं, बट अंदर ही अंदर आपको लगेगा पहले तो आके बहाने बनवा लो बस। ये हालत हमारी नहीं होती, बहाने बनाने के बजाय आप ये चीज करते हैं, उसको लेकर के आते पहले खिला लेते। बारिश हो गई है और वहां पे लक्षित आपको बता रहे होंगे कि क्या चल रहा है। यासीर सिद्दीकी बोल रहे सुशांत भाई योर एनालिसिस इज गुड, फ्रॉम डे वन यू सेड फखर जमान इज बेस्ट बैटर फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। कितना पहाड़ समान तुम्हारा समझ नहीं आया जी। हमाद बोल रहे हैं फकर ने तो आज इंडियन क्राउड की भी मौज करवा दी, भाई मजा आ गया होगा। कितने लोग जो लोग आए हुए मैच देखने, मजा आ गया होगा बहुत। और मेरा भाई इमामुल हक अभी प्रोटीन के डब्बे खरीद रहा होगा कि भाई ऐसा तो मैं मेरे ख्याल 100 प्रोटीन के डब्बे खा के भी मार लेगा वो इतने छक्के। आपके अंदर अंदर से आना चाहिए, आपके कितने भी प्रोटीन खिला दो जब तक आपका वो माइंडसेट नहीं होगा आप नहीं लगा पाओगे छक्के। फालतू की बात है, वो प्रोटीन खा के छक्के लगा। अब मैं तो अब यहाँ से होगा क्या न्यूजीलैंड के लिए, और आप क्या सोचते हैं न्यूजीलैंड के लिए कोई, बिकॉज न्यूजीलैंड का तो कोई बॉलर थ्रेटनिंग भी नहीं लग रहा, कौन विकेट लेगा न्यूजीलैंड की। तो आपके बस एक चीज हो सकता है जो इनके फेवर में चली जाए, वो जो लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अब बारिश हो गई है बहुत देर के बाद, वो जो एक बॉडी में गर्मी भी रहती है, साथ में आप चल हीट ऑफ द मोमेंट आप खेलते चले जाते हो, बाद में आप बैठोगे रिलैक्स करोगे तो फिर आओगे, फिर से आपको वो कंसंट्रेशन बनाना है। हो सकता है कि बारिश आने की वजह से थोड़ा सा लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से विकेट आ जाए या फिर न्यूजीलैंड गेम में वापसी कर जाए, इसके अलावा कोई रीजन नजर नहीं आता। क्योंकि फखर जमान जिस मूड में बैटिंग कर रहा है भाई साहब, बड़े 100 बनाता है तो फिर वो 150-200 के करीब भी जाता है पारी उसके। बस आपके लिए यही चीज है, अगर न्यूजीलैंड को गेम में वापस आना है तो आप फकर का विकेट ले लो, न्यूजीलैंड पूरी गेम में आ जाएगी। आपने आप क्या गिनाते हो, हमेशा आप गिनाते हो चैंपियंस ट्रॉफी, हम जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में, मैं तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी किसने जिताई थी, इसी ने जिताई थी। सेमीफाइनल वर्ल्ड कप T20 में किसने रन मारे थे, इसी ने रन मारे थे। तुम्हारा ट्राइड टेस्टेड प्लेयर है जो अंडर प्रेशर रन बनाता है, जो टीम को बड़े मोमेंट में बड़े रन बना के जिताता है, उसी को बाहर निकाला हुआ है। बताओ उसी को बाहर निकाला हुआ है तुमने, भुगत लिया ना तभी इन्होंने इतनी बुरी हालत। और अगर ये महान होता है, इनकी टीम की भी ये हालत नहीं होती, कप्तान बाबर आजम की कैप्टनसी पर भी इतने सवाल नहीं उठते, पीसीबी में आपके इतने बवाल नहीं होते, जनता आपके बारे में इतनी सारी चीजें जो आप बोल रही है वो सारी चीजें नहीं होती, ओवरऑल आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते। यहाँ से भी आप ही बोलोगे ना पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने चेस कर लिया बाबर आजम की कप्तानी में, आप सेमीफाइनल पहुंच गए, बट किसके पीछे पहुंचे वो चीज आप देखो, सिर्फ एक बंदा फखर जमान के पैर पकड़ने चाहिए अगर ये मैच पाकिस्तान निकाल दिखा दो, क्योंकि उसके अलावा कोई, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था जो इनको इतनी करीब तक भी लेकर जाता। अभी लग रहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री सुपर चैट दिखा दो। और हमारे दोस्तों के लिए मैं ये भी बता दूं आपको फिर से कि मैंने स्पेशली हमने इस मैच के लिए प्लानिंग करी थी, हैट्स ऑफ टू लक्षित ऑल्सो, बिकॉज कल लक्षित मुंबई से सीधा बैंगलोर गया, सोया भी नहीं है वो लड़का। और क्योंकि हमने सोचा था आज ये पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, पता चलेगा कि पाकिस्तान कंटिन्यू करेगी कि न्यूजीलैंड कंटिन्यू करेगी, क्या होगा। तो और क्योंकि वहां पे बारिश के भी इम्कान थे तो हमने लक्षित को भेजा हुआ है ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहा है सिर्फ स्पोर्ट्स चैरी पे कि भाई बारिश का क्या सीन है। एनीवे ईजे लीमो बोल रहे हैं इंजमाम सिलेक्टर था पाकिस्तान का, तभी पर्ची खेल रहा था, बाबर कुछ नहीं कर सकता। बाबर को तुम बड़ा मासूम बना देते हो, ये बाबर कुछ नहीं कर सकता था, कैप्टन है भाई, क्यों नहीं कर सकता था यार, अब अपनी इज्जत नहीं होती क्या, तुम्हारी टीम हारे जा रही है तो कप्तान है बाहर कर उसको यार। फखर जमान को कैसे भाई, मैं आपको बता रहा हूं ये ड्रामेबाजी मैंने बड़ी देखी हुई है। तीन दिन फेटा हटा तो फखर आ गया, ये बात छोड़ दो, आप पहली सुपर चैट भेज रहे हो ईजे इल्मो, आप मासूम हो भाई, उस प्लेयर का कैलिबर दिख रहा है इनको, कौन मारेगा 9 छक्के, तो अपनी पूरी जिंदगी में 9 छक्के नहीं मार सकते, ओवर शैडो नहीं हो गया सारे के सारे। सही बात है, बाबर आजम नंबर वन बैटर लग रहा है, कहीं से नंबर वन उसके साथ खेल रहा है, खड़ा नहीं हो जा रहा उसका क्रीज पे, खुद सिंगल ले लेके दे रहा है उसको कि पायान आ गया, आओ तुसी आओ। ये भाई ये आतंक है, ये फखर जमान डोमिनेशन है, एक्सप्लोजिव है, उसका माइंडसेट आप समझ ही नहीं सकते प्लेयर का। प्लेयर का पता चल जाता है पहले एक दो गेम में कि किस तरीके से सोचता है। जो बंदे को दिल में जिगरे में जिगरे वाला प्लेयर होता है ना, उसका शुरू में ही पता चल जाता है कि इसमें दम कितना है, जिगरा कितना है। वो सेट हो गया ऐसी पिच के ऊपर, फखर जमान को प्रॉब्लम क्या होती है ये भी सुन लो, जहां पे बॉल थोड़ा मूव कर रहा होता ना वहां उसको प्रॉब्लम होती है, वहां नहीं चलता। जहां पे ट्रू विकेट है, सीधी बॉल आ रही है, किसी का प्योर उसको आउट नहीं कर सकता, और छक्के इतने मारेगा कि तुम्हें जिंदगी में बॉलिंग करने का मतलब ही नहीं है उसके बाद।
कितने छक्के मारे? नौ छक्के मारे. रोहित शर्मा ने कितने छक्के मारे स्टोडवर्ड में? 15 के आसपास. किसी मैच में 9 छक्के मारे रोहित ने अभी तक? 9 छक्के तो नहीं है मुझे याद. अभी वो खेल रहा 100 पे पहुंच भी गया. अभी आधा मैच से भी ज्यादा मैच बचा हुआ है. बाय द वे कितने 30 ओवर बचे हुए. 29.3. रोहित शर्मा आज तक का हिस्ट्री में सबसे बिगेस्ट सिक्स हिटर है. मगर जब ये बंदा मारना शुरू कर देता है ना ऐसी हलवे वाली पिच पे, किसको मिल जाए स्पिनर विनर ऐसे बॉलर, फिर बच के दिखा दो आप. ऑब्वियसली रोहित तो इससे भी बड़ा सिक्स हिटर है, लेकिन ये टक्कर दे सकता है ऑन हिज डे. जिस दिन इसका दे दो, ऐसे नहीं इसने चैंपियंस ट्रॉफी जिता दिया था भाई. इसका मैंने इंटरव्यू देखा था, इसका माइंडसेट समझा था. फखर जमान का माइंडसेट क्या, बिकॉज मैं मैच तो नहीं देख पाया था चैंपियंस ट्रॉफी का, मैं बड़ी बार बता चुका हूं मैं स्पेन में था. लेकिन मैंने इसका माइंडसेट समझने के लिए वहां पे जाके इसका इंटरव्यू सुना जब मैं वापस गया था. ऑब्वियसली पाकिस्तान तो पागल हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीत के. तो ये क्या बोल रहा है मेरा भाई वहां जाके, कह रहा है मैं कोशिश कर रहा था कि एज लगे एज का चौका जाए. मैं कोशिश कर रहा था कि एज लगे मेरे बैट से, मैं स्विंग कर रहा था कि एज लग के चौका जाए थर्ड बैन के ऊपर से छक्का जाए. कहता वो चौका नहीं छक्का हो गया. तो जब आप पता नहीं अजीब और गरीब तकनीकें निकालने लग जाते हो ना, जो कोई सोचता भी नहीं है, और उसको एडमिट कर रहा है ऑनेयर, अपनी बहादुरी नहीं दिखा रहा कि मैं कोई भी ये सोच रहा था, वो सब कह रहा है मैं तो भाई साहब ये सोच रहा था कि मैं एज मार दूं. तब मैंने सोचा कि ये है असली देसी प्लेयर, ये है असली तगड़ा प्लेयर, और इसको कोई ड्रामा नहीं है. इसको सिर्फ एक चीज है कि मैंने अपने देश को जिताना है और मैंने चेस के लिए जाना है. तो जब ऐसा क्रिकेट खेलोगे तो कौन तुम्हें कुछ बोलेगा यार, कौन तुम्हें कुछ बोलेगा? आपकी सब तारीफ ही करेंगे, इंडियंस भी तारीफ करेंगे भाई. पार्थ बोरा बोल रहे हैं, सुशांत सर योर ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द गेम इज माइंड ब्लोइंग. यार पढ़ना चाह रहा हूं, देखो पीला नहीं चीज है यार. ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स द गेम इज माइंड ब्लोइंग, दैट्स व्हाई सब्सक्राइबर इज इंक्रीजिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग टू स्पोर्ट्स यारी फैमिली. थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यार पार्थ. सही बात है, मतलब जिस तरीके से जी मेहनत भी हो कर मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली, और अप्रिसिएशन वही बात है कि भाई बाबा भी सब बोल रहे हैं अब्दुल्ला थोड़ा टाइम ले लेता तो अभी 200 प्लस होता है स्कोर. पता है ये बात बहुत सही है, अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है कि आप बोलते हो ना कि जो फियरलेस क्रिकेट जो फखर जमान दिखाते हैं बाकी किसी ने नहीं दिखाया है. जब फखर जमान में नहीं था तो एक इकलौता प्लेयर वो ऐसा था जो मतलब बिना सोचे बिना डरे खेल रहा था, बाकी सब डिफेंसिव होके खेल रहे हैं. वो फ्रंट फुट पर आकर ठीक है, देखो इतना भी कोई खराब स्कोर नहीं है. चेज के बारे में भी जब हम बोले थे मैंने दो ही नाम बताए थे कि ये दो नाम है जो आपके लिए इस अगर ये चेज पॉसिबल है तो ये आपके लिए कर सकते हैं, एक फखर जमान और एक अब्दुल्ला शफीक. अब्दुल्ला शफीक होता तो सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे. नहीं बात सही है बाबा पिता, देखो आप बोल रहे हो 200 प्लस होता स्कोर, लेकिन अभी जो 160 बने हैं 2200 ओवर चल रहा है, 160 बन गए हैं तो ऑलरेडी ये स्कोर इतना ज्यादा है बन गया कि पाकिस्तान अगर इन केस अगर मैच नहीं हो पाता, लेकिन हम तो चाहेंगे कि मैच हो यार. जिस तरीके से बैटिंग चल रही है पूरे में गेम देखने में मजा आया. फखर जमान जिस तरीके से खेल रहा है यार, एक बड़ा स्कोर भी लग रहा है कि आ सकता है और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है रन चेस. इंटरेस्टिंग तो देखते हैं क्या होता है वहां पे, लेकिन हाँ मैच बस है कि मैच जल्दी रिज्यूम हो. और ये सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अब चलो पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका मार देती 400, आपने ऐसी बैटिंग कर दी, बाकियों ने किया पहले बैटिंग करते हुए आपने मार दिया, आप चेस कर रहे हो 400 और आपकी हालत आपको पता है नॉकआउट ही एक तरीके से. नहीं नहीं यार बाबा पिज्जा लालची मत बनो, लालच मत करो मेरे भाई, लालच नहीं होना चाहिए. जो हुआ बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे तो मैं बोलूं फकर आउट हो जाता तो 50 भी नहीं होता फिर, वो तो है पॉइंट. तो ये नहीं सोचना चाहिए, आप ये सोचो कि कितनी ब्यूटीफुल सिचुएशन में आप हो. जब 400 पड़ गया था आपने सोचा था कि ऐसे सिचुएशन में हो जाओगे? हमें सिर्फ ये पता था कि फखर जमान मार सकता है, लेकिन आज जो कर रहा है इतना तो हमने भी नहीं देखा भाई. पाकिस्तान को जिता दिया है भाई, केस अगर यहां पे नहीं होता. मैं फखर जमान का बहुत बड़ा फैन हूं, डे वन से हूं. मेरे ट्वीट देख लो, मैंने हमेशा मैंने बाबर का बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने शाहीन का मजाक, पूरे पाकिस्तान टीम में गुड़ गोबर करते कर फखर जमान को मैंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मैं उसका फैन रहा. लेकिन मैंने उसको इतनी तेज खेलते हुए आज तक नहीं देखा, और 400 के चेज में तेज खेलता है, बहुत तेज खेलता है. आज तो रुका ही नहीं है यार, ऑलमोस्ट 10 छक्के मार चुका है वो, पागल ही हो चुका है. सो यू नो ही इज समवन हु यू कांट मेस विद. सो इतने लालची मत हो कि अब्दुल्ला भी होता 200 हो जाता है, तभी रन थोड़ी बना लेंगे यार. बट हो सकता था वो भी बहुत तेज खेलता. उवैस यूनुस, कैन वी प्लीज गेट सम छुल्लू भर पानी? आज कुछ नसीब नहीं होगा भाई, आज भाई उसको उसको प्रोटीन के डब्बे भेजो पूरे पाकिस्तान. एक काम करो मेरा, प्रोटीन के डब्बे खरीदो और उसको भेजो कि ले बेटा प्रोटीन खा, और जिस दिन पूरा प्रोटीन खा लेगा ना उस दिन आ जाइए, बता दियो डेट, फिर तो छक्के मार के दिखा. तेरे को अंडर आर्म बॉलिंग कर देंगे तब भी तो 9 छक्के मार के दिखा दियो. क्या यार उसके टाइम वेस्ट. अच्छा ये तो उस दिन ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में होता फखर जमान तो वो भी चेस करवा देता है. उस दिन तुम 300 प्लस पहुंचे हो लेकिन पर्ची ने 70 पे 70 बनाया.
साउथ अफ्रीका वाले मैच में 70 बॉलों पे 120 बनाता, मैच जीत गए थे। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी आपके पास एक्स्ट्रा जो 20-30 रन शॉर्ट पड़ गए थे ना, फकर जमान होता आपके साथ में वो सीन होता ही 100%। उसको तो पसंद भी है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, फकर जमान इनकी टीम में होता आज पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। बहुत अपने सिलेक्शन की वजह से ही पाकिस्तान अपने मतलब ही नहीं है यहाँ पहुंचा हुआ है, इस स्थिति में पहुंचा है कि अभी चलो ये मैच पता नहीं क्या होगा, अभी यहाँ से देखना पड़ेगा बारिश कब तक है, क्या है, क्या है स्टेटस, क्या है अभी इस समय पे। दिखाओ दिखाओ अभी स्टेटस देख लेते हैं, सुपर चैट दिखा दो आगे। सही बोल रहे हो यूनुस भाई के चुल्लू पर पानी यार, बताओ मैंने बोला था आपको क्या, चलो कह रहे थे ना कि मुझे भी कफ है, आप ठंडी पी रहे हो, चलो कोई नहीं। चश्मा एससी टेलीकॉम बोल रहे हैं, सुशांत भाई योर एनालिसिस हैज बीन सो एक्यूरेट एंड यू आर राइट, ये बेचारे डरे हुए लोग हैं, अपनी फिक्र है कंट्री की नहीं। भाई जब भी आप अपने देश की नहीं सोचोगे ना, भगवान आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आप अपनी देश की सोचोगे, अपने वो लड़का अपनी जान हथेली पे लेके पाकिस्तान के लिए खेल रहा ना, जब उसका 100 कंप्लीट हुआ है, उसकी शक्ल देखी थी, वो तब तक रिलैक्स किया जब उसका 100 हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच इट अगेन। आप लोग मेरी अगर ऑब्जर्वेशन की दाद देते हो ना, मैं आपको शुक्रगुजार बहुत हूं, आपके लिए काम करते हैं भाई, आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हो ना, जस्ट गो एंड लुक एट हिज फेस जब 100 कंप्लीट हुआ है, इट वॉज लाइक अ माउंटेन हैज बीन लिफ्टेड ऑफ हिज शोल्डर्स, अल्टीमेटली एक पहाड़ था उसके कंधे पे कि नहीं खिला रहे, ड्रॉप कर दिया, ईट से नहीं खेला जा रहा, वो बैठा है नीचे, सांस निकली है उसकी, ऐसे हुआ वो ठीक यार, अल्लाह पाक आज कसम से। अब रफ पैच देखो, मुझे मुझे ये इज्जत दी है, अल्टीमेटली अफगानिस्तान वाली सीरीज से शुरू हुई थी जहां से फकर जमान के रन नहीं आ रहे थे, इस आदमी ने किसी भी बड़े मैच को नहीं छोड़ा। ये कुछ लोग होते हैं ना स्टार्स, बाबर आजम अभी स्टार वाली कैटेगरी में भी नहीं है, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, ये बंदा है सुपर स्टार है, तुम अपने सुपर स्टार को खिलाई नहीं रहे, और सुपर स्टार होने के बावजूद उसकी जो रिएक्शन था, मैं रिएक्शन समझा रहा था क्या था पता है, कि आज फिर से मुझे भगवान ने मेरा साथ दिया है, मेरे को वापस लेके आया है, मैंने ठीक है मैं अच्छा भी खेला हूं, बट इट वॉज लाइक यार जो मेरा नाम खराब हो गया था ना, मुझे जो ड्रॉप किया जा रहा था, आपने मेरी इज्जत भी बचा ली, पाकिस्तान के लिए तो खेल ही रहा है वो, बट इट वॉज पर्सनल यार, इट वॉज पर्सनल। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या डिस्कस करा, क्या उसकी ये बात बोलनी बनती थी कि यार मैं अवेलेबल था, ये लोग खिला नहीं रहे थे, लगता है ना कि रिफ्ट हो गया, भाई कोई टीम में है बंदा, तुझे रन मारे हैं, क्यों तुम जाके बोलोगे अगर सब कुछ ठीक होगा कि यार मैं तो ठीक था, ये लोग मुझे खिला नहीं रहे, कुछ तो दिल पे लगी होगी ना बात, या यार मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई भी है, मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में मारे रन, जहां बाबर के रन नहीं आए, किसी के रन नहीं आए, मैं पाकिस्तान को जिताता हूं, तुम लोग मुझे ही बाहर कर रहे हो यार, इमाम के लिए, फॉर गॉड सेक, नहीं बनता इमाम उल हक, भाई मैं एशिया कप में हाथ जोड़ दिए थे कि इस बंदे को मत खिलाना, और तब से मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि ये बंदा बाहर होगा, फकर जमान खेलेगा तो जीतोगे नहीं तो कभी नहीं जीतोगे, और वही हुआ, इमाम को इंजर्ड तो नहीं है, इमाम ने ऐसा तो नहीं है रन नहीं मारे, ऑस्ट्रेलिया के 70 रन मारे हुए उसने, बट वो खेलता है अपने, और उसके पास शॉट्स ही नहीं है यार, उसको इमाम की क्या स्ट्रैटेजी है, टुक टुक करना, और जो अगर लूज बॉल मिले उस पर लगा दिया, इसको लूज बॉल की वेट नहीं करता फकर जमान, अगर इसको पता है 400 रन चाहिए, गोस फॉर द टारगेट, उस दिन भी इमाम को भी टारगेट पता था ना 380, वो क्या कर रहा था, इसने तो आधा मैच ही खत्म कर दिया भाई, अभी भी आउट हो जाए, अपना काम तो कर गया ना, अल्टीमेटली आओ रिजवान, आओ इफ्तिकार, आओ साउथ शकील, आओ सलमान आगा, आओ बाबर आजम, पांच बंदे बचे हो, बनाओ बना लो 240 चाहिए, क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, मर्द मुजाहिद, आओ देखता हूं तुम्हारा, तो That is the difference between a match winner and a parchi. Simply. आगे आ जाइए. Thank you, SC Telecom. आओ जी आगे आओ. बारिश का क्या सीन है भाई? सीन है मैं वही देख रही हूँ. लक्षित तो अपना बता ही रहे होंगे ना. फैजल खान, फकर दिस मैच हिट मोर सिक्सेस देन इमाम इन 2023. यार कोई कंपैरिजन ही नहीं. आप कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो? फकर जमान इमाम. फकर जमान नहीं, लेकिन ये बड़ी बात है यार. हाँ, बड़ी इस मैच में 9 छक्के मार दिए. 2023 में इमाम ने छक्के नहीं मारे. और एक बार बाप बताओ, थोथा चना बाजे घना. मैं हमेशा इंटरव्यू जब सुनता हूं ना किसी का, मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा हवाबाजी करता है या बंदे में वाकई में दम है. इमामुल हक है हवाबाज. इमामुल हक, आई नो फॉर अ फैक्ट कि टीम्स हमसे डरती हैं. पे तेर से कौन डर रहा है भाई? तेर से तो खुद पाकिस्तान डर रहा है कि इसको खिला लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे. हमसे डरती है, ऐसे लोग कभी नहीं बोलते. वो आया उस दिन क्या बोल रहा है? कह रहा है यार मैंने 100 छोड़ दिया ना अपना, मुझे टीम के लिए खेलना है. मैं 28-29 ओवर में चेस करने जा रहा था, वरना तो 100 आसान होता मेरे लिए. बोल रहा है कि नहीं यार मेरी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, मुझे खिला सकते हो आप, मैं बाहर नहीं बैठना चाहता.
ये आके भड़के मार रहे हैं परची जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं मुझे लगता है कि प्रोटीन खाना चाहिए, छक्के नहीं लग रहे, लखती लानत, जहन्नम की लानत, कसम से मजाक सूझ रहा है तुम्हें, टूर्नामेंट तेरे देश का खत्म हो गया, तुझे मजाक सूझ रहा है, टीम की हालत खस्ता ही है। आज जो फकर जमान का एक्सप्रेशन था ना यार, उससे पता चलता है उससे कितनी ज्यादती हुई है, इट इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट। और मैं इसीलिए भी ज्यादा लताड़ रहा था तुम लोग को, लानत है इसीलिए भेज रहा था इनके शक्लों के ऊपर, बिकॉज ये अपने प्लेयरों के साथ ही ठीक नहीं करते। और मैं उस दिन भी तुम्हें बोला कि आई रिफ्यूज टू बिलीव कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है खेलने का, टीम इनके पास है, सिलेक्ट तो कर लो, बहुत प्लेयर पड़े हुए हैं। अभी आधे मैच बाबर आजम ने ओपनिंग बॉलिंग कराई है इफ्तिकार अहमद से, इमाद वसीम को ले आता भाई, तुम्हारे जो मर्जी पर्सनल डिफरेंसेस हो, जो मर्जी तुम्हारे पर्सनल डिफरेंसेस हो, इमाद वसीम को ले आता ना, क्या दिक्कत थी, कॉन्ट्रीब्यूट ही करता ना तुझे, तू एंड में तो तेरे पास कोई नए बॉल का बॉलर बचा नहीं, कप्तानी तो हमने देख ली बाबर आजम की, कप्तानी में तो वो घोचू है, वो तो मैं आज भी बोलता हूं, 400 रन नहीं पड़ने चाहिए थे। पहली बात है तुम्हें पहले बॉलिंग ही नहीं करानी चाहिए थी, तुम्हें बैटिंग करानी चाहिए थी, बट खुद में हिम्मत है नहीं, फकर पे भरोसा नहीं, उसने दिखा दिया कि बेटा ये देख ले, जो आदमी चेज में मार गया 160 बॉल्स में, वो तो मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी ने 37 बॉलों में 100 रन मारे थे, वो तो ऐसे मार देता यहाँ पे, पहले बैटिंग कर, पहले बैटिंग आती तो 200 मार सकता था इस विकेट पे, तो जैसे बैटिंग कर रहा है अब तो चेस का प्रेशर होगा, तुम लोग पहले बैटिंग करके 400 बना देते, मैं देख रहा था न्यूजीलैंड कैसे बना देती। सही बात है यार, फकर जमान जिस तरीके से इंटेंट दिखाया उसने, वो मतलब अल्टीमेटली आपको पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में, और फिर अपने पर्सनल डिफरेंसेस के चलते टीम को कॉस्ट करवाते हो। बाबर आजम, इमामुल हक, सबको पता है, किसी से नहीं छुपाया कि कैसे उनके बीच में कमराडरी रही है, और उस वजह से वो लगातार इमामुल हक टीम में लगातार खेल रहा था। फकर जमान ड्रॉप करना होता था तो फकर को पहले ड्रॉप कर दो, इमाम वहीं के वहीं खेल रहा है। ये शुरू क्यों नहीं हो रहा, लक्षित वाले विजुअल्स में तो मुझे बारिश ज्यादा दिख नहीं रही है, बारिश कम है, बारिश हो रही है, कम हो गई है काफी, बट एकदम से नहीं रुकी है, एकदम से रुकेगी, लेकिन 5:40 पर ओवर कटने शुरू हो जाएंगे। 5:40 जैसे चारू बता रही है ओवर कटने, एसी चला दे यार, ओवर कटने शुरू हो जाएंगे, सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट कि कितने ओवर कटते हैं, क्या होता है, बाकी है। और बाबर आजम को फिर मैं बोलूंगा घोचू कप्तान है भाई, भाई तूने बैटिंग पहले करा ली, तेरी नेट रन रेट तो मेन फंस रही थी, नेट रन रेट तो ऊपर करनी थी, अब क्या किस भरोसे पे जाओगे कि न्यूजीलैंड हार जाएगी श्रीलंका से, या बारिश हो जाए, कुदरत का निजाम हो जाए, नेट रन रेट ऊपर करनी थी ना मेरी जान, तो पहले बैटिंग करता, अब उन्होंने 400 मार दिए, तुम चेस भी कर लोगे तो नेट रन रेट में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खैर देख रहा हूं मैं, लक्षित वाला लाइव भी मैं देख रहा हूं, तो ज्यादा तो नहीं लग रहा, बारिश नहीं हो रही है, बारिश तो नहीं दिख रही, ड्रिजल है बहुत, उसमें भी है कि सुपर चैट, फहीम अशरफ जी थैंक यू फॉर सेंडिंग फर्स्ट सुपर चैट, आगे आ जाइए, बारिश खत्म नहीं होती, शुरू पढ़िए। मोहम्मद उमर बोल रहे हैं लव रिस्पेक्ट एंड इश्क टू सुशांत भाई, भाई काइंडली प्रे फॉर अस टू क्वालिफाई फॉर सेमी, यू नो वी हैव लिटिल हैप्पीनेस लाइक दिस, उमर फ्रॉम यूके #indo। अबे यार ऐसा है, देख यार इमोशनल मत करा, मैं तुम्हें पहले भी बोला है, वी हैव लिटिल हैप्पीनेस, और ये वो साले रुलाओगे तुम, ऐसे मत करा करो, लड़ाई झगड़ा करते हुए अच्छे लगते हो, ये सब मत करा करो कि वी हैव लिटिल हैप्पीनेस, ऐसा नहीं है भाई, ऊपर वाला सबको दे भगवान आपको भी अच्छा करे, मुझे पता है कि बहुत तकलीफें हैं उधर, लेकिन अच्छा ही करे, सब कुछ अच्छा ही होगा, बट भाई जब आप अपने साथ ही अच्छा नहीं करना चाहते तो दूसरा बंदा तो कुछ नहीं कर सकता ना। पर ये फखर के इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, हां यहां तो इन सर्च ऑफ कोयला वी लॉस्ट डायमंड, गोल्ड भी नहीं था वो, कोयला गोल्ड तो फिर अब भी कचरा भी खेलेगा, वो वाली बात इन सर्च ऑफ, मैं इमाम के पास जाऊंगा बोलूंगा अब कचरा भी खेलेगा, क्लास अलग है भाई, प्लेयर्स की क्लास अलग है, प्लेयर्स की हिम्मत अलग है, प्लेयर्स का जज्बा अलग है, ये पाकिस्तानी प्लेयर लगता है फकर जमान को, फकर पे फकर, ग्रास रूट लेवल से आया हुआ लगता है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर है, हाथों में जान है, छक्के मार सकता है, अग्रेसिव खेलता है, चढ़ के मारता है, जिस बंदे ने पूरी दुनिया की बॉलिंग अटैक को मारा है, इंडिया की बॉलिंग को, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, आज कीवी बॉलिंग को मार रहा है, उस बंदे को बाहर कैसे रख सकते, और जिस बंदे ने पूरी दुनिया से मिट्टी पलीत कराई हुई है, इमामुल हक ऑफ द पर्ची जिसका हक हो, कंपैरिजन बनता ही नहीं है यार। लव रिस्पेक्ट एंड सुशांत इश टू सुशांत भाई काइंडली प्रे फॉर अस टू क्वालिफाई, मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं भाई इमोशनल नहीं करना, उमर फ्रॉम यूके, अभी तो आ दुआ रंग ला रही है वैसे पाकिस्तान, इमोशनल नहीं करना, एंड में हार जाओगे तो फिर मजाक उड़ाऊंगा बता रहा हूं मैं, आगे आ जाओ मोहम्मद उमर थैंक यू, बट अगर जीत गए चांसेस है बहुत बन गया है, जीत गए तो फिर काफी सारी चीजें आपके लिए मजा आ जाएगा यार, ओवर रिड्यूस आगे आ जाओ, मुझे लगता है पाकिस्तान का ही होने वाला है, आप देखना। जिशान कालिम बोल रहे हैं प्लीज शेयर डीएलएस सिनेरियोस, डीएलएस सिनेरियो निकालना पांडे जी, चारों आप भी देखिएगा, प्लीज शेयर डीएलएस सिनेरियोस, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, व्हाट इज कट ऑफ टाइम, शुड रेन कंटिन्यू, इज लूजिंग ओवर्स गुड फॉर पाकिस्तान, नो इट इज नॉट, लूजिंग ओवर्स
तभी तो मैं बोल रहा हूं यार कि क्या घोचू कप्तानी है कि तूने पहले जाके जो है वहां पे बॉलिंग करा ली। अब क्या होगा जब ओवर कटने शुरू होंगे, अच्छा आपको एक थोड़ी रिस्पाइट मिल सकती है कि एक ही विकेट गिरी और रन रेट आपकी अच्छी है, तो हो सकता है कि इतनी भैड़ी इक्वेशन ना मिले, लेकिन हमेशा जब भी ओवर्स कटते हैं इट ऑलवेज मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फेवर्स द बॉलिंग साइड, क्योंकि ओवर्स कटते हैं बहुत ज्यादा, रन कम होते हैं इतने से। जैसे 400 रन है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अब ओवर्स कटने शुरू होंगे, चारों ने बोला 5:40 से अगले 15 मिनट में भाई आपके ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे। अच्छा देखो अभी अब जब ओवर्स कटने, एक सेकंड में आ रहा हूं चारू, पूरा डीएलएस उसको भेज दीजिए ना, स्क्रीन पे दिखा देंगे, मैं पढ़ भी लूंगा। तो ओवर्स जब कटने शुरू हो जाएंगे मेरे भाइयों, तो क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे 400 रन है, अब ओवर्स कटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट्स से 10 ओवर कट गए, ओवर्स तो कट जाएंगे 10, लेकिन टारगेट हो जाएगा 380, तो 10 ओवर कटेंगे लेकिन सिर्फ 20 रन कम करेंगे। ये मेरे को डीएलएस का भी समझ नहीं आई, आपको सिर्फ फायदा अभी ये दिख रहा है बिकॉज आपकी सिर्फ एक विकेट गिरी है, तो हो सकता है इतना भयानक ना हो सूरत हाल, बट डिसएडवांटेज तो आपकी होगी भाई। जीशान कालिम दिखाना एक बार यार, देख ही लेते हैं क्या इक्वेशन है। इफ 10 ओवर्स आर लॉस्ट पाकिस्तान विल नीड 175 फर्दर इन 18.3 ओवर्स। इफ 20 ओवर्स आर लॉस्ट, क्या उसको दिखा सकते हैं हम स्क्रीन पे, उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप भेज दें यार लक्षित को, तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही, वो तो खड़े होकर आराम से लाइव कर रहा है, बहुत स्लाइड, बहुत हल्का सा ड्रिजल है अब तो, लक्षित दिखाई नहीं दे रहा, भेज दो ना, भेज दो वो चला देगा, हां भेजो ना, भेज दिया मैंने। सुपर चैट 92 पाकिस्तान लिखा हुआ है एनओके, कैन यू प्लीज से शाउट आउट टू आकिब खान फ्रॉम नॉर्वे। आकिब खान शाउट आउट है टू यू ब्रदर फ्रॉम नॉर्वे, भाई नॉर्वे मुझे भी आना है यार, बड़ी खूबसूरत जगह है, मैंने अभी छुट्टी पे जाना है, बट नॉर्वे में ना उस टाइम पे ठंड हो रही होगी, वरना पक्का आता यार। फकीर क्यों लिख रहे हो, फकर है उसका नाम यार, हसन रिजवी भाई, पिछली बार फकर होना चाहिए, फकर पे फकर करो। फकर हैज एक्सपोज करप्शन इन पाकिस्तान क्रिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाबर्स इनकॉम्पिटेंसी एज कैप्टन। 100% बाबर ने बैक भी बहुत किया है, मगर फकर को हमेशा उसने एज अ मजाक ही ट्रीट किया है। आपको मैं अंदर वाली बात ये भी बता देता हूं आज, जिस लोगों को नहीं पता, जो मेरा मजाक उड़ता है बाबर के, जब मिला था उससे, जो भी है लोगों को तो पता नहीं, हालांकि बाबर मेरे से बड़े प्यार से मिला था, वो एक विजुअल निकल जाता है जब बाबर जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं बाबर ने, उसने आराम से मुझे यू करा और चला गया, वो ज्यादा बात नहीं करता। जब मैं पीछे गया, जब हमारी फोटो खींची है, तो मेरी प्रॉपर बात हुई उससे, तो मैंने एक ही सवाल किया था भाई उसको ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में, वो तो फकर अवेलेबल नहीं था, मैंने उसको बोला फकर जमान से ओपनिंग नहीं कराओगे आप, कसम है मुझे भगवान की, ऊपर वाले की, मेरे रब की, सबकी, सिर्फ एक ही सवाल किया था, थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूं, मेरे को एग्जैक्टली शब्द नहीं याद, लेकिन मैंने उससे यही पूछा था कि फकर जमान से ओपनिंग करवाओगे नहीं करवाओगे क्या आप, ये भी नहीं बोला था कि करवाओगे कि नहीं करवाओगे, मतलब फकर जमान से ओपनिंग नहीं करवाओगे, ऐसे पूछा था मेरे को जितना याद है। बाबर ने कोई आंसर नहीं दिया, सॉरी मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, लेकिन आज इमोशंस है, क्योंकि भाई तब से मैं उस आदमी को बैक कर रहा हूं, वो इंजरी के कंसर्न्स की वजह से बाहर भी हुआ, अंदर भी आया, बीच में ऐसा नहीं रन नहीं बनाए यार, इनसे खुद से तो रन बन नहीं रहे, उसको ड्रॉप कर देते हैं सबसे पहले। आज मुझे चॉइस दो, पाकिस्तानियों से पूछता हूं, बाबर को ड्रॉप करोगे फकर को ड्रॉप करोगे? बाबर को, बाबर आजम ड्रॉप होना बनता उनका, वो मैच उसको ड्रॉप करके बैठे हुए हो आप। देखो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से मैं पूछ रहा हूं उस आदमी से कि फकर जमान को क्यों नहीं ओपन करा रहे, तुमने उसको T20 में नीचे खिलाया, उसने नीचे भी रन मार दिए बाय द वे, और मेरे को, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप फाइनल में फकर जमान अवेलेबल होता तो हाल ही कुछ और होता। 130 रन पे वो अपने देश को ढेर नहीं होने देता भाई, वो हमेशा जब भी पाकिस्तान लगता है ना गया गया गया, वो आके खड़ा होता है, वो आके रन मारता है, और प्रेशर सिचुएशन में, बड़े बिग मैच सिचुएशन, देखो बिग मैच सिचुएशन में बड़ा प्लेयर ही सामने आता है, दैट इज फकर जमान। भेज दिया है वो, तो देख लेते एक बार डीएलएस का, लगा दो रॉबिन, दिखा दो जी, दिखा दो रॉबिन, ये हटाओ सुपर चैट। हाँ भाई, 10 ओवर, इफ 10 ओवर्स आर लॉस्ट पाकिस्तान विल लीड 175 फर्दर, 10 की रन रेट चाहिए होगी आपको। देखो वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर ओवर कटते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज पता है क्या है, मान लो 20-20 ओवर का गेम है, ये 20 ओवर में लगा लो कि 200 रन चेस करने हैं, सबसे बड़ी एडवांटेज आपको क्या है कि आपके पास 9 विकेट्स हैं, फकर जमान सेट है, 100 पे खेल रहा, बाबर आजम भी सेट है, और बाबर आजम से कुछ चाहिए नहीं, टुक टुक करता रहे, लेकिन डेंजर इसमें यही है, लेकिन फिर भी यार 20 ओवर में 200 चेस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, तब इस पिच में हो जाएगा, इस ओवर इस पिच में बिल्ड कर दिया है ना इनिंग्स, ये भी इतना बुरा नहीं है। देखो डीएलएस का बता रहे भाई आपको, ध्यान से सुन ला सारे के सारे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों जो भी देख रहे हैं हमें दुनिया में से, ऑस्ट्रेलिया में से, यूके में से, नॉर्वे में से, एवरीवेयर, बांग्लादेश, नेपाल, सारे हमारे दोस्त भाई बहन, 10 ओवर अगर कम होते हैं, मतलब 40 ओवर की गेम होती है, तो 175 रन चाहिए इनको 18.3 ओवर्स में, राइट, जो कि डूएबल है, गेटेबल है। अगर 20 ओवर कम हो गए,
30 ओवर का मैच हो गया तो 92 रन चाहिए 8.3 ओवर्स में, जो कि डूएबल है, गेटेबल है। अगर 25 ओवर लॉस हो गए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3.3 ओवर्स रह गए, तो आपको 37 रन चाहिए जो कि डूएबल है, गेटेबल है, तो कोई भी इक्वेशन आपकी रीत से बाहर नहीं है, स्पेशली बिकॉज 9 विकेट्स इन हैंड। बस एक ही मुझे तकलीफ लग रही है यहां पर कि जो रेन की वजह से थोड़ा सा रिदम डिस्टर्ब हुआ है ना, देखने वाली बात ये होगी कि कहीं फकर जमान आके आउट ना हो जाए। आपको याद है मैंने 266 वाली गेम में भी ये बोला था, अब वो इंडिया की गेम थी तो आपने ज्यादा सुना नहीं, आपको लगा कि इंडिया की नफरत है इंडिया को बचाने के लिए बोल रहा है। पहले चार ओवर रोहित शर्मा शुभमन गिल अच्छा खासा खेल गए थे, निकाल गए थे, फिर बारिश आ गई, फिर रोहित शर्मा आए बोल्ड हो गए, विराट कोहली बोल्ड हो गए, रोहित शर्मा सेट हो गए थे, मेहनत कर गए थे। आज भी फकर जमान पूरी मेहनत पूरी रिदम में चल रहा था। ये फायदा बारिश का पाकिस्तान को नहीं होगा, फायदा बारिश का न्यूजीलैंड को ही होगा, बिकॉज वो रीग्रुप करने का मौका मिल गया उनको, बैठ के प्लान बनाने का मौका मिल गया कि हो क्या रहा है यार इतनी कुटापा, भैया तमीज से कर लो अब बोलिंग, प्लान बनाएंगे, अच्छा ये यहां मार रहा है, कुछ कोच बताया, कुछ कैप्टन बताया, कुछ बॉलर्स की नर्व सेटल होंगी कि नहीं जी ये ट्राई करते हैं, तो यहां पर एडवांटेज उन्हीं को। लेकिन हैविंग सेड दैट, फकर जमान के पर्सनैलिटी में, फकर जमान की अदालत में कोई रियायत नहीं है, वो आदमी देखता नहीं है मारता है, इसीलिए मेरा फेवरेट है कि देखता नहीं है मारता है वो अपनी। हर बंदे का यार देखो डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेयर होता है, कोई कोई लोग है उनको राहुल द्रविड़ बड़े पसंद है, उनको अटैकिंग प्लेयर अच्छे लगते होंगे, लेकिन उनको था कि वो क्लास, वो एलिगेंस, वो चाहिए था वो डिफेंस, वो प्रॉपर। भाई हमें कभी पसंद नहीं आती ऐसी बैटिंग, हमें चाहिए आयो खेलने मारो एंटरटेन करो भाई, बिल्कुल चढ़ के खेलो, वो हमें करता है पूरा। रोहित शर्मा, फकर जमान, डेविड वार्नर, विराट कोहली, हमें नहीं पसंद भाई बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल, मुझे नहीं पसंद। बहुत अच्छी रिकवर ड्राइव मारते हैं, बहुत अच्छी ऑन ड्राइव मारते हैं, बहुत अच्छा कट मारते हैं, क्या करूं मैं, बथेरे प्लेयर है। जहां पे मुझे चाहिए कि मुझे प्लेयर ऐसा चाहिए भाई कि मैं मैच देख रहा हूं तो एक बॉल में भी मुझे ना एक्साइटमेंट की कमी ना हो। रोहित शर्मा आता है क्रीज के ऊपर, एक सेकंड के लिए भी हिलने का मन नहीं करता कि भाई अगर मैंने इधर उधर आग करी तो छक्का मिस हो जाएगा बड़ा जबरदस्त। सेम विद फकर जमान, हर बॉल पे छक्का मार रहा है। तो चले नहीं भाई, आपको मैंने सारी की सारी इक्वेशन बता दी है। 10 ओवर लॉस्ट होंगे तो पाकिस्तान को 175 चाहिए होंगे 18.3 में, कोई मुश्किल नहीं है। 9 विकेट्स इन हैंड, 20 ओवर कम हो गए तो पाकिस्तान मिल रही 92 इन 8.3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 3.3 ओवर्स का होता तो फिर बिल्कुल ही आपके हक में हो गया कि 37 रन चाहिए इस पिच पे, इस ग्राउंड पे गेटेबल है आराम से। आपको याद है मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही बोला था कि चिन्ना स्वामी में कोई तो टीम ऐसी आएगी जो 350 पे 350 नहीं तो 400 पे 400 भी चेज हो सकता है। 400 पे 400 पर 400 भी चेज हो सकता है। चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे 12-15 छक्के, अगर मान लो 10 छक्के भी लग जाते हैं इसमें से यहाँ से तो बड़े आराम से रन बन जाएंगे। 9 तो अकेले फकर जमान ने अभी तक लगा दिए, एक बाबर आजम भी लगा है। सी सिंह, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन न्यूजीलैंड बोल लाइक दिस इन सच अ क्रूशियल मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी नाउ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बार यार जीत ले तो पहले तो पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को भी मैच खेलना है इसके बाद। सी सिंह खेलना भी है नहीं, सी सिंह आप क्या कह रही हैं, आप बोल रही हैं कि I don't understand how New Zealand can bowl like this. It's such a crucial match. Pakistan versus India semi-final is a very good possibility now. It is one step further. It is not a possibility yet. Why I am saying that they have messed up and why I am saying Babar Azam is Ghochu captain, he should have batted first. Pehle batting karani thi. Tumne pehle 400 run kha liye. Ab tum 400 chase bhi hoga. Chalo, 18.3 overs mein let's say 175 chase karna hai. Wo 15 over mein kar loge yaar. Bahut jaldi khel jaoge. तीन ओवर पहले ही करोगे ना, नेट रन रेट में कितना फर्क आ जाएगा। तुम्हें नेट रन रेट को बेटर करने के लिए 35 ओवर पहले चेस करना था या फिर 80 रन से मैच जीतना था, 85 रन से मैच जीतना था। दोनों चीजें खत्म हो गई हैं। आज अगर ये न्यूजीलैंड से जीतते भी है तो नेट रन रेट न्यूजीलैंड की ही बेटर रहेगी, इनकी नेट रन रेट ऊपर नहीं आ पाएगी। चाहे जितना मर्जी तेज खेल ले फकर जमान यार, वो भी कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना, वो तो अपने पूरा बेस्ट कर रहा है। भाई 8 रन पर ओवर, 10 रन पर ओवर से बेटर तो नहीं करोगे, पहले ही 400 मार के जा चुके हैं ना। प्रॉब्लम ये हो गई सी सिंह, वो यहां फंस गए हैं ये लोग।
आगे आ जाइए। तो इवन अगर न्यूजीलैंड लास्ट गेम जीत जाती है श्रीलंका से और ये भी जीत जाते हैं इंग्लैंड से तो भी न्यूजीलैंड नहीं जाएगी। ये सिर्फ पर्चियां खिलाने के चक्कर में इन्होंने अपनी क्रिकेट बर्बाद कर ली। बोर्ड के प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, बाबर के व्हाट्सएप चैट्स लीक हो रही है, मिकी आर्थर बोल रहा है मैं सिक्योर। आज मिकी आर्थर के कसम से फिर सुने या बैठ से कोई ना कोई कुछ कहां से खेल गया फखर जमान। पिछले मैच में क्या बकवास कर रहे थे कि हम सिक्योरिटी इतनी टाइट लगा रखी है, हमसे खेला नहीं जा रहा, कोविड का टाइम याद आ रहा है, कोविड का टाइम याद आ रहा है, कुछ भी मतलब हमें दिल दिल पाकिस्तान नहीं चलाया, दिल दिल पाकिस्तान इररिलेवेंट बातें, बेशरम आदमी। रातिम खान बोल रहे हैं इफ अब्दुल्ला शफीक फखर जमान नसीम प्लेड फ्रॉम द स्टार्ट हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान वुड हैव डन, लेट्स से नसीम वाज फिट। ओके इट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट मैंने आपको शुरू से जो मैंने टीम बनाई थी उसमें फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ओपनर। अब उस टाइम अब्दुल्ला शफीक का सीन नहीं था तो मैंने इमाम को रखा हुआ क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे थे आप लोग। फखर जमान अब्दुल्ला शफीक बाबर आजम अब रिजवान भी तो आपकी मजबूरी है ना एक तरीके रिजवान इफ्तिकार साउथ शकील अब आप ले आओ सलमान आगा। प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग में है रतिम, स्टिल आई विल से प्रॉब्लम बॉलिंग में है। बॉलिंग जो आपकी है आज भी आप चार बॉलर के साथ ही गए हो ना, आपका बेस्ट बॉलर कौन था आज? मोहम्मद वसीम जूनियर। टेपिए को कहां छुपाओगे भाई? टेपिए की आपने देखा किस हिसाब से पिटा है वो, बेहिसाब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसने हारिस रऊफ ने, सबसे ज्यादा छक्के खाने वाला बॉलर है वर्ल्ड कप में। कितने बॉलर आए होंगे कितने गए होंगे, 16 छक्के ऑलरेडी खा चुका है, अभी तुम्हारा एक मैच बचा हुआ है, पहली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई ने, सोचो आप 16 छक्के खा चुका है वो आदमी। शाहिन शाह आफरीदी जब जरूरत है तब तक कभी नहीं परफॉर्म करता। बारिश रुक गई है पूरी तरह से, चलो शुक्र है भगवान की बारिश रुक गई है अब जल्दी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहां का बहुत अच्छा है चिन्ना स्वामी का, जल्दी सूख जाएगा। होपफुली लक्षित वहां पे आपको बारिश का भी पूरा देख रहे हैं, दे रहे हैं आपको मुआयना कर रहे हैं वो, तो होपफुली जल्दी जल्दी वो भी बारिश खत्म हो आ रहा है। तो रतन खान आई विल से इवन नसीम के साथ आपके चांसेस बहुत बेटर होते, बट आर यू वर्ल्ड कप विनिंग साइड? आई हैव माई डाउट्स, आई रियली हैव माई डाउट्स बिकॉज शाहीन एंड हारिस स्पिनर नहीं आपके पास इन पिचेस के ऊपर। आज तो देखो चिन्ना स्वामी है स्पिनर आपको चाहिए, और अभी भी देखो ये मैच आप जीते नहीं हो, अभी मैच जीतना बाकी है, बहुत मैच पड़ा हुआ है, 400 रन हलवा नहीं है अभी तो बहुत है, तो आपके बॉलर ने 400 पड़वा कैसे दिया? पहले तो उनको बिठा के ये पूछो कि तुमने किया गया है। इनके तो सारे स्पिनर ग्लेन फिलिप्स वगैरह मार खा रहे हैं, चलो ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को तो पता ही है मुझे, जिस दिन कुटता है वो बहुत कुट खा लेता है वो, एंड इवन वो ट्रेंट बोल्ट तो आज पहले घबराया हुआ सा लग रहा था, एंड इवन वो जो दूसरे हैं इनके क्या नाम है ग्लेन फिलिप्स है या सैंटनर, आज लेफ्टी को लेफ्टी पड़ गया, स्पिनर तो सारे लपेट दिया हैं आज, ईश्वरी भी नहीं आया। तो बारिश रुक भी गई है चारू, आपने बोला था कि पांच बज के चालीस मिनट पे ओवर्स कटने शुरू हो जाएंगे, तो देखने वाली बात इतना, क्योंकि चार मिनट ही आएंगे, तीन मिनट बच रहे हैं, तो ओवर्स तो आपके लूज होने शुरू हो ही जाएंगे। मोस्ट लाइकली अगर 6 बजे का भी स्टार्ट होगा, 6 बजे तक आप मान सकते हो, क्योंकि यहां पे 5 तक भी स्टार्ट होता है तो 4-5 ओवर कटेंगे, फिर उस लिहाज से अगर देखो 4-5 ओवर कटेंगे मोस्ट लाइकली। जी जी, इससे ज्यादा तो हाँ मुझे भी। क्रिश आचार्य बोल रहे हैं फिक्स्ड बाय बीसीसीआई फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, फादर लेवल सीरीज लीव father level leaves son alone, father never leaves son alone, just kidding, well played Fakhar Zaman, Rizwan is still there, so all the best, Iftikhar bhi hai, Saud Shakil bhi acha khelta hai, Salman Ali Agha bhi batter hi hai na bhai, wo bowler to hai nahi, wo part time bowling karta hai, to batting karta hai, wo bhi achhi bowling karta hai, to batting to hai, but maine aapse kya manga tha, 35 over tak mujhe Fakhar Zaman chahiye, abhi hue 21 over 35 over tak mujhe wo chahiye, tab Pakistan game jeet gaya, prediction yaad rakhna, 30 से 35 के बीच में भी आउट हो गया ना मैच फंस जाएगा, और अगर पहले आउट हो गया तो न्यूजीलैंड के फेवर में। आगे आ जाइए, थैंक यू कृष आचार्य फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम द यूएस ब्रदर, आगे आइए जी। ओम गौतम बोल रहे हैं रोहित हिट 7 टाइम्स 10 सिक्सेस प्लस इन वन इनिंग्स, ओडीआई 5 टाइम्स, टी20 1 टेस्ट 1, फकर डन, रोहित हिट्स एवरीवेयर एंड फकर वन साइडेड प्लेयर, सीरियसली सोच। मैं तो बोल रहा हूं कि उनसे कंपैरिजन नहीं है, मैंने आपको उसके बाद एंड में यही करा कि खैर रोहित शर्मा तो अलग लेवल पे ही है, उसके साथ तो सिक्स हिटिंग का किसी का भी कंपटीशन नहीं हो सकता, उसके कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर मैं बोल रहा हूँ ना एक बेंचमार्क है रोहित शर्मा, तो आप देखो कि उन्होंने भी अभी तक 9 छक्के नहीं मारे किसी गेम में, उन्होंने मार दिया चेस के वर्ल्ड कप में नहीं लगे, ये कहीं से भी नहीं बोल रहा कि फखर जमान उस लेवल का प्लेयर है या उस लेवल की सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, लेकिन भाई कम से कम नंबर्स नेवर लाए, 9 सिक्सेस मारना वर्ल्ड कप की गेम में, 400 चेस करते हुए 400 को चेस करते हुए
यू हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट. ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा यार, रोहित शर्मा को कोई डिफेंड करने की जरूरत है क्या? ओम गौतम आप कर रहे हो सीरियसली यार, रोहित शर्मा को तो सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए. ही इज ऑन अनदर लेवल. आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है फखर जमान की इस मैच में जो वो कर रहा है अभी तक. आगे आ जाइए. थैंक यू ओम गौतम, एंड सॉरी अगर आपको कंफ्यूजन हुआ, मिसकंसेप्शन कोई लगा तो. आगे आइए, सुपर चैट दिखाइएगा. पर कमाल कर दिया इसने यार. दाथैया हो आपके क्लासमेट हैं घोष कुंडल जी. फर्स्ट तो ये मैच जीते हैं, पहले तो ये मैच जीते हैं, देन अगर श्रीलंका हरा देगी तो गुड. सेकंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच पहले ही पाकिस्तान इंग्लैंड से, तो जब पाक खेलने जाएगी नेक्स्ट मैच दे विल नो द रन रेट एटसेट्रा, दैट्स अ प्लस. बट लेट्स सी, उसके लिए तो अभी आज का मैच जीतना होगा ना, आज वाला मैच. श्रीलंका ने, श्रीलंका भाई नहीं लग रही हराने वाली किसी को, वो खुद से हारेंगे, वैसी ही टीम लग रही है. जो इंडिया ने उन्होंने कबाड़ा किया ना, उनके वहां पे बोल दिया कि भाई पता लगाओ, हमें जवाब चाहिए. जवाब मांग लिया मैनेजमेंट से, पूरे कोचेस सबका, सबकी जवाब नहीं मांगी. श्रीलंकन बोर्ड से मांगी गई है, किस बोर्ड ने मांगी है. अच्छा भाई, हमें ऑलमोस्ट 5,000 लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, 11,000-12,000 लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, लक्षित को भी 10,000 लोग के आसपास देख रहे हैं. तो भाई प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए काम करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. Facebook पे देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लीजिए यार, एक सेकेंड लगता है, अभी तो मैच शुरू भी नहीं हो रहा, एक सेकेंड में आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए. हमें बड़ा आपका एहसान होगा मैं बोलता हूँ, बिकॉज हमें सपोर्ट करने के लिए ना आप लोग बहुत सुपर चैट भेजते हैं, बहुत प्यारे हैं सबके सब, हमें सारी तरफ से प्यार आता है. लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यार कि हमारे सब्सक्राइबर्स जो है ना, वो थोड़ा जल्दी गेन हो और जल्दी से बढ़ें. लाइक भी जरूर करिएगा वीडियोस को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. और एक बात और बता दूं, हमने गिवअवेज करने हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पे अब फोन्स आ चुके हैं, फोन्स आपके लिए कर रहे हैं. जैसे ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल 10,000 क्रॉस होगा ना फॉलोअर्स, तो हम आईफोन 15 हमारा ग्रैंड प्राइज देना है, प्लस ब्लूटूथ हेडसेट्स है, सब कुछ है. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए. लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर यार जरूर करना. आप सुशांत एन मेहता, मेरा ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हैं. आज तो स्पेसेस करने में मजा आ जाएगा. सुशांत एंड मेहता ट्विटर पे फॉलो कर लो. इस मैच के बाद स्पेसेस करेंगे, अल्टीमेट मजा आएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान. और अगर कहीं पाकिस्तान जीत गई तबाही हो जाएगी, वर्ल्ड कप में मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आएगा. बिकॉज तड़प के रह गए यार, बोर हो के रह गए, तड़प के रह गए. आज फाइनली कुछ हमें रिस्पाइट मिलेगी, हाँ भैया हमारा जो है मजे वाले दिन शुरू हो चुके हैं जी. सुपर चैट और दिखा दीजिए. अच्छा कट ऑफ टाइम दाऊद बोल रहे हैं, हाँ कट ऑफ टाइम 7 बजे का है. कट ऑफ टाइम 7 बजे का मतलब मैच शुरू होने का, मैच का ना, मैच का कॉल्ड ऑफ करने का. अभी तक बारिश चल रही है? नहीं बारिश नहीं है, बट एक सिनेरियो है. अच्छा अगर अभी मैच खत्म होता तो पाकिस्तान जीत गई है ना मैच? हाँ पाकिस्तान डीएलएस में 10. देखो अगर अभी मैच खत्म होता मतलब पाकिस्तान जीत गया, लेकिन नेट रन रेट में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं होगा, नेट रन रेट बड़ा कट टू कट रहेगा. दाऊद एम बोल रहे हैं, शमी एंड फकर मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, डू यू अग्री? वन हैज हिट 16 सिक्सेस, अदर वन 14 विकेट्स इन 3 मैचेस. देखो दाऊद भाई इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ क्या है. शमी भाई को बेंच पे बिठाना गलत डिसीजन था 100%, लेकिन इंडिया कोई मैच हार नहीं रहा था, इंडिया सारे मैच जीत रहा था. जब आप जीतते हो ना तब आपको किसी की जरूरत नहीं फील होती, आपको लगता नहीं कुछ कमी है. लेकिन पाकिस्तान लगातार हार रहा था बड़ी टीम से, लगातार आपको जरूरत फील हो रही थी, फिर भी आप नहीं खिला रहे थे. दिस इज द डिफरेंस. यहां पर मैं बोलता हूं कि लख दी लानत है, यहां पर बोलता हूं जहन्नम की लानत है भाई. तुम्हें पता है कि वो बंदा खेलेगा तो तुम जीत जाओगे, तुम फिर भी नहीं खिला रहे तो शर्म आनी चाहिए. यहां तो चलो तुम्हें लगा कि शार्दुल ठाकुर बैटिंग देगा, बॉलिंग देगा. पिछले 2 साल में शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, उसने हाईएस्ट विकेट टेक कर रहा है वो वनडेज में, वन ऑफ द हाईएस्ट, शायद हाईएस्ट, तब करके उसको चांस मिल रहा था राइट. इसलिए शमी भाई बेंच पे थे और हम सारे मैच जीते हुए थे. तो शार्दुल ठाकुर को बाहर नहीं करा, वो तो हार्दिक पांड्या बाहर हो गया तो ऑटोमेटिक एंट्री मिल गई शमी भाई को, शार्दुल को बाहर बिठाना पड़ गया. बाद में उन्होंने देखा कि यार शमी तो अलग ही लेवल पे बॉलिंग करा रहा है इन पिचेस के ऊपर, जो कि मुझे पता था. मैंने शमी के लिए भी बोला था कि आईपीएल में जो आदमी पर्पल कैप लेके गया ये डेड पिचेस के ऊपर, उसको तो बाहर रख ही नहीं सकते. सेम मैं फखर जमान के लिए चिल्ला रहा था कि भाड़ में गई उसकी फॉर्म यार, वो जैसा मर्जी खेल रहा हो इन पिचेस के ऊपर तो उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते. वो जिस दिन आएगा लपेट लुपुट के पोस्टर बना के चिपका के चला जाएगा जैसा आज कर रहा है. बट आपको बताया चारू ने, 7 बजे तक अगर मैच शुरू नहीं होता तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा और 5:40 से ओवर कटने शुरू हो गए, तो ओवर कटने शुरू हो चुके होंगे. ओवर कटने शुरू हो चुके हैं, 4 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्योंकि हर चार मिनट में एक ओवर यू विल लूज. आपको एक चारू एसी चला दीजिए, ओवर चला गया है, एसी चला आपको इधर बैठना, एक ओवर चला नहीं आप बीच में, सॉरी पांडे जी को उधर कर दीजिए, कोबरा को चुकाएंगे, बैठे रहो मेरे को.
रेन स्टॉप्ड हो गई है, लोग बोल रहे हैं, लक्षण भी ये बता रहे हैं वहां पे कि शायद बारिश रुक चुकी है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी भैया कितनी देर में ये मैच शुरू होता है और आगे होता क्या है इस मैच के अंदर। बस ये है कि यार आगे को आते ही कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि ज्यादातर यही होता है बारिश के बाद आपका एक ही चीज का डर है, वो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है, फ्लो भी होता है, मोमेंटम होता है, चल रहा होता है, एक लय लग जाती है ना। अगर फकर जमान का मान लीजिए, ईशान चतुर्वेदी बोल रहे हैं चारू नेशनल क्रश, आपको रक्षिम क्या नाम है, रश्मिका, रश्मिका के साथ मिला दिया आपने चारू को, नेशनल क्रश नहीं मैं उसकी। ओवर स्टार्ट ओवर्स कटने शुरू हो चुके हैं, 7:40 पे होने थे, एक बार वो वाला फिर से इक्वेशन दिखा, सॉरी 5:40 पे शुरू होने थे ओवर्स कटने, एक बार इक्वेशन दिखा दो भाई डीएलएस वाला, वो भी देख लेते हैं, कोई सुपर चैट आई है तो वो भी कर लेते हैं, देख लीजिए दोनों। बट क्या लग रहा है देखो, जब मैच शुरू होगा तो अब क्या होगा, न्यूजीलैंड कर क्या सकता है, अब क्या स्ट्रेटेजी बना सकता है? स्ट्रेटेजी सिंपल है, देखो आप ऊपर से आएंगे ये बोल्ट वगैरह के साथ, सऊदी से मैं भी शुरुआत कर लें क्योंकि सऊदी ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, सबसे कम रन उसी ने खाए, बाकी को तो अच्छे से फिटी पड़ी है। और अगर यहां से मैच शुरू होता है 4-5 ओवर लेट से कट जाती है, वहां पे फिर मैच शुरू होता है, तो उनके लिए यही है कि जितने जल्दी हो सके फकर जमान को पवेलियन भेजो, क्योंकि फकर जमान अगर यहाँ से 5-10 ओवर भी बैटिंग कर जाता है, हाँ। पाकिस्तान गेम नहीं हारेगा क्योंकि 4-5 ओवर तो ऐसे ही कट जाएंगे ऑलरेडी, तो 5-6 ओवर ऑलरेडी कट जाएंगे, उसके अलावा 10 ओवर और फकर जमान खेल गया, फिर तो पाकिस्तान के हैंड में मैच है, पाकिस्तान वहां से मुझे नहीं लगता है कि हारने वाला है। इतना लंबा ब्रेक लग चुका है, बारिश हो चुकी है, थोड़ा बहुत आप दोगे कि बॉलर्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा, अगर यहाँ पे मान लो फर्स्ट करके चलो, यहाँ पे विकेट, देखो एक बॉल का खेल होता है बॉलर के लिए, वो गलती कर ले, अगर विकेट यहाँ पे चला जाता है फकर जमान का, फिर तो मुझे लगता है शायद कोलैप्स पाकिस्तान, कोलैप्स देखो कोलैप्स हो सकता है चारों, क्यों नहीं, एक विकेट रिजवान, हालांकि लेकिन ये भी नहीं है कि रिजवान ने भी वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, उनका टूर्नामेंट बहुत शानदार गया है, तो मोहम्मद रिजवान भी रन कर सकते, पानी रिजवान वगैरह भी ऊपर से रन कर सकते हैं, लेकिन चाय पिला दो इनको, हाँ क्या कह रहे थे, मोहम्मद रिजवान भी इसके बाद जो आने वाले हैं, तो उनका भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है, रिजवान भी रिलायबल बैटर है, तो अगर यहाँ से ये पार्टनरशिप सपोज 50 रन और चल जाती है, फिर बाद में रिजवान आते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं है कि 15-16 ओवर में अगर रन चेस करना रह गया, कुछ अराउंड 150-140 ये कर जाएंगे, मुझे लगता है कि आज जैम्पा 6-6 होने वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला भी देख लो ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी चल रहा है, तो वो भी देखने वाली बात है कि बिकॉज इंग्लैंड की स्टार्ट अच्छी हो गई थी, तो सिंगुलैरिटी आए थे कि अब आ गई है जी इंग्लैंड चैंपियन, देखते हैं क्या पहुंची ऑस्ट्रेलिया, मैंने दिखाई नहीं वो मैच, ना ही मेरा इंटरेस्ट उस मैच में, क्योंकि भाई यहाँ पे चल रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड खमासान, अच्छा क्योंकि पहली पारी जो है देर से एंड हुई थी, जो हम बात भी कर रहे थे कि कुछ ओवर्स पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ टाइम 7 बजे का था, ये 7:40 तक भी जा सकता है, क्योंकि पहली पारी देर से खत्म हुई थी और कवर्स हट चुके हैं, ये अपडेट कट ऑफ टाइम 7:40 तक जा सकता है, नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का पूछ रहा हूँ, 13 बॉलों पे 22 रन, 14 बॉलों पे 22 रन बनाकर एडम जैम्पा खेल रहे हैं, 3 चौके, ओवरऑल 48 ओवर्स में 276/8 ऑस्ट्रेलिया, ठीक है कुछ, कहाँ पे मैच कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद ग्राउंड है, बैटिंग लैंड की बैटिंग 280-290 तो खास नहीं है, मैं देखने वाली बात है, हाँ इंग्लैंड की बैटिंग इस तरीके से खास नहीं है, खराब है, हाँ खराब है, बट इतने रन आप 300 चलो मैं पढ़िएगा क्या वहां पे कवर्स हटाए जा रहे हैं, कवर्स ऑफ मैंने बोला, कवर्स ऑफ हो रहे हैं जी, कवर्स ऑफ हो रहे हैं, ये गुड साइन है, तो हो सकता है कि आधे घंटे में पहले उनको आउटफील्ड का मुआयना करेंगे, सब कुछ देखेंगे क्या हम इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। अच्छा चिन्ना स्वामी में ड्रेनेज सिस्टम इज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पे तो ऐसा होता है कि बहुत दो दो तीन तीन दिन बारिश हो जाए तो वो आधे घंटे में ग्राउंड रेडी कर देते हैं, बहुत जल्दी ग्राउंड रेडी करते हैं वहां पे, मतलब पानी ऐसे लीटरों के हिसाब से बाहर निकालने में सक्षम रहता है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, बड़ा जल्दी हो जाता है। रघु बोल रहे हैं भाई आई एम स्टिल नॉट सैटिस्फाइड विद बाबर्स इनिंग्स, टू मेनी डॉट बॉल्स अगेन, ही शुड हैव किप्ट हिटिंग फोर्स एट रेगुलर इंटरवल, भाई तू क्यों थक रहा है, वो बिल्कुल ठीक खेल रहा है, मैं कोई मेरे से ज्यादा क्रिटिसाइज करता है बाबर आजम को, ढंग से नहीं खेलता, आज मैंने शुरू से बोला ना भाई उसको आउट मत हो, बस फकर जमान को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको पार्टनर चाहिए था, आउट मत हो तू, बस वहां खड़ा रहे भाई, कोई बात नहीं, बाद में इसके भी चौके छक्के आ जाएंगे देख लेना, बीच में आए भी है ना, छक्का भी आया चौके भी आए, बाद में इसके भी आ जाएंगे, बस वहां पे खड़ा रहे तू, बस फकर जमान को बैटिंग करते देखता रहे, जैसे तेरे पास बॉल है सिंगल ले टुक आ जा भाई, तेरा एक ही काम है आज फकर जमान को देखना बैटिंग करते हुए, बस इसी के लिए देखो कैप्टन बनाया, बस और कुछ मत कर, जब तक विकेट मत दियो, विकेट मत दियो, जब तक फकर जमान है उनको रिस्क लेने की क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मौका मिले तो कैश इन, लोग कह रहे हैं दोबारा आ गए एक बार चेक करिएगा, फिल्मी वर्ल्ड बोल रहे हैं योर व्यूज ऑन हसन रजा'स कमेंट्स, भाई देखो अब मतलब कि ऐसी पागलों वाली बातों को भी हम रिस्पॉन्ड करें, हमारा कोई लेवल नहीं है क्या, मैं देख रहा था कोई मेरे ख्याल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे, कौन थे
आप लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने लिखा था कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ चेक होनी चाहिए, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा था कि भाई एक ही बॉक्स में से बॉल्स निकालते हैं, जो आपकी वो बॉल हो गई या उसकी हो गई, आईसीसी एक ही उसे, और बॉल से डिफरेंस इतना पड़ गया कि इतनी सीम और स्विंग होने लग गई। तो आई थिंक वो जो बक्सा होता है ना, वो फोर्थ अंपायर के पास होता है, जो वो किसी को शोहरत चाहिए हो ना, तो वो इन हरकतों पर उतर आते हैं, दिमाग इन हरकतों में चला जाता है कि मैं कुछ भी बकवास करके बस शोहरत। हसन रजा का नाम भी किसी इंडियन को याद था, मुझे पता कब याद था, मुझे याद था कि सचिन तेंदुलकर आया था यंगेस्ट, तो उसके टक्कर पे ये लोग प्रूव करने के लिए ले आए थे कि 14 साल का लड़का आ गया तुम्हारे सचिन से भी अच्छा, वो पता नहीं कब आया कब गया पता भी नहीं चला, और वो कुछ मेरे ख्याल फिक्सिंग वगैरह में भी। यहाँ पे जब आईसीएल शुरू हुई थी ना इंडियन क्रिकेट लीग, उसमें ये चले गए थे अपना, और फिर वहां से जब अच्छा। उसपे वो जो आईसीएल पे पूरा एक बैन लगा, फिर उसके बाद कई प्लेयर्स वहां से निकले जिनके ऊपर ये इल्जाम लगने लग गया था, फिक्सिंग बहुत होती थी उसमें, तो इनके ऊपर भी वहां पे इल्जाम लग गया था। हाँ। ये भी उसमें कहीं ना कहीं इनका नाम आ गया था। हाँ। कि ये भी मैच फिक्स में कहीं ना कहीं शामिल है हसन रजा। अच्छा अब बात मेरे भाई की सुपर चैट आई है फैजल खान की, ये दिखाओ जरा। अच्छा ये भी प्रेडिक्शन मैंने कर दी थी भाई, ये भी देखो इंस्पेक्शन बता रहे हैं, सच बता रहा हूं मैं, जो लोग स्पोर्ट्स यारी रेगुलरली देखते हैं। हाँ। उनको पता है फैजल खान की सुपर चैट दिखाओ कि जब इस बंदे ने डेब्यू करा था मैंने क्या बोला था, वो हमने क्लिप भी कटवा के डलवाई थी ट्विटर पे, दिखाओ फैजल खान का दिखाओ यार। वैसे इसकी भी ट्विटर पे डालनी चाहिए थी हमें चीजें, किसकी जाहिर ही क्लिप्स, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं सर, आप ब्रेक में जो करिए फकर जमान को जो इतनी बात करिए, यहीं से कर लो रिकॉर्ड, आप अपने फोन में कर लो, बैठे बैठे कर लो। देखो फैजल खान क्या बोल रहे हैं। हाँ। भाई देखो क्रेडिट नहीं खा रहा लेकिन कसम है भगवान की, ये भी मैंने प्रेडिक्शन करी थी। हाँ। वसीम जूनियर हैज बीन फिनोमिनल, डेफिनेटली इंप्रेस मी द मोस्ट, व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दैट एंड मैचेस अबाउट टू रिज्यूम। मैंने आपको जिस दिन उसका डेब्यू हुआ था मैंने बोला था कि आज वसीम जूनियर विकेट लेगा, बोला था कि नहीं बोला था, एक ही आदमी का नाम लिया था कि वसीम जूनियर को खिला लो क्योंकि वो यंग लड़का है, उसका मजाक उड़ाते हो, ही इज हंग्री, वो अपने आप को प्रूव करेगा, और अगर तुमने टीम में रखा हुआ है तुम्हारी लेगेसी रही है फास्ट बॉलिंग की, तो कुछ ना कुछ तो उसमें दम होगा। किया भाई, और आज जब डू ऑर डाई मैच था भाई, ये 450 होता अगर वो भी पिट गया होता तो, उसने 10 ओवर में 60 रन देके 3 विकेट लिया, 3 विकेट का मतलब है रन भी रोके, और 60 रन का मतलब है जो शाहीन आफरीदी तुम्हारी ईगल, ये विंग्स ईगल ईगल ये चल रही ईगल, उसने 90 रन दिए, तो अगर ये और पर्ची बोल रहा हूँ जूनियर नहीं यार, अरे टेपिया को देखिए आप, कि टेपिया ने 85 रन दे दिए, हसन अली द ग्रेट उसने भी मेरे ख्याल 80 प्लस रन दिए, तो यहाँ पे मतलब एवरेज तो 80-85-90 जा रही है, तो आपने कम से कम 20-30 रन अपने टीम के बचाए, प्लस 3 विकेट्स लिए उससे 20-30 रन और बचाए, मतलब ये 450 टोटल होता। अगर आज वसीम जूनियर भी पिट गया होता, 4 पेसर खिलाए तुमने जिसमें से 3 ने बेड़ा गर्क करवा दिया, 1 पेसर चल गया तुम्हारा, जिसकी वजह से 450 रह गया, वो भी 60 उसको एंड में पड़े हैं, शुरू में तो उसको मार ही नहीं पड़ी। ये भी फैजल खान आप जाके देखिए स्पोर्ट्स चैरी के पुराने एपिसोड, अभी जब वो वापस आए, पहले तो मैंने उसका मजाक उड़ाया था बालों वालों का ही हो, लेकिन जब वो उसको खिलाया गया मैंने बोला कि आज वसीम जूनियर ही विकेट लेगा, एंड ही हैज बीन एक्चुअली योर बेस्ट बॉलर। हारिस रॉफ को तो छितर पड़ना डिजर्व करते हैं, और कुछ नहीं डिजर्व करता वो आदमी। सुपर चैट दिखा दीजिएगा आगे, हारिस रऊफ तो भाई, और ऊपर से सेम ही उनके एक्सप्रेशंस रहते हैं हर मैच में, सिंगुलैरिटी। पाक फैंस डू द रेन डांस, रीस्टार्ट इज रिस्की फॉर पाक। यार मतलब अब इतनी देखो, जिस बंदे ने मेहनत की उसके लिए तो आप बोलो कि वो तो चले, वो तो रन्स बनाए यार, उसका तो बनता क्या होगा, मुझे नहीं लगता कोई रिस्की होगा। बस यही है कि देखो मोमेंटम, इतनी देर का गैप आ गया है, ब्रेक लग गया, उसकी वजह से आपका मोमेंटम चला गया है, अब यहाँ पे थोड़ा सेटल होना है, आपको दोबारा से सेटल होना है। 6 बजे इंस्पेक्शन है, 6 बजे इंस्पेक्शन होगा, 6 बजे इंस्पेक्शन होगा ग्राउंड का, बता रहे हैं लक्षित वहां से। हाँ 6 बजे इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद बट मोस्ट लाइकली मैच आपको जल्दी शुरू होता हुआ दिखाई दे जाएगा, ज्यादा यहाँ पे टाइम लगने नहीं वाला है, क्योंकि 6 बजे इंस्पेक्शन होगा, 5-6 मिनट का टाइम बाकी, हो सकता है 6:15 पर 6:15 तक आपको मैच स्टार्ट होता दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी मैदान भी सूख जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है, तो अच्छा है जल्दी मैच स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे जो कट ऑफ टाइम था, जैसे यहाँ पे ये बताया कि 7 बजे से आगे भी जा सकता है, तो ये क्योंकि हमने देखा फर्स्ट इनिंग देर से शुरू हुई थी, थोड़ा सा मैं तो यही चाहूंगी कि ओवर्स लूज ना हो, पूरा कंप्लीट मैच अगर यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 20 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं और 6:15 तक अगर मैच स्टार्ट होता है तो फिर आप लगा दीजिए 30-35 मिनट
का यहाँ पे सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं। पाकिस्तान फैंस डू द रेन डांस, रीस्टार्ट इज रिस्की फॉर पाक। रीस्टार्ट इज रिस्की हमेशा रहती है, जब आप बारिश के बाद वापस आते हैं तो रिस्क तो होता है, लेकिन सिक्योरिटी देखते हैं अभी क्या होता है। तुम्हारी इंग्लैंड का क्या हो रहा है ये बताओ, आगे आ जाओ, चेस कर लोगे 280 290 के चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, 290 पहुंच गए, वो चेस कर लोगे चैंपियंस ट्रॉफी, तो गया तुम्हारा ट्रॉफी तो गयो। मैंगो मैन बोल रहे हैं ये इंग्लैंड वाले कितने बेशरम है, जैम्पा तक रन मार रहा है, हद हो गई है, 280 पार करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया का कमाल है, 19 बॉलों पे 29 मार के आउट हुआ एडम जैम्पा। अरे यार लक्षित कोई तूने उस पे करा था होम पे तो उसी को रख लेता, क्या प्रॉब्लम थी, कोई नहीं अब तो चलो शायद शुरू हो जाएगा, हम ही रख ले अब कोई बात नहीं, बार बार उन्हें बदल। हाँ आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिए, अच्छा कोई ग्रुप में भी देख लीजिए, कवर भी हट रहे हैं जी, सुपर सोपर्स और कुछ। शुभम पाटिल बोल रहे सुशांत भाई इजिली 401 चेज इन 35 ओवर्स, गुड बैटिंग एंड पाकिस्तान इन सेमीफाइनल्स, फकर जमान मैन ऑफ द मैच, शेम ऑन पाकिस्तान उसको नहीं खिलाते। अब क्या बोले भाई, हम भी यही बोल रहे हैं, साहिल मॉडर्न स्टोरीज बोल रहे हैं, साहिल तो नहीं बोल रहे हैं, इफ मैच कंटिन्यूज देन न्यूजीलैंड विल कम बैक एंड विन, चलो देखते हैं। मॉडर्न स्टोरीज बोल रहे हैं वेदर अपडेट, हैवी स्नोफॉल एंड एवलांचेस इन ग्राउंड। अच्छा फैजल खान की एक और सुपर चैट आई है हांगकांग से, वो भी दिखा दीजिएगा। अभिषेक रामाकृष्ण भी आ गए, वो भी दिखा दीजिएगा। एवलांच तो यहाँ पे उसका आया है फकर जमान का जो मारा है, सुपर चैट दिखा देना भाई। पता एक्सपेक्टेशन तो थी कि भाई फकर जमान है, आप चेज करो इतना बड़ा टारगेट, और आप ये सोच कर नहीं जाओगे कि चलो हम आराम से 100-125 की स्ट्राइक रेट, उसने शायद भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ कैलकुलेशन मैं लेकर के जाऊं कि इतना इतना मारूं तब हम जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं बट उसको 18 ओवर के बाद एटलीस्ट वो पता था कि आपको फ्रंट फुट पर रहना, आपको इतना सा भी आधा मौका मिले तो आप पूरा उसको मौका कन्वर्ट। देखा फैजल को भी याद है, फैजल बोल रहे हैं यार रिमेंबर दैट अबाउट वसीम जूनियर, वसीम जूनियर की बेस्ट बात पता क्या, ही इज हंग्री एंड ही wants wickets, और उसका उसके लिए तो ड्रीम है ना भाई, उसको उसने सोचा नहीं था, उसने सोचा था मेरे को तो बेंच पे बिठाएंगे, मेरा मजाक उड़ाते हैं, उसको देखो एशिया कप में भी 2-3 ओवर कराए बाहर कर दिया, अपने बंदे खिलाए जा रहे हो। हारिस रॉफ किस बेसिस पे खेलता है मुझे ये समझ में नहीं आई, 150 डालता है 300 से मार खाता है। मैं तो खुद बोल रही थी उसको बाहर, उसको क्यों नहीं विकेट लेके दिखाए ना, नए लड़के को आपने चांस दिया विकेट्स लेके दिखाए, उसने देश के लिए करना भाई यही है, जिसको चांस मिलता है वो करता ही करता है। आगे आइए, थैंक यू फैजल खान। और हारिस ने आपके लिए क्या किया, शाहीन को हम कितना भी बोले, शाहीन को जब पहला ओवर में विकेट मिल जाता है तो पाकिस्तान ठीक ठाक कर लेती है, बट आप हारिस से तो वो भी चीज नहीं हो पाती है, हारिस करते क्या आपके लिए जी। शुभम पाटिल बोले सुशांत सुपर चैट मिस किया, ये पाकिस्तानी विन सिर्फ फकर जमान की है, वो पाकिस्तानियों को स्टेटमेंट दे रहा है, 35 ओवर में चेस पाकिस्तान इन सेमीफाइनल प्रोबेबली, भाई 35 ओवर में चेस ना होने वाली, इतना भी मत करो यार, देख रहे हैं अभी चल रहा है मैच, कम चलने दो। सुपर चैट कौन सा मिस हुआ दिखा दीजिएगा भाई, कोई सुपर चैट मिस हुआ है तो, अभिषेक रामाकृष्णन का भी है ये जी। सुशांत भाई, अभिषेक रामाकृष्णन माय ब्रदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं, सुशांत भाई इफ द मैच इज कॉल्ड ऑफ व्हाट विल पाकिस्तान्स नेट रन रेट बी, नॉट ग्रेट सिमिलर, अभी एक बार टेबल दिखाना रॉबिन, व्हाट विल पाकिस्तान्स नेट रन रेट बी इफ दे गेट 2 पॉइंट्स, इवन इफ न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान एंड ऑन 10 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड रन रेट, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो मैं घोचू बोल रहा हूँ बाबर आजम को भाई, पहले बैटिंग करानी थी तूने बॉलिंग करा ली, 400 खा लिया, अब तू 400 बना भी लेगा तो तेरी नेट रन रेट कितनी ऊपर चली जाएगी भाई, कितनी ऊपर चली जाएगी बता। अब बारिश हो गई है, ओवर्स कट जाएंगे, तुमने अगर 17 ओवर में 180 चेज करना है या 18 ओवर में 180 चेज करना है, तुमने 17वें 18वें ओवर में जाके चेज भी कर दिया तो नेट रन रेट कितनी ऊपर चली जाएगी, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आ जाइए आगे आ जाइए, थैंक यू अभिषेक रामाकृष्ण। लेकिन भाई हमारे इफ्तिकार की वॉइस मान रहे हैं, हमारा क्रिकेट तो यार हमारा दिल खुश हो के कर दिया, हमारा फकर जमान दिल खुश कर दिया, हमारा फौजी भाई जो भी देख रहे हैं सबको मजा आ गया, देख करके हमें नहीं मजा आया, हम खुद एक्साइटेड हो गए, मान के बैठे थे 400 पढ़ते कि गया पाकिस्तान गया टूर्नामेंट में, मैंने तो कहा था 200 पे कहीं से मिट जाए, लेकिन बट ये तो हमको बाबर आजम ने बोला हम इमाम को खिलाएगा, हमने बोला हमने उसको बाजार भिंडी खरीदने के लिए भेजा है, तो बोले कभी तो वापस आएगा नहीं, हमने उसका हाथ पैर बांध के उसको भिंडी खरीदने भेज दिया, वो जब तक वापस लेके आएगा तब तक मैच खत्म हो जाए, तो हमने उसको बाजार में भेज रखा था इमाम को, उसको हमने खुद से अपने हाथों से बांध दिया था, बिकॉज ये बाबर बड़ा शरारती है, ये हमारा फेवरेट फकर जमान को चांस नहीं देता है, आज देखिए कैसा खेल है बाबर आजम, अपना अगले जन्म में भी इतना छिका नहीं मार सकता एक मैच के अंदर जिसने इसने एक मैच में मार दिया। इमाम को तो पता चल गया होगा कि अब मेरा हो गया, पूछा गया था वो बिरयानी को लेकर कि आपको आपकी टीम की काफी मतलब बेइज्जती हो जाती है, मजाक लोग बनाते हैं क्या इफ्तिकार को, जब मारता है तो लोगों को बिरयानी याद आती है,
जब हम जीतते हैं तो लोगों को क्या खिचड़ी याद आता है। तो जीते कब भाई? जब हम जीतता है तो कोई कभी रियानी का बात नहीं। वो तो अभी रिसेंट हो गया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने नेदरलैंड को हराया, वो तो श्रीलंका नेदरलैंड को हराया, बीते जमाने की बात हो गई है। नेपाल को हराया, उसके बाद कितनी हमने इतना बड़ा बड़ा टीम को हराया। आप हमारा मजाक उड़ाती है, आप बोलते हैं बिरयानी खाती, हमारे सामने अब कोई भी आए इंग्लैंड वाला गेम बाकी है ना, पाकिस्तान इंग्लैंड गेम बाकी है, पाकिस्तान इंग्लैंड गेम बाकी है, पाकिस्तान इंग्लैंड, यार इंग्लैंड कर दे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इंग्लैंड आज मौका है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इनसे मैच होगा तब उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है ना, उनको टॉप भी चाहिए, टॉप एट चाहिए। हमने बाबर को बोल दिया कि वर्ल्ड कप जीते हारे जो भी हो, हम वापस जाके फकर और नसीम के साथ नया टीम बनाएगा, तुम सारे के सारे लोगों की शक्लों पे लानत तुम्हें बार करेगा और हम नया पाकिस्तान बनाएगा, नया पाकिस्तान, ये लोग तो नहीं बना पाए नया पाकिस्तान, हम बनाएगा क्रिकेट टीम में नया पाकिस्तान, तो तुम देखना हमारा, और उसका कप्तान पूरा जज्बा से खेलेगा, कप्तान उसका कप्तान हम खुद होगा, इफ्तिकार अहमद हमारे सामने हमारा बच्चा थोड़ी कप्तान बनेगा, वो खुद होगा कप्तान, उसने की भी है और नीचे कर लेगा अपनी बैटिंग, आठ नंबर पे आएगा, हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, बिकॉज कप्तान जैसे ही कप्तान बनता है पाकिस्तान में उसका चित्रोल शुरू हो जाता है, उसको नीचे खींचना शुरू कर देते लोग, तो हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते बाबा। पर फकर जमान यार ये देखिए, ये है आपका इंडिया है आपकी फर्स्ट पे, पाकिस्तान है छठे नंबर पे, पाकिस्तान की नेट रेट है -0.24, ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाती है अगर उस दिन बाबर आजम टुक टुक ना करता, ठीक है चलो अब तो टुक टुक हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड की नेट रेट है +0.48। अब इसको कवर करने के लिए आपको, जब हमने पहले बताया था आपको 85 रन के मार्जिन से जीतना था या फिर 35 ओवर्स में चेस करना था, 35 ओवर्स में तो ये चेस नहीं होने वाला, पॉसिबल ही नहीं है, ये अगले 14 ओवर में मार देगा, कितने चाहिए अभी, अब सिनेरियो वैसे तो 14 वो बचेगा, 40 ओवर का टारगेट मिलता है अगर ये 35 में कर ले, तब ओवर्स भी कटेंगे अब, है ना, तो अगले इतने ओवर में तो रन नहीं मारने वाले, हाँ अगर ओवर्स कट जाते हैं फिर देखना पड़ेगा नेट रन रेट कहां पे आती है, अगर उतने ओवर में बाकी चेस कर दिया, मगर अगर फुल मैच होता है तो ये वो वाली सिचुएशन की बची नहीं, 402 रन इतनी जल्दी चेज नहीं होंगे, अच्छा प्लेयर्स ने वार्म अप करना, चाहे जितना मर्जी अच्छे प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं तो जल्दी मैच शुरू हो जाएगा, तो नेट रन रेट की बात इसीलिए मैं बार बार घोचू घोचू कर रहा हूँ कि भाई आप पहले बैटिंग कराते और आप 450 मारते, जब आप चेज में 400 मार रहे हो तो पहली बैटिंग करके तो मार ही देते ना, उसके बाद इनसे करवाते और 85 रन के मार्जिन से ये 300 भी बना लेते तो 85 रन से जीत जाते, 100 रन से जीत जाते और तुम्हारी नेट रन रेट ऊपर हो जाती, लेकिन भाई सबका ध्यान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में है, पांचवे नंबर पे अफगानिस्तान है, ये भूलना मत, हाँ पाकिस्तान जीत जाएगी तो आ जाएगी पांचवे नंबर पे, लेकिन अफगानिस्तान ने एक मैच कम खेला है, अगर अफगानिस्तान ने, अफगानिस्तान की नेट रन रेट अभी बहुत कम है, पाकिस्तान से भी कम है, अगर अफगानिस्तान ने हराया भी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को दोनों को हरा दिया फिर तो ये टॉप फोर में भी आ जाएंगे, लेकिन अगर दोनों में से एक मैच तो ये हारने वाले हैं कम से कम, हो सकता है दोनों भी हार जाए, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों से हार जाएंगे वैसे तो, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे सरप्राइज करा है उन्होंने, बट फिर भी इनकी नेट रन रेट के मसले चल रहे हैं। हाँ 6:20 पर मैच स्टार्ट होगा, 41 ओवर गेम एंड टारगेट इज 342, रॉबिन इसको फ्लैश कर दो, 42 कर दे भाई, चलो जी 42 ओवर्स, 41 ओवर्स का गेम होगा, टारगेट इज 342, तो कितने ओवर में कितने चाहिए, 41 ओवर्स का मैच है जी, 342 रन्स बनाने हैं इन 41 ओवर्स में 342 रन्स बनाने हैं, 6:20 में मैच शुरू होगा, अभी हुए हैं 21 ओवर, बचे हुए आपके 20 ओवर और अभी बने इनके रन कितने बने हुए हैं, 20 ओवर में चाहिए 20 ओवर्स 182 और पाकिस्तान को इसमें ज्यादा बुरा मनाने वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है मेरी जान, बिकॉज तुम्हारी 9 विकेट्स इन हैंड है, ये तो मेरे ख्याल से एडवांटेज हो गई है, अगले फ्लैश कर रॉबिन इसको, हाँ, अगले 20 ओवर में तुम्हें 182 रन बनाने हैं जीतने के लिए और 9 विकेट्स इन हैंड, T20 का गेम खेलते हो, T20 में 180 चेस करते हो, आज भी कर सकते हो, चिन्ना स्वामी में 20 ओवर में 180 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां पे 220 भी चेज हो जाता है इस ग्राउंड पे, तो ये तो मेरे को लग रहा है एडवांटेज होगी पाकिस्तान को, 20 ओवर में आपको चेज करने हैं 182 रन्स और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, तो रॉबिन इसको स्क्रीन पे फ्लैश भी कर दीजिए, और दोस्तों आप भी बताइए क्या लगता है आपको इस टाइम पे, क्या लग रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में देखना है, पाकिस्तान विन या न्यूजीलैंड विन, लिखिए आप क्या लग रहा है आपको, 10 ओवर में क्या 20 ओवर में क्या 182 चेज होंगे, जी चारू बोलिए, ठीक है, नहीं मैं 6:20 पे शुरू होगा मैच, 20 मिनट पर गेम शुरू हो जाएगा और इनके 160 तो बन चुके हैं, 342 में से 160
कितना ओवर बचा बता तो 182 रॉबिन ये भी लिख दे 41 ओवर्स गेम टारगेट इज 342 रिमेनिंग 20 ओवर में ये लास्ट में वो क्यों डाल दिया 41 ओवर गेम है 21.3 हो चुका है तो 21.3 हो चुका है तो 19.3 ओवर्स में लिख दे 19.3 ओवर्स में कितना 182 रन चाहिए जी 19.3 ओवर्स में इतना आसान भी नहीं है इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन गेटेबल है इस पिच के ऊपर इस ग्राउंड के ऊपर गेटेबल है रॉबिन ये जरूर लिख यार इससे समझ में नहीं आती तो ये लिख 19.3 ओवर्स में वन पाकिस्तान नीड्स टू गेट 182 मेरे को तो ये कोई बताए अब असली स्टैट मुझे ये चाहिए पाकिस्तान को कितने ओवर में चेस करना है कि उनकी नेट रन रेट इनसे बेटर हो जाए वो कर देना ये वो तो पॉसिबल नहीं है कर देगा 35 ओवर्स में अगर अभी लगाओ 14 ओवर्स में चेस करना होगा नहीं नहीं कर देगा 14 ओवर में 182 बहुत मुश्किल है 19.5 ओवर में 182 कर देगा यार 9 विकेट पड़ी हुई है कर देगा 9 विकेट पड़ी हुई है लेकिन ऐसा मुझे ये भी स्टैट चाहिए कि नेट रन रेट को ऊपर करने के लिए कितने ओवर में चेस करने 182 ये असली स्टैट बताओ मुझे ये छोड़ दो पाकिस्तान मैच जीत सकता है वो तो मुझे पता है लेकिन कितने ओवर में चेस करेगी नेट रन रेट ऊपर हो जाए ताकि वाकई चांस बन जाए इवन अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा जाए अगर इंग्लैंड को हरा दे पाकिस्तान तो सेमीफाइनल आ जाए भाई साहब आप सोच सकते हो कहां से लग रहा था ये टीम चेस करेगी 400 जिनसे मर मर के 200 नहीं बन रहा था दिखाओ भाई मुझे एक तो वो दिखा दे पहले कि हां पाकिस्तान नीड 182 रन इन 19.3 ओवर्स टू विन अब मुझे कहीं से ये स्टैट निकाल दो भाई आपको मिले तो आप बता देना कि क्या यहां पर नेट रन रेट क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो ठंड रखो हम भी हैं यहाँ पे बता रहे हैं अगला मैच पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ में है ना हाँ बस फिर ये हो जाएगा कि अगला मैच आप जीतो हर हालत में जीतो इंग्लैंड से जीत लेते हैं और वहां पे आप नेट रन रेट वाला जो इशू ना उसको आप वहां पे कवर कर सकते हो यार वैसे एक बात है मैंने कुरेशी जी को बोला था कि तूने मरवा दिया पाकिस्तान को वो तो लक्की साबित हो गया पाकिस्तान के लिए कुरेशी को देखो हमने शुरू में भेजा प्रैक्टिस गेम्स कवर करी फिर कुरेशी को वापस बुला लिया ये हार गए इनिशियल दो मैचेस भी कुरेशी को जब हमने बुलाया हाँ दो जीत गए इनिशियल दो मैचेस भी जीत गए फिर हमने कुरेशी को बुला लिया उधर फिर ये हार गए है ना फिर ये हारते रहे आज कुरेशी फाइनली गया है आज कुरेशी साहब फाइनली गए क्योंकि मैंने कुरेशी को बोला कि यार उधर बारिश का वो है तो लोगों को अपडेट चाहिए होगा तो चले जा तो बॉम्बे से उसको बैंगलोर भेज दिया और आज गया तो पाकिस्तान 400 चेस कर रहा है कुरेशी लकी है पाकिस्तान के लिए जीत भी कमबैक देखो चाहता भी यही है कि पाकिस्तान जीते इस तरीके से जीत जाएगा ना आज तो और पर देखो देखो मेन चीज है मोटी मोटी आपको ये टीम तो पूरी वही आपके लिए एक बंदे ने डिफरेंस क्रिएट किया आपके लिए ये नहीं होगा पाकिस्तान की हालत वही थी पाकिस्तान ने 400 रन पड़वाए भी तो है फकर जमा को निकाल दो पाकिस्तान की हालत सेम है ने मैच बना दिया इनफैक्ट फकर जमा ने हो सकता मैच जिता दिया अच्छा फिर से याद दिला दूं पाकिस्तान नीड्स 182 रन इन 19.3 ओवर्स इट इज अमेजिंग के भाई इतना तेज खेल गया फकर जमान की इनका चांस है कि 402 रन भी ये चेज हो जाएंगे लेकिन मुझे पांडे जी कहीं से वो स्टार्ट निकाल दो यार हाँ मैं देख रही हूँ मिलता है कि नेट रन रेट पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से बेटर होने के लिए 182 रन क्या 15 ओवर 14 ओवर 13 ओवर 10 ओवर जो भी है इक्वेशन देखो अगर तो 50 ओवर में ये 35 ओवर का मार्जिन था जो शुरुआत में होता है 50 ओवर 35 ओवर का मार्जिन था तो अगर उस हिसाब से देखो तो अल्टीमेटली 30 ओवर के अंडर इनको चेस करना पड़ता है ये टारगेट जिस हिसाब से अगर हम उस लॉजिक से तो लेकिन रेन इफेक्ट हो गया स्कोर टोटल घट गया उसके हिसाब से बता रहा हूं जैसे 41 ओवर्स में 342 का टारगेट हो गया उससे आप 10 ओवर कम लगा लो तो मतलब आप बता रहे हो कि हो ही नहीं सकता मुश्किल है 8-9 ओवर में आप थोड़ी चेस करोगे 8-9 ओवर में तो नहीं होगा मुश्किल है ना मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल है कि ये नेट रन रेट को सरपास कर जाएंगे लेकिन हां पॉइंट्स बना सकते हैं यनेश शर्मा बोल रहे हैं 14.3 ओवर्स में 14.3 ओवर्स में वो तभी होगा जब वो 35 ओवर का लगा रहे हैं लॉजिक जो 35 ओवर फुल मैच का था बट अब क्योंकि 35 को उस हिसाब से था आपके अगर ओवर्स रिड्यूस हुए तो वो टारगेट भी नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये पास कर पाएंगे नेट रन रेट जिगर बोल रहे हैं नेक्स्ट 8 ओवर में करना पड़ेगा कोई बोल रहे हैं 9.2 भाई 8-9 का जो मैं आपको बता कोई बोल रहे हैं नीड टू फिनिश इन 12 ओवर्स भाई जो सही है वो बताओ यार कहां पे सुना है कहां से सही से इंफॉर्मेशन निकाल के बताओ पाकिस्तान को कितने ओवर में चेस करना पड़ेगा ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए मैच 19.3 ओवर्स में रिमेनिंग क्योंकि 41 ओवर्स का मैच हो गया रिमेनिंग 19.3 ओवर्स में पाकिस्तान को 182 रन चाहिए टू विन ये तो हमें पता है लेकिन पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाए जो हमको पहले पता था कि 35 ओवर में चेस करना है अब कितने ओवर में चेस करना है कि नेट रन रेट बेटर हो जाए
मेरे हिसाब से तो जो ये बता रहे हैं 12 ओवर कभी नहीं होगा, 12 ओवर हो ही नहीं सकता। आप 50 ओवर के गेम में 35 ओवर यानी 15 ओवर का मार्जिन लेकर चल रहे हो, 8 ओवर ऑलरेडी आपका रिड्यूस हो गया है, तो 7 ओवर उधर से भी तो आप रिड्यूस करोगे, 5 ओवर रिड्यूस करोगे, तो ये जो 21.3 ओवर में अभी ये पहुंचे हुए हैं, 8-9 ओवर का मार्जिन है, 8-9 ओवर में ये कर गए तो कर गए, वरना वो फिर नेट रन रेट उसके पीछे ही रहेगा। इतना मुझे भी लगता है बहुत मुश्किल होगा, मार्जिन नहीं है ना आपके पास, रन बहुत ज्यादा, और ये चेज अगर हो रहा है तो ये आखिर में जाकर ही हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इंग्लैंड वाले मैच में वो भी तो मैं कह रहा हूँ, आज का मैच ही ये लोग जीत जाते हैं, 400 चेस करना पांडे जी यार वर्ल्ड कप के मैच में, डू और डाई मैच में, एलिमिनेशन मैच है, इतिहास तो बन ही जाएगा नो डाउट। अगर अगर ये चेस कर गए तो मैं ये बोल रहा ना कि क्या फिर इनका सेमीफाइनल डिजर्व करते हैं, या टू अर्ली टू से कि इंग्लैंड वाला भी जीत के, इंग्लैंड वाला चलो इंग्लैंड वाला भी जीत जाए फिर तो डिजर्व करते, क्यों नहीं करते, लेकिन न्यूजीलैंड वापस श्रीलंका को हरा के आ जाएगी ना, वही पॉइंट है ना कि अब न्यूजीलैंड, अब श्रीलंका का भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा सकती है तो न्यूजीलैंड को क्यों नहीं हरा सकती, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इफ्स एंड बट वाली कहानी है, उनको पाकिस्तान को नेट सेमीफाइनल में आ जाए, आपको पता है मेरी तो बड़ी सीरियस स्कीम है, मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाए, है ना, मैं तो ये बोलूंगा भाई अगर इन्होंने आज 400 चेस कर दिया, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, फिर तो यार। पर वही बात है ना कि आप देखो एक नाम पर आओगे, आप पूरी टीम की तरफ से ऐसा कुछ अच्छा, नहीं आया कि आप उसके दम पर आ रहे हो, कुदरत का निजाम ये आप तो, देखो ये पकर जमान ने रन कर दिए, ऊपर से टारगेट भी देखो क्या मिल गया इसके बाद, जबकि आप सामने देखो चिन्ना स्वामी में 20 ओवर में 182, इजी हो गया और इजी हो गया इनके लिए, और इजी हो गया, हां 400 होता ना, देखो 400 लेकिन ओवर्स भी कम हुए, पूरे ओवर्स का मैच होता मुश्किल होता ना, 242 करने आ रहा था वहां पे, ओवरऑल देखेगा हां क्योंकि 9 विकेट इन हैंड है तो बोल सकता है, लेकिन अगर तू टेक्निकली देखेगा भाई तो ओवर्स कितने कटे 9, रन कितने कम हुए 60, हाँ रन 60 कम हुए क्योंकि विकेट नहीं लूज किया ना इन्होंने, डीएलएस इसी पे तो कैलकुलेट होता है भाई, ये तो बॉलिंग साइड को फेवर हो रहा है ना, 9 ओवर तुमने काट दिए, रन तुमने सिर्फ 60 काटे, ओवर ज्यादा 9 ओवर में 60 रन कितने बनते, कम ही होता है, बहुत कम, 6 की औसत, वैसे 6 थी तो मैं 8 की औसत है ना, तो 9 ओवर काट के सिर्फ 60 रन कम करें, ओवर ज्यादा काट दिए रन कम कम करें, 9 ओवर काट के तुम 90 रन कम करते ना, नहीं बट 90 भी कैसे, आप 8 रिक्वायर्ड रेट लेकर चलो, 8 कर लो, 8 के हिसाब से आप कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि एक विकेट ही लूज करी थी ना, तो चलो छोड़ दो वो भी छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं 8 के 7 का कर ले यार, सिर्फ 7 ही करा, वैसे 7 के आसपास करा है, 63 8 कर लेते, 8 का 72 होता, बट इन्होंने 70 के आसपास, इन्होंने कितना कम कर दिया, इन्होंने रन्स कम, 8 72 कम होता ना, इन्होंने सिर्फ 60 रन कम किए, अभी 170 का टारगेट होता, चलो ठीक है, वैसे बराबर ही है, दोनों टीम के साथ नहीं हुई, दो छक्के की बात है, न्यूजीलैंड के लिए भी है कि 9 ओवर काट दिए सीधा, लेकिन यार सब कुछ डिपेंड करता है फकर जमान की विकेट पे, अगर ये विकेट बारिश के आने के बाद जल्दी चली गई ना, फिर तो आपके लिए फिर तो 182 भी नहीं, पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी यार 182 बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे, पांडे बोल बात तो सुनो, अगर यहाँ पे थोड़ी देर मान लो 5-7 ओवर फकर जमान ने वैसे ही बैटिंग बन सकता है, अब तो फकर आउट भी हो जाए तो भी बन सकता है, क्योंकि रिजवान ने किया है, रिजवान पे आप काउंट कर सकते हो, बाकी बाबर ने भी ठीक खेला, सुपर चार दिखा दो, फकर ने इनको फकर का विकेट आ जाए तो बाबर फिर फुल स्लो में आकर के वैसे बैटिंग करे तो हो सकता है आप जीत जाओ, स्टडी प्लस बोल रहे हैं नेक्स्ट 8 ओवर्स में चेस करना होगा, कोई बोल रहे हैं 7 ओवर्स में चेस करना होगा, भाई वो देख लो यार, पांडव जी आप देखो ना यार, 8-9 चारू भी देख लिया, आप भी देखो सुपर चैट दिखा दो, मैंगो मैन विजुअलाइजिंग एंड क्रिएटिंग बोल रहे हैं 19 में 182 है लेकिन कोई पावर प्ले नहीं है, यहां सारे फील्डर ऑलरेडी बाहर रहेंगे, न्यूजीलैंड विल विन बाय 70 रन्स, 273 पाकिस्तान ऑल आउट बोल रहे हैं मैंगो मैन विजुअलाइजिंग एंड क्रिएटिंग, देखते हैं भाई एक बार इनकी सुपर चैट दिखा दीजिएगा मैंगो मैन की, पावर प्ले कोई इशू ही नहीं है भाई, कैसी बात है, कुछ लोगों को इससे भी थोड़े नाराजगी है, 9 ओवर कम कर दिया हमारे पास, 9 विकेट है और 60 रन आपने, फायदा पाकिस्तान का है ना, लेकिन आप बोल सकते हो पाकिस्तान का फायदा है सामने, मुझे लगता है शायद ठीक है अब, क्योंकि यार अगर आप 9 विकेट हैंड में रख के भी आप सब ठीक है, लक्षित ने बंद कर दिया लाइव क्या, सपोज करो ना T20 का मैच खेल रहे हो, 182 आपको चेस करना हो या 183 करना हो 20 ओवर में, पहली विकेट आपके पहले ओवर में चली जाए तो ऐसी बात तो है नहीं कि आप चेस नहीं कर सकते वहां से, वही गेम है ना अल्टीमेटली, हाँ आप ये कह सकते हो पावर प्ले नहीं होगा 6 ओवर का वो जो उसमें रहता है, बट अल्टीमेटली प्लेयर्स आपके फॉर्म में तो हैं, जिस तरीके से फकर जमान बैटिंग कर रहा है वो बड़े बड़े छक्के लगा रहा है, हाँ ये तो है, लक्षित ने लाइव क्यों बंद कर दिया यार, बारिश रुक गई, मैच थोड़ी देर शुरू हुआ है, बट हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एस हसन रिजवी बोल रहे हैं
Truth is, Pakistan will be home soon. If Babar has any grace, he needs to apologize to the country and step down from captaincy and focus on his game. यार ये चीज़ तो तभी होगी ना, पहले आप यहाँ से जीतो या हारो उसके बाद आप वापस जाओ, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जब भी आप घर पहुंचोगे, क्योंकि अगर आप बाहर भी हो जाते हो तो भी जो लीग का मैच बचा हुआ अगला वो तो खेल करके आप जाओगे, और उसके बाद ही बीच टूर्नामेंट में तो आप कैप्टनसी से हटोगे नहीं, बट हाँ बाबर की कैप्टनसी तो मोस्ट लाइकली जाएगी। और माफी मांगना, देखो पूरा मैनेजमेंट भी है इसमें, आपके कोचेस भी हैं, सभी का मुझे तो लगता है सभी की मिली भगत है, सभी की गलती है, सभी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अच्छे प्लेयर्स को बिठा करके ऐसे प्लेयर, और कंसिस्टेंटली आप देख रहे हो कि फेल हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, या तो आपको आपने देखा है एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो उसको हटा दिया, और जब खराब करे जा रहे हैं उनको क्यों न जाने आप लेकर के जा रहे हो, तो ये जिम्मेदारी तो डेफिनेटली बनती है। जैसे मैच शुरू भी हो जाएगा पर बोर्ड पे भी तो डिपेंड करेगा, बोर्ड ही कलेक्टिव नहीं दिख रहा, एक मिनट में मैच कोचेस से कैप्टन से आप क्या ही बोलोगे, कौन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज की, पर खैर है जो, हाँ बिल्कुल निकल जाओ। न्यू टोटल हार्ड कॉज मोमेंटम ब्रोक एंड रन रेट इज हायर, टी मनी बोल रहे हैं। हाँ यार लक्षित को बोलो, वहां पता करेगा क्या हो रहा है, पता करो। हाँ मैच वैसे आपको बता दे फिर से, 4 मिनट में मैच शुरू होने वाला है, पाकिस्तान के लिए टारगेट है 182 का, सुपर चैट और दिखा देना, 19.3 ओवर्स में अब, हाँ इतनी देर का गेम बचा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान 182 बना लेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और नहीं बना पाया तो फखर जमान की जो अच्छी इनिंग थी वो वेस्ट चली जाएगी। बट अब मुझे तो ये लग रहा है कि फखर जमान रहते हैं तो फखर जमान चेस कर देंगे, और करना बनता भी है जिस तरीके से वापस आए हैं, और 400 की चेज में, 402 की चेज में इस तरीके से रन्स बनाना, इट टेक्स अ लॉट। फखर जमान ने अपनी जो जगह थी जो वापस लाए हैं, अच्छा पिछले मैच में भी आए, पिछले मैच में भी रन्स बनाए और अच्छे से बनाए, इस मैच में भी आए रन्स बनाए और अच्छे से बनाए, तो वो जो आप 400 के प्रेशर वाली बात करते हो वो प्रेशर भी नहीं दिखाई दिया, तो ये सारी चीज़ें तो अब यही है कि गलती तो शायद आपको लगेगी कि हमने कर दिया है, बट आप उसको ओन अप करो, सामने आकर के जैसे शिकायतें करते हो इन सब चीजों के बारे में भी आप बोलो। सुपर चैट दिखा दीजिए। हाय, तो 5 मिनट में मैच शुरू भी हो जाएगा बेसिकली, आपको सुपर चैट सारी देख लेते हैं एक बार, रॉबिन दिखा देना फटाफट। बाबर आजम रेन बैक कौन लिख रहा है भाई, यार ये मत बोलो, नहीं नहीं रेन नहीं आई है। शुभम पाटिल पढ़िए जी, शुभम पाटिल बोल रहे सुशांत भाई आज स्पेशली फखर जमां की वजह से पाकिस्तान जीता, बट दिल कहता पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए, इंडिया हराए इनको, बट दिमाग कहता है पॉलिटिक्स ने मरवा दिया। सही बात है, आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिए। फखर जमां नहीं आपको, UM123 बोल रहा है, I call calculated the net run rate, it's quite close, not 100%. If Pakistan chases down by 36 overs, then net run rate will become 0.05 and New Zealand net run rate will be 0.031, so really hard. देखते हैं भाई 36 overs मतलब अगले 15 ओवर में, देखते हैं। आगे आ जाइए, थैंक यू UM123 फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम US। सुमेर अब्बास बोल रहे हैं, पाकिस्तान विंस इन 35 ओवर्स, न्यूजीलैंड रन रेट पता है हमें भी, लेकिन अब तो इक्वेशन बदल गई है ना, देखते हैं क्या होता है, विल बी 0.22 एंड पाकिस्तान नेट रन रेट विल बी 0.08। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगले 14 ओवर में, हाँ हो सकता है चेस 14 ओवर में। सुमेर अब्बास थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट, आगे आ जाइए। टी मनी न्यू टोटल हार्ड कॉज मोमेंटम ब्रोक एंड RR इज हायर। हाँ ये मैंने बोला ना कि टीम मनी बोल रहे हैं कि न्यू टोटल इज हार्ड कॉज मोमेंटम हैज बीन ब्रोकन, मोमेंटम टूट गया है और नेट रन रेट हाई, मतलब रन रेट जो है वो ज्यादा हो गई है। नहीं इतनी ज्यादा नहीं है भाई, 20 ओवर का तो गेम बचा हुआ है, 9 विकेट तुम्हारे हैंड में, कोई टेंशन नहीं होगी इतनी। आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, मैच भी शुरू होने, मैच भी शुरू होने वाला है 2 मिनट में, 2 मिनट में यस। तो जी 2 मिनट में मैच भी शुरू हो जाएगा और मजे भी आ जाएंगे, टेंशन भी कोई नहीं है यहाँ पे, न्यूजीलैंड को फायदा हो जाएगा इसका क्लियरली, ये जो मोमेंटम टूटा, जो पिटाइयां उनके बॉलर्स कर रहे थे उनको टाइम मिल गया अपने आप को सेटल करने का, जिस तरीके से मार खा रहे थे थोड़ा सा शांति से दोबारा से कुछ नया सोच करके नई टैक्टिक्स लेकर के आएंगे, हो सकता है उनके लिए काम कर जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही हुआ है बारिश के बाद जब आप वापस आए तो मोमेंटम दूसरी साइड शिफ्ट हो गया है। रिवाइज टारगेट देख लो भाई 342 ओवर है 41, तो अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, यहां से फखर जमान को देखना है, और मुझे ये भी देखना है क्योंकि बाबर आजम चलो एक अच्छा एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, अगर फखर का यहाँ पे विकेट आता है, गैल बोल रहे हैं सच बोलने से इतना भी मत डरो, आप सच बता दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं कौन सा सच बोल रहे हैं आप, कौन सा सच है बताओ भाई। बोलर्स के लिए तो लेकिन आज का दिन सभी सारे पाकिस्तान हो या फिर न्यूजीलैंड हो सबके लिए बहुत, रघु बोल रहे हैं मेरी सुपर चैट मिस ड्यू फैक्टर वाली, ड्यू फैक्टर देखते हैं भाई क्या होता है उसमें,
लेट्स सी बट अभी तो वेट कर रहे हैं भाई, 6:19 हो गए, 6:20 पे तो मैच शुरू होना था, 6:20 पे मैच शुरू होना था ना. हाँ. जिगर पांड्या बोल रहे पाकिस्तान कोलैप्स लोडिंग, देखते हैं. आ गए, शुक्र है, चलो तालियां तालियां. एक तो ऐसा ग्राउंड आपने बनवाया वाले जैसा नहीं था जो आप सुखाते नहीं, मैच में फाइट. देखो न्यूजीलैंड को भी टाइम मिला रीग्रुप करने का. हाँ. मैच में फाइट वो भी करने आए, वो भी तो नहीं चाहते हम बाहर हो जाएं. 400 कौन चेज़ करवाना चाहता है, टूर्नामेंट उनका भी तो पड़ जाएगा ना. बट और जो हम बातें करते हैं कि स्लो वो, फिर केन विलियमसन से पूछना चाहिए तू स्लो खेला कि नहीं खेला. कि मैं जो बोल रहा था कि उनके वहां से 120 की स्ट्राइक रेट से केन विलियमसन खेला, लेकिन 150 की स्ट्राइक रेट से कोई नहीं खेला जो फखर जमान खेल गया. सो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना अब आएगा मजा. बट आप भाई पानी पिला दो यार, नॉर्मल पानी दे दो, पानी बोतल खत्म है. पीछे वाली बोतल में आई गेस पानी है, एक में है, पीछे वाली में है. पर 400 अगर आप चेज करवा देते हो तो फिर मैं तो समझूंगी आ गया, शुरू हो गया. पर क्या बीतेगी आगे, क्या कॉन्फिडेंस लेके जाओगे? स्लिप रखी नहीं हुई, बोल्ट कंटिन्यू कर रहे हैं. आइए पांडे जी, आइए आइए. यस यार, वो दे दोगे क्या? फोन चार्ज में लगा लो प्लीज. ये अरे अरे अरे, हाँ ये दिस वन. थैंक यू शुक्रिया आकाश, शुक्रिया. चलो भाई, लंबे इंतजार के बाद फाइनली शुरू तो हुआ मैच. खबरा की तो तबीयत ही नासाज हो गई है बिल्कुल. वैसे आएगा बहुत मजा इस मैच में. अभी भी देखो T20 वाला रोमांच है यहां से आपको, मतलब T20 की फीलिंग आएगी. 182 का टारगेट है, 18-19 ओवर में मैच ऑन, गेम ऑन है, चेज ऑन है. और यहाँ पे आए थे ना वो, कुछ मैसेज भी देकर के गए थे उनको. बट अब चलो, अब तो सारी चीजें, इतना लंबा ब्रेक बारिश के बाद, डीएलएस वाला की कौन सा है, कहां तक जाना है, बट उन्होंने कर दिया है. अगर जमान ने पिछले 19वें ओवर में ही कर दिया था वो. चलो भाई फ्रेश स्टार्ट. ओ अब ट्रेंट बोल्ट भी वही बोलेंगे. बट अब अच्छा, इसमें ये भी है ना कि प्लेइंग कंडीशंस, क्योंकि अब कितने बॉलर कितने ओवर डाल सकता है ये भी तो एक होगा. हां, ये सिनेरियो में कुछ 5 ओवर क्योंकि बोल्ट ऑलरेडी डाल चुका है. 41 ओवर्स का गेम है, 8 ओवर पर बॉलर होगा, फिर 8 ओवर ही होगा, उस हिसाब से आप 5 बॉलर का यूज कर सकते हो. बता दो आकाश. सही है ये, चलो ये भी देखते हैं क्या सिनेरियो रहता. पर लेकिन यहाँ पे जैसे अभी 3 बॉलें हो चुकी है, स्टार्ट हुआ है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज न्यूजीलैंड की तरफ. अब एडवांटेज भी आप नहीं कहोगे तो आप थोड़ा सा बैलेंस 50-50 यहाँ पे नजर आएगा आपको. एक तरफा जो पाकिस्तान की साइड में था मोमेंटम, वो वैसा आपको दिखाई नहीं देगा. थोड़ा सा यहाँ पे आप, हाँ 50-50 का मामला, ऐसा नहीं है न्यूजीलैंड भी नहीं जीत सकती, बिल्कुल जीत सकती है. 182 डिफेंड करने हैं यहाँ से 19 ओवर्स में, हो सकता है यार. कर सकती है, बट मैच तो देखो क्लोज जा रहा है. हाँ, 100% 9 विकेट हाथ में, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिल्कुल वन साइडेड. यहाँ से मजा आएगा, बीच में विकेटें भी आएंगी, हो सकता है आखिरी ओवर तक भी चला जाए. सोडी आए जी, सीरियसली यार, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था. 400 का टारगेट जब था, ओए यार ये तो अब ये जो है ना, ये फायदा देगा पाकिस्तान को. बाबर बारिश हुई है गीले ग्राउंड में, थोड़ा सा लेग स्पिनर जब बॉलिंग करेगा उसको दिक्कत आएगी ही आएगी ग्रिप करने में. अब यहाँ पे दो स्पिनर का जो दाव था वो हो सकता है कि अगेंस्ट चला जाए न्यूजीलैंड. सुपर चार्ज दिखा दो. बाबर आजम की भी 50 हो गई है, 52 बॉलों पर 51 बाबर आजम. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर चैट दिखा दो भाई, दिखा दो सुपर चैट. लास्ट पावर प्ले स्टार्ट होगा आफ्टर 33 ओवर्स, मीनिंग 4 फील्डर्स शॉट. कवर्स की तरफ से चौका, व्हाट अ शॉट यार बाबा. क्या बात है यार, कैप्टन बिग गैल सच एवरी टाइम. हमने कोई भी सुपर चैट हम पर्पस पे मिस वो स्किप नहीं करते, ओवर स्मार्ट मत बनिए. कोई भी सुपर चैट पर्पस पे यहां पे मिस नहीं की जाती, समझ गए आप? किसी से डर नहीं लगता, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के भी इधर उधर के गुलाम नहीं है. तो इल्जाम मत लगाइए, सुपर चैट सबकी पड़ी जाती है, अगर मिस कर दिया उसने तो गलती से मिस हो गई होगी. सच एवरी पेनी पाकिस्तान टीम अर्न्स गोज टू पाकिस्तानी टेररिस्ट. यू शुड थिंक बिफोर सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, पहले यही भेजा था, यू स्किप्ड ऑन पर्पस. वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नेवर स्किप ऑन पर्पस. प्लस इफ दिस इज ट्रू देन टेल योर कंट्रीज गवर्नमेंट नॉट टू प्ले क्रिकेट विद देम एंड नॉट टू इनवाइट देम. ओके,
That's the fact of the matter. If you feel so strongly about it, write to the government, go and protest over there. कि इनको ना बुलाओ, खेलना बंद कर देंगे, हम कवर नहीं कर रहे, खेल रहे हैं, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप चल रहा है तो कवर करना हमारा फर्ज है. आपके अपने ख्याल आते हैं, हमारे अपने ख्याल आते हैं, तो जहां आपका बस नहीं चलता वहां पर जाके बोलने की कोशिश करिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट. हमारे यहां पर सुपर चैट भेज के तो आप कोई भी मैसेज भेज सकता है, हम तो पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है. मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जो आर्मी वाले जो ये जो हमें लॉजिक देते हैं कि जी टेररिस्ट को चला जाता है, पैसा ये चला जाता है, तो आपकी गवर्नमेंट से बेस्ट तो किसी को नहीं पता ना भाई. अभी आप एशिया कप खेल के आ रहे हो, अभी आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, वो आपके यहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने आए हो, या तो मत खेलो, बंद करो. तो ज्ञानी सब बनते हैं, मगर एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना उसी के हिसाब से चलना पड़ता है. आ जाइए जी वापस. थैंक यू इंडिक गैल. इस ओवर से भी आगे 10 रन, 11. मॉडर्न स्टोरीज, न्यूजीलैंड बॉलर्स को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो भाई. देखते हैं भैया, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कंडीशंस हो चुकी है वहां पे हालात मुश्किल हैं स्पिनर्स के लिए. ये देखो ना, ये ओवर आप कैसा गया, कंट्रोल करना मुश्किल है. चौका, चौका, डॉट, सिंगल, वाइड, सिंगल. नहीं भाई, बाबर ने भी लगाना शुरू कर दिया. हां 12 रन आ गए इस ओवर से. कहां बचाएगी यार न्यूजीलैंड, कहां बचाएगी. मैं तो ये सोच रही हूं कि आप बैक टू बैक मैचेस हार रहे हो, उसके बाद आप 400 बनाकर अगर हार जाओगे पाकिस्तान से, जो मैक्सिमम लोग उसको बोल चुके थे इस टीम का अब कुछ नहीं होगा, ये बैटिंग में तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो टीम चेस कर जाएगी 400, ये कैसे अगला मैच खेलेंगे, जीतेंगे अगला मैच ना हार जाए यार. तो ये 342 हो गया यार, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक ओवर्स भी तो कटे हैं ना उसके हिसाब से, हिस्ट्री तो बनेगा. ऐसी बात नहीं कि हिस्ट्री नहीं होगी, बहुत बड़ा रन चेस है ये, 41 ओवर्स में 342 भी अगर कर जाओ बहुत बड़ी बात है. सीरियसली यार, मतलब न्यूजीलैंड के लिए अब श्रीलंका से भाई जीत जाना, वहां अगर हार गए तो. अच्छा अभी तो मैच पड़ा है, ऐसी बात नहीं, मैच तो पड़ा हुआ है, बट ये बन गया. भी इन्होंने भी तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी तो मार खाया ही था ना, इन्हीं बॉलर्स ने खाया था, 380 ऑड कुछ पड़वा दिए थे वहां पे पहली इनिंग्स में. पढ़िए पढ़िए सुपर चैट पढ़िए और आगे भी बात करिए क्या चल रहा है. सुपर चैट भेज दो, सुपर चैट है तो दिखा दो, दिखा दो. 172 पाकिस्तान, बोल्ट आ गया भाई, 5 ओवर बोल्ट के हुए हैं, अब बोल्ट को देखना है. 9 ओवर्स करवाएंगे किससे, केन विलियमसन, एक बॉलर 9 ओवर डाल सकता है, बाकी 8-8 ओवर. प्रॉब्लम ही तो हो गई ना यार, इंजरीज हो गई है आपके, आपके बॉलर्स नहीं है आपके पास प्रॉपर, यही फंस गई न्यूजीलैंड की टीम यार तुमने. और एक बोल्ट आपके लिए इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, बोल्ट ने मार ही खाई है, विकेट्स बोल्ट को नहीं मिले हैं आपको, बोल्ट के रन्स पड़े जा रहे हैं. हम जब टूर्नामेंट की शुरुआत में किसने तो भी कहा था बेस्ट बॉलर, आपने बोला था शायद, नहीं 7 मैच में 10 विकेट है, और बेस्ट बॉलर का ये रिकॉर्ड थोड़ी देता है, मतलब अगर आप देखो तो. नहीं वो चीज नहीं है कि अभी तक के लिए टूर्नामेंट वैसा नहीं जा रहा, उस तरीके से नहीं गया, ट्रेंट बोल्ट का जो कैलिबर है वो थोड़ी गया, उस तरीके से टूर्नामेंट नहीं जा रहा उनका, वही तो चीज है, अभी तक नहीं दिखाई दे रही हमें. तो अगर ये ट्रेंट बोल्ट फॉर्म में होता, न्यूजीलैंड की पूरी प्रॉपर अपने जो इनकी है ना फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग उसके साथ आते तो शायद इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट हाँ यहाँ पे बॉलर्स के लिए उतना कुछ था तो नहीं ऑनेस्टली, जिस तरीके से रन पड़े हैं था बिल्कुल डेड ट्रैक था. बाबर आजम ने देखो क्या 6 चौके 1 छक्का, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर चला गया, आज अच्छा मारा बाबर ने यार, मतलब पावर के साथ में पूरी. अच्छा मैंने कल क्या कहा था, इमाम था यहाँ पे, मैंने उसको बोला था अभी थी जो मैंने शुभमन गिल 2 पॉइंट बिल्कुल करीब है नंबर 1 की रैंकिंग लेने से, बट देखो कल बाबर आजम रन करेगा मैंने बोला था, लेकिन हाँ एक चीज अच्छा है कि कम से कम ये जो रन आ रहे हैं वो विनिंग काउज में, अगर पाकिस्तान जीतता है तो ये रन कम से कम क्रूशियल होंगे, ये उस तरीके के रन नहीं होंगे कि अपने स्टैट बना लो, अपने स्टैट वाले भी नहीं. अब्दुल बोल रहे कवर करना और सपोर्ट करना दोनों में डिफरेंस है, तो सपोर्ट करना अच्छे क्रिकेट को तो वर्ल्ड कप देखना बंद कर देते हैं क्या, गालियां दें उनको, नफरतें फैलाएं और यहां पे बैठ के, तुमने जो करना है तुम करो ना, हमें क्यों बता रहे हो भाई कि हमें क्या करना है, अजीब लोग हो यार तुम लोग. और फकर जमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है आपको क्या देख के मजा नहीं आ रहा है उनकी बैटिंग, जितने कपड़े हमने फाड़े पाकिस्तानी टीम के किसी ने नहीं फाड़े, उनके अपने पैनलिस्ट ने भी नहीं फाड़े भाई, बर्दाश्त करो, खुशियां मनाते हो ना अगर तो बर्दाश्त भी करना सीखो, अगर कोई टीम अच्छी खेल रही है तो, समझ में आ गई, सही है, रिस्पेक्ट. हाँ
और हमारे बोलने में बोलने से कुछ नहीं होगा, वो जीतेंगे तो जीतेंगे ना, क्या हो जाएगा आपके नफरत करने से? हमारे यहाँ पर आके अच्छा खेलेंगे, भी जीते जीते तो ट्रॉफी भी दी जाएगी भाई। नंबर वन रैंकिंग सिक्योर्ड, नंबर वन रैंकिंग सिक्योर्ड भाई बाबा राजा। पर अभी देखो इंडिया का भी, इंडिया के दो लीग मैचेस बाकी है ना अभी, कोई नहीं इनका आज, इसके बाद एक ही मैच आएगा पाकिस्तान का, हो सकता है 100 आ जाए बाबर आजम का, हो सकता है आज क्योंकि फ्लैट ट्रैक है, आप सेटल हो चुके हो, सारी चीजें आपके हक में नजर आ रही है अभी। 103 पे 164 यार, लग ही नहीं रहा था, मतलब स्टिल हार्ड टू बिलीव कि ये कैसे कैसे क्या फकर ने 9 छक्के लगा के बता दिए यार। ओके गुड बॉल, चलो देखते हैं अभी मैच बहुत बचा हुआ है भैया, अभी बहुत मैच बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जीत गया है कोई हार गया है, बस एक दो बॉल का डिफरेंस आ जाता है वहां पे, एक बॉल ओवर्स में 163 ऑड रन्स चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए मैच, एंटरटेनिंग तो जा रहा है और आपको और क्या चाहिए यहां पे एंटरटेनमेंट के नाम पे? बिल्कुल T20 सुपर चैट दिखा दीजिए, इक्वेशन वैसी सी बनी हुई है, इक्वेशन T20 वाली बनी हुई है, बट यार जिस तरीके से खेला है इसने, खेला है कि इन्होंने ओडीआई की तरह खेला है इसको, नहीं तो अच्छा भाई उमर ने भेजा है, उमर ने ये भेजा है दिखा दीजिए, हो सकता है उमर आपको 100% यकीन है कि ये सही है, गलत नहीं होना चाहिए, उमर मुझे उस पर लिखिए ट्विटर पे, डीएम करिए, 100% यू नो दैट इट इज राइट। इशू वी के बोल रहे हैं द इंडिक गर्ल, अमेरिका और चाइना और सऊदी अरेबिया और यूएई, इन सब से भी ट्रेड सब कुछ बंद कर दो क्योंकि ये सब एड और लोन देते हैं पाकिस्तान को। सही बात है यार, किस किस लेवल पर आप कहां कहां तक जाकर के रोक लगाओगे? बाबर आजम ने छक्का लगाया, एंजॉय करो जो चीजें हैं जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्रिकेट तो एंजॉय करने की चीज है, छोड़ो यार सारी बातें छोड़ो, मैं प्लीज ये आर्मी कंट्री और इस सबको बीच में मत लाया करो, मैच देख रहे मैच एंजॉय करने दो, बस बात खत्म हो गई, और ये सारी बातें करनी होती गवर्नमेंट से करा करो, हमसे नहीं, हम कोई अथॉरिटी थोड़ी है इस पे, फालतू में मूड खराब करते हो आप लोग। आदित्य कपूर बोल रहे भाई मैं इनके जीतने से दुखी नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, जीतने दो ना उनको, तो मैं टेंशन क्या है। अच्छा बाकी और तीन टीम्स को अपने साथ उम्मीद जिंदा रखेंगे। अच्छा उमर ने भेजा है, वर्ल्ड कप जिंदा रहेगा यार, मजा आएगा। उमर ने भेजा है वो दिखा दीजिएगा, कितनों की उम्मीद लेकर के चल रहे अपने कंधों पर, एक टाइम पर बाबर आजम, एक टाइम पे खुद के उमर शंकर है हमारे हमारे हो गया यार ये वापस आ जाए यार, छोड़ देना इसको। ओ भाई यार, मैं बोल रहा था ना लेग स्पिनर को बहुत दिक्कत आने वाली है, उसको तो और पड़ेंगे, इन्होंने आज ओवर एक्टिंग करके स्पिनर ज्यादा खिला ली, इनको गलत पड़ गई, बारिश पहले लग रहा था शायद स्पिनर्स इनको मदद कर देंगे, फकर जमान तो रुक ही नहीं रहा भाई, बारिश आ जाए तूफान आ जाए घटा आ जाए कुछ भी आ जाए, पाकिस्तान मैच जीत रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बता देते हैं आपको, प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको, उमर का मैंने वो भेजा है, उमर ने मुझे भेजा है पाकिस्तान से, उमर उन्होंने मुझे इक्वेशन भेजी है कि पाकिस्तान की नेट रन रेट बेटर कैसे हो सकती है न्यूजीलैंड से, अब जो ये इक्वेशन आई है दिखाना रॉबिन उसको एक बार स्क्रीन पे दिखा दो, और सुपर चैट भी दिखा देना उसके बाद, इसको खत्म करके एक बार फिर से भी आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे, अभी तो देख लेते हैं 5 मिनट और, बट फिर इसको एंड करके ना फिर से जुड़ते हैं एक बार, पहले सारी सुपर चैट्स और उमर फिर छे, भाई कहां से लपेट रहा है ये, नहीं जा रहा है 41 ओवर्स तक, ये पहले खत्म हो जाएगा ऐसे तो, कहां से लपेट रहा है ये छक्के के लिए भाई, ये आदमी अलग लेवल पे जा चुका है, 3 छक्के, और मैं तो भगवान का कितना शुक्र गुजार हूं के, मतलब पहले तो बाबर ने मारा था ना एक, हाँ, तो सिंगल लिया था, दो मार लिया सिंगल लिया इस ओवर में 3 कि मैंने कम से कम आपको सच बताया कि मैं कम से कम शुरू से फकर जमान कर रहा हूं, तो उसने मेरी भी इज्जत रख ली है। केन विलियमसन ने क्या सोच के सोडी वोडी को खिलाया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से हार रहे हो भाई, इसकी नहीं है भाई, फकर जमान ने अकेले गेम खत्म कर दिया मेरी जान, अकेले ही गेम। अच्छा वहां पे जो क्राउड में सब नाच रहे हैं, जो इसके छक्के देख के नाच रहे हैं, वो पागल है सारे इंडियंस जो पहुंचे हुए, कुछ भी बोलते हो यार आप लोग। अच्छा जल्दी से ओमर का वो दिखा यार जो मैंने भेजा है रॉबिन, और वो भी दिखा मैंने ग्रुप पे भेजा यारी वाले ग्रुप पे, पीछे रॉबिन है कि नहीं है, रॉबिन है ना, रॉबिन तो है, रॉबिन ही है पीछे, रॉबिन है या नहीं है दिखा रॉबिन, अच्छा दिखा रहा हूं, और रॉबिन सुपर चैट भी दिखा देना उसके बाद, क्या छक्के लगा रहा है ये, बावला हो गया क्या जॉस क्लार्क, जॉस क्लार्क बोल रहे स्पोर्ट इज स्पोर्ट इट इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, मैं भी तो वही बोल रहा हूं भाई, एंजॉय करो ना लाइफ, 44 दे आर विनिंग, They are winning क्या 6 मारा है, 11 छक्के मार दिए, 9 थे 2 ही मारेंगे, 3 छक्के पड़ गए, बंदा अलग ही लेवल पर है।
पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड भैया टू गो पास न्यूजीलैंड रन रेट दिस इज अकॉर्डिंग टू ओमर ऑन ट्विटर पाकिस्तान नीड टू चेस डाउन द रिवाइज टारगेट विद इन 26.3 ओवर्स मींस 182 रन्स इन 5 ओवर्स तो इम्पॉसिबल है पॉसिबल नहीं था भाई 15 ओवर का मार्जिन उसके हिसाब से जो 35 था यही स्टैट मैं देखना चाहता था जो आपको बताना चाहते थे जो आपके साथ शेयर करना चाहते थे ये बहुत बड़ा स्टैट है भैया बिकॉज अगर न्यूजीलैंड की नेट रन रेट को पार करना है तो पाकिस्तान को ये टारगेट चेस करना होगा 26.3 ओवर्स में मतलब 182 रन्स 5 ओवर में बनाने होंगे भाई नहीं बाकी सुपर चैट दिखाते रहिए भाई दोस्त हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं आपको हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही विनती है आपने बहुत सपोर्ट किया भाई सब्सक्राइब जरूर करना चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना यार ये मत करना कि सब्सक्राइब नहीं किया अब डैरिल मिचेल फाइनली आ रहा है क्योंकि तो हमें बड़ा फायदा होता है भाई हम इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है किसी का कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से कुछ नहीं ले रखा सिर्फ हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है खुद ही चल रहे हैं अपने दम पर और आपके दम पे बेसिकली आप प्यार करते तो चलते इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो और फॉलो जरूर करना अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं चारू इज सीरियसली शार्प टू द पॉइंट एंड अमेजिंग एनालिस्ट ग्रेट करियर लोडिंग विद स्पोर्ट्स यारी चारू आपकी तारीफ की जा रही है थैंक यू सो मच सिंगुलैरिटी बट थोड़ी सी बारिश हल्की फुल्की फिर से शुरू हो गई है आगे लक्षित ने अभी मैसेज किया है अबे यार अरे बारिश नहीं होनी चाहिए यार मैच पूरा होना चाहिए अब तो होना चाहिए बट ये पाकिस्तान को और फायदा होगा ये और ओवर दो पड़े हैं छक्के तीन मार दिए डीएलएफ टारगेट से 22 रन आ गए अभी तो इतने छक्के मार दिए अभी दो ओवर में अरे उसने फोड़ के दोनों ने मारा भाई बाबर ने भी 6 मारा बाबर भी छक्के कम मारता है दे दिया ना उसने पृथ्वी भाई बोल रहे हैं पृथ्वी भाई सर Who do you think will win? Current Indian bowling lineup plus Hardik versus Australia 2003 World Cup lining. Oh ho ho. Yeah, 2003 World Cup जो Australia थी ना, देखो हमने अभी तक World Cup जीता नहीं है भाई. World Cup जीतो पहले फिर बताऊंगा. अभी तो मैं Australia को आगे रखूंगा ना यार. They are proven champions. You are yet to be champions. You are dominant. Yes. But remember in 2015 also आप पहले 7 मैच जीत गए थे. उसके बाद आप आ रहे थे. वहां भी आप लगातार मैचेस जीत रहे थे तो 2019 में भी सिर्फ एक मैच हारे थे ये आपको देखना पड़ेगा पृथ्वी भाई पहले लेट्स नॉट जंप द गन है ना होल्ड योर हॉर्सेस लेट्स सी दिस वर्ल्ड कप इंडिया वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करता है कैसे करता है फीट गिव इट अ परफेक्ट रन एक भी मैच नहीं हारता यार तेज बारिश हो गई गॉड व्हाट द हेल बट ये रुक क्यों नहीं रहा है आउट आउट नहीं है आगे गिर गया यार लक्षित का जो वो लक्षित जो लाइव शुरू करेगा उसको होम पे रखना बारिश हो गई है भैया यार तेज वाली तेज हो गई है बारिश ये मैच रोकने वाली बारिश लग रही है मुझे तो ये तो रुक ही गया मान लो बाबर का गुस्सा चौके निकाल रहा है यार जुल्कर नैन मनवा बोल रहे हैं फकर इज मोस्ट डेंजरस पाकिस्तानी ओपनर सिंस अनवर मैं तभी तो मैं बोलता हूँ एक दो लोगों का नाम लेता हूँ मैं सईद अनवर फकर जमान सईद अनवर फकर जमान बाबर आजम ग्रेटेस्ट है हट अरे कहाँ से आ गई बारिश वहाँ पे बैंगलोर में ये बारिश का था आज का एक का था फोरकास्ट था नहीं फोरकास्ट तो डेफिनेटली था बट कवर्स आर ऑन जी कवर्स आर ऑन फिर से एक और बारिश हो गई है अच्छी खासी फिर दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल अच्छा लक्षित को बोलना कोशिश करके उसको भी वीमिक्स का लिंक दो उससे कराओ उसमें ब्रांडिंग भी डालो उसको बोलो सूखा सूखा नहीं करेगा ब्रांडिंग के साथ फायर करो ब्रांडिंग उसमें अगर हो सकती है तो जर्नी इनवर्ड्स बोल रहे हैं वॉचिंग इन शिकागो सिंस 4 AM वी मिस इमरान खान भाई उनको तो तुमने जेल में डाल रखा सॉरी टू से गाजा के लिए ट्वीट पैलेस्टीन के लिए ट्वीट उनके लिए कुछ नहीं गलत बात है 200 रन बन गए 25 ओवर में एक विकेट आउट सिर्फ डीएलएस टारगेट 25.3 के बाद है 179 पाकिस्तान डीएलएस टारगेट से 21 रन आगे 21 रन दिमाग में था बारिश आ सकती है तो तेज खेले तो खेले और अब देखो एक घंटे का वो कट ऑफ टाइम जो हम बात भी कर रहे थे 7:40 तो उस हिसाब से अगर देखो तो एक घंटे का टाइम और है एक घंटे एकदम एग्जैक्ट एक घंटे का भी टाइम है बट यहाँ से मैच नहीं होता है तो फिर मतलब न्यूजीलैंड का जो स्लाइट चांस देख रहे थे खत्म है सब फिर तो नहीं न्यूजीलैंड तो वैसे भी पीछे है ना यहाँ से वो मैच तो नहीं जीत पाएंगे नेट रन रेट पे इतना नहीं डेंट लगेगा बट यहाँ पे अगर आप खेलते मैच आकाश तो आपके पास कुछ तो उम्मीद होती कि चलो हमने तो बोलो जैसे मर्जी हो जल्दी लाइव शुरू करेगा यार मैच वो कर सकते थे वहां पे हो सकता था कि हो सकता है एक दो विकेट आती थोड़ा सा मैच में इंटरेस्ट थोड़ा सा हाँ यार
बन जाता है। बारिश ने मूड खराब कर दिया है बिल्कुल। इतनी अच्छी बैटिंग चल रही थी, फकर जमान 81 बॉल्स पे 100 भाई, वो बंदा वापस आया, हमने सोचा था कहीं बारिश का ये ना हो वो ना हो, उसने लग आते ही बाबर ने छक्का मारा, सिंगल लिया, उसने बोला बाबर वेरी गुड, अब इधर से देख कैसे पढ़ते, और दो छक्के मार दिए लगातार। सोडी की शक्ल देखी थी क्या ही? सोडी को लग रहा था ये कौन मेरे पीछे पड़ गया भाई, मैं क्यों बॉलर बना, ऐसे मार रहा है वो, तो वेट कर रहे हैं बारिश खत्म हो बंदर जाके इनको कूटे। पाकिस्तान गेम तो जीत गई है, लेकिन जैसे मैंने आपको नेट रन रेट का बता रहा था, वो एक पर्ची से बात कर रहा है बाबर, कह रहे यार तूने मेरे को पागल बनाया, शुरू से बोल रहा हूं तू बाहर बैठता, तेरा करियर है ऊपर, तूने वापस नहीं आना। अच्छा एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बताया था कि इमाम को करियर के बाद नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर को देखो, उसे बोल रहा फकर जमान का सबसे खतरनाक प्लेयर है, उससे खतरनाक कोई नहीं है। फकर जमान की कुंडली देख के और बोला था कि शुभमन गिल और फकर जमान दोनों की कुंडली जो है वो इक्वली पावरफुल है, मतलब अगर शुभमन गिल को कोई टक्कर दे सकता है तो फकर जमान है, इन टर्म्स ऑफ की कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है और ओपोनेंट पे कितना भारी पड़ सकता है। और उसने बोला था कि इमामुल हक तो टीम में नजर ही नहीं आएगा, पाकिस्तान की टीम से खत्म ही हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो नजर ही नहीं आएगा, नहीं भी आएगा, आएगा ही नहीं। वो बैटिंग कर रहा है इमामुल हक का कोई चांस ना है, मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, जिस तरीके का वो खेलता है उसका वैसे ही कोई चांस ना है। लेकिन आप ये देखो 200 रन बना दिया भैया, इनका इक्वेशन जो है, अब हमने आपको बार बार बोला था भाई नेट रन रेट, ये मेरे को ओमर ने भेजा ट्विटर पे, पता नहीं कितना क्रेडिबल है, लेकिन वो तो कह रहे हैं मैं 100% श्योर हूं, बोल रहे टू गो पास न्यूजीलैंड्स नेट रन रेट, पाकिस्तान नीड टू चेस डाउन द रिवाइज टारगेट विद इन 26.3 ओवर्स, मतलब 182 रन इन 5 ओवर्स, इतना तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से ये मार रहे हैं इनकी नेट रन रेट काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज ये सोच के आए कि हमने 400 चेज नहीं करना, हमने जल्दी चेज करना है, अगर 342 का टारगेट मिला है 41 ओवर्स में तो हम 35, 34, 33 ऐसे ओवर में करना चाहते हैं। अभी कितने में कितने चाहिए इनको, इनको चाहिए 93 बॉल्स पे 142। देखो 21,000 लोग हमें, 22,000 लोग हमें लाइव देख रहे, तो मैं प्लीज ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है स्पोर्ट्स चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सिंपल बात यही है, पाकिस्तान इज विनिंग दिस गेम, किसी को यह शक नहीं होना चाहिए अभी कि जिस तरीके की आज फकर जमान बैटिंग कर गया, उसने जिंदा कर दिया पूरी पाकिस्तानी टीम को, और लख दी लानत, जहन्नम की लानत है उन लोगों के ऊपर जिसने फकर जमान को बाहर बिठाया था, पहली बात यह। सेकेंडली लेट मी टेल यू कि यहां पर इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, वैसे तो होने नहीं वाला कि पाकिस्तान की नेट रन रेट इनसे ऊपर हो जाए न्यूजीलैंड से, लेकिन जिस तरीके से खेल रहे हैं पाकिस्तान की नेट रन रेट काफी ऊपर हो जाएगी, और जो लास्ट गेम बचेगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, उसके अंदर पाकिस्तान को गेम जीतनी है अनदर बहुत बड़े मार्जिन से, डिपेंड बस यही फंसते हो भाई आपकी न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत गया, बिकॉज श्रीलंका भी बहुत ही हल्की टीम के टाइप खेल रही है, अगर वहां पर न्यूजीलैंड से श्रीलंका जीत गया सॉरी भाई फिर मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज फिर पाकिस्तान पहुंच नहीं पाएगी, बिकॉज नेट रन रेट मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की आगे ही रहेगी। अभी आपको पॉइंट टेबल दिखाऊं, जैसे मैंने बताया 5 ओवर में 182 रन चाहिए थे, ये तो बनने नहीं वाला नेट रन रेट ऊपर करने के लिए, पहले आपको था, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बाबर आजम को आज बैटिंग करनी थी, ताकि यार ये 400 रन चेज में मार रहे हैं, पहले बैटिंग करके तो 500 मार देते, और फकर जमान ने जो बैटिंग करी है आज, फकर जमान का एक बार दिखा अपडेटेड, और मेरे को वो दिखा जो पॉइंट्स टेबल था, एक बार फकर जमान का अपडेटेड जरूर दिखाना, तो जबरदस्त मारा है भैया आज, पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे खेल गई है। और ये है देखो, आप देख रहे हो पाकिस्तान सिक्स्थ पोजीशन पर है, -0.024 है उनकी नेट रन रेट, और यहां पर न्यूजीलैंड की नेट रन रेट है +0.48, तो हाफ अ पॉइंट ज्यादा, हाफ अ पॉइंट से ज्यादा है न्यूजीलैंड की नेट रन रेट, उसको काटने के लिए आज भी बहुत तेज खेल रहे हैं। लेट से ये न्यूजीलैंड की नेट रन रेट रहती है +0.2 या 3 और पाकिस्तान की आती है +0.1, राइट, तो फिर भी ये पीछे रहेंगे न्यूजीलैंड से। अब इनको इंग्लैंड को भी बड़े मार्जिन से हराना होगा, और न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत जाता है, अच्छी बात यही है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला मैच पहले है, तो इंग्लैंड और पाकिस्तान का लास्ट गेम है, तो पाकिस्तान को एग्जैक्टली पता होगा हमें 35 ओवर में करना है, हमें 40 ओवर में करना है, हमें 10 ओवर में करना है, हमें इतने रन से जीतना है, एवरीथिंग दे विल नो, ये एक एडवांटेज है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई कि आज क्योंकि आपने बैटिंग पहले नहीं कराई, तो नेट रन रेट आपकी, आज आपकी आइडली नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका से तो मुझे नहीं लगता हारेगा। अफगानिस्तान की बात कर लूं, अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ गेम है, जैसे आप देख रहे हो अफगानिस्तान की -0.330 है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, नेट रन रेट के दम पे तो अफगानिस्तान नहीं, अगर वो दोनों मैच जीतेंगे तो वो पहुंचेंगे, तो हो जाएंगे तब वो पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो एक मैच जीते
तो उनकी नेट रन के हिसाब से नहीं होगा, ये न्यूजीलैंड ही जाएगी या फिर पाकिस्तान जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड जाएगी, बिकॉज पाकिस्तान की नेट रन आज न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, बट अब डिपेंड करता है ना न्यूजीलैंड कैसा खेलता है आखिरी मैच में। हालांकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आज बैटिंग की है, 400 लगा दिया है श्रीलंका के अगेंस्ट, मुझे नहीं लगता इनको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये मैच न्यूजीलैंड का ही रहेगा जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच होगा। अब यही है कि मार्जिन कितना रहता है, क्योंकि अब आज अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो उनका नेट रन रेट थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये श्रीलंका से खेलते हैं, अब जैसे इंडिया ने मैच खेला श्रीलंका के अगेंस्ट, 55 ऑल आउट कर दिया, इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली, नेट रन रेट उछाल मार के ऊपर चला गया, अगर कहीं न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत हासिल कर ली फिर तो पाकिस्तान ऑलरेडी बाहर हो जाएगा। यही मैं पिछली बार बोल रहा था कि जिस मैच में वर्सेस बांग्लादेश फकर जमान बोलते बोलते रह गया मतलब बोलते बोलते मर गया कि भाई मैं इसीलिए मैंने अपना 100 छोड़ दिया, 100 तो मैं इजीली कर लेता, 28-29 ओवर में चेस करना था, बाबर वहां पे 15 बॉले वेस्ट कर गया, वरना वो पॉजिटिव में आ जाते। अभी भी देखो ना -0.024 है, उस दिन अगर 28-29 ओवर में चेस करते तो ये पॉजिटिव में हो जाते, तब आज थोड़े से कम डिफरेंस लगता है इनको, तो हर मैच में अब नेट रन रेट प्ले में आएगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड पाकिस्तान मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर आपका ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मैच इंपॉर्टेंट। अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में इंग्लैंड वही कर रहा है जो इंग्लैंड जाना जाता है, एक विकेट चला गया इनका बहुत पहले चला गया, तो इंग्लैंड बाहर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे हम सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अच्छा अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है इंग्लैंड से पहली बॉल पे, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया आज हार जाता है इंग्लैंड से, ये इस पे ध्यान नहीं जा रहा किसी का, दया कुछ तो गड़बड़ है दया, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया इंग्लैंड से तो ऑस्ट्रेलिया भी 7-4 हो जाएगा बॉस, बराबर ही। ना ही सिर्फ आप न्यूजीलैंड को देखोगे, आप ऑस्ट्रेलिया को भी देखोगे कि वो कितने मैच जीत रहे हैं, अगर वो टैंक होने को कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार सकता है, मगर जिस तरीके से आज खेले, मुझे फखर जमान का दिखा यार, उसकी बैटिंग दिखा अभी तक जो उसने बैटिंग करी है, 155 भाई वो लड़का जो छक्के मार गया आज, आप ये देखो 11 छक्के मार दिए इस आदमी ने, ये रुक ही नहीं रहा, इसका सिर्फ एक ही गोल है कि पाकिस्तान को मैंने मैच नहीं जिताना, टूर्नामेंट जिताना है, ये टूर्नामेंट, कुछ प्लेयर होते हैं मैच विनर्स, कुछ प्लेयर तो टूर्नामेंट विनर्स, ये टूर्नामेंट विनर है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिता चुका है, इवन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जिता दिया था इसने, जो इसने स्टाफ की पिटाई करी थी ना, मैच पाकिस्तान जीत चुकी थी, पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी कहां से आके मैथ्यू वेट से 3 छक्के खा गया, हसन अली कैच छोड़ रहा है, वरना तो ये जिता गया था, बाबर तो उस दिन ही मरवा के चला गया था। तो आज भी 126 नॉट आउट 81 बॉल्स पे, और मिड इनिंग्स में मैं चीख चीख के बोल रहा था कि न्यूजीलैंड के लिए किसी ने 150 की स्ट्राइक रेट वाला 100 नहीं किया है, ये बंदा कर सकता है 155 की स्ट्राइक रेट। अच्छा मेरे को सबसे अच्छी बात पता है कि इस आदमी की क्या लगती है, इसके उस दिन रिकॉर्ड निकाले थे, किस चीज के रिकॉर्ड देख रहे थे मुझे याद नहीं, इसके 50 कम थे 100 ज्यादा थे रिकॉर्ड में, इसके 50 कम थे 100 ज्यादा थे, मतलब और मैंने तुम्हें वो भी बताया था कि ये लंबी पारी खेलता है, ये 100 नहीं मारता, फिर ये 200 मारता है, 190 मारता है, 170-180 मारता है, लंबा मारता है, उस वाले 190 में बताया था, लेकिन आज भी देख ले भाई, इसने चौके कम मारे छक्के ज्यादा मारे, 8 चौके मारे 11 छक्के मार दिए, जहां आपका पर्ची बैठ के बोल रहा था इमाम कि भाई मुझे प्रोटीन दे दो, प्रोटीन ले ले, प्रोटीन ले ले, तू 100 डब्बे भेज रहे हो प्रोटीन के, 11 छक्के मार के दिखा दे, इस पूरे साल में इमामुल हक ने 11 छक्के नहीं मारे जो इसने एक मैच में मार दिए, पूरे साल में नहीं मारे, मेरे ख्याल 18 छक्के हो गए इसके 2 मैच में, पाकिस्तान की पूरी टीम ने मिला के 18 छक्के नहीं मारे होंगे, मेरे ख्याल से मारे होंगे तो चलो 20-30 मार दिए होंगे ज्यादा से ज्यादा, अकेला बंदा 18 छक्के लगा चुका है और इतने छक्के मार चुका है, और इसने बता दिया कि प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है छक्के लगाने के लिए, तो पर्चियों को खिलाओगे भाई, पर्चियों को खिलाओगे तो अपनी क्रिकेट बर्बाद करोगे, लेकिन अभी भी बड़ा तेज हो गई है, बारिश तेज हो गई है और तेज बारिश है, तो मतलब क्योंकि कब रुकेगी, पहली बात तो रुकेगी, उसके बाद मैदान की क्या हालत है, सूखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर उसके बाद इंस्पेक्शन होगा, अब यहाँ से ये ना हो कि यार ऐसे ही मैच खत्म हो जाए, आप डिक्लेयर कर दो, ये चीज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे मैच लक्ष्य तो ऑन क्यों नहीं हुआ अभी तक यार, थोड़ा चांस न्यूजीलैंड का भी बनता है यहाँ से यार, ऑन है ना, खेलेंगे तो चांस है, अदरवाइज देयर इज नो चांस, बट अनडाउटेडली यार देखो एक बात तो ये है कि चलो मैच हो जाता है, वहां से भी पाकिस्तान मोस्ट लाइकली लग रहा है कि ये जीत जाएंगे जिस तरीके से, अब तो जो नया इक्वेशन है वो इनको ही सपोर्ट करेगा, बारिश नहीं होनी चाहिए, अच्छा बारिश हो गई तो आपको बता देते पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, नेट रन रेट पे ज्यादा इजाफा नहीं होगा, ऑन है ना, नेट रन रेट पे ज्यादा इजाफा नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए, इनको 5 ओवर में 182 रन चाहिए थे, प्रॉब्लम यही फंसती है ना, फिर आपने कुदरत का निजाम आज आपके अगेंस्ट हो गया, अच्छा पूरा मैच होता है, अगर बारिश नहीं होती पूरा मैच होता है तो फिर भी नेट रन रेट थोड़ी तो अप होगी, अगर अभी मैच बंद हो गया तो मैं जानना चाहता हूं नेट रन रेट कितनी बढ़ती है, बहुत
हल्की सी मिनिमल हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा, और न्यूजीलैंड की भी हल्की सी कम होगी, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। बस यही है चमत्कार को नमस्कार की एक चीज हेल्पिंग हैंड यही हो जाएगा कि भाई कम से कम इंग्लैंड वाले गेम में आपको यह पता होगा कि हमारी इक्वेशन हमें चाहिए क्या, हमें 20 ओवर में चेस करना है, हमें 30 ओवर में चेस करना है, हमें 42 ओवर में चेस करना है, दैट मच यू विल नो। बट यार एक बार ताली बनती है फकर जमान बनती है, सैल्यूट बनता है। और मेरे इंडियन दोस्त कोई बुरा ना माने, देखो भाई वर्ल्ड कप देखने बैठे कवर कर रहे हैं, वी हैव टू बी न्यूट्रल, वी कैनॉट डू दिस के नहीं जी उसको मारते ही रहो। जितना हमने मजाक उड़ाया, जितना हमने कपड़े फाड़े पाकिस्तानी टीम के लिए, किसी ने नहीं फाड़े होंगे। हमने इंडिया का भी करा जब आप अच्छा नहीं खेले, भाई हमारा एनालिसिस तभी लोग देखेंगे अगर हम न्यूट्रल बैठेंगे। हम सिर्फ एक टीम को सिर्फ नफरतें करके गाली नहीं दे सकते, जो अच्छा खेलेगा भाई बोलना पड़ेगा। आज सैल्यूट है बॉस फकर जमान, सच में सैल्यूट, अल्टीमेट यार आपने पूरे वर्ल्ड कप में जान डाल दी। पूरे अगर आज पाकिस्तान हार जाता, जो मुझे नहीं लग रहा कि हारेगा, अगर पाकिस्तान हार जाता तो टॉप फोर लॉक हो जाती, बाकी मैचेस का मतलब क्या बनता, सीधा सेमीफाइनल के चार मैच खेलाओ खत्म करो। सही बात है, तीन मैच जो भी है दो दो मैच होते और फिर एक फाइनल खत्म करो, तीन मैच और कराओ खत्म करो। तो आज फकर जमान ने दिखाया है व्हाट इट मींस टू प्ले फॉर द नेशन, नॉट विद पर्ची। आज पर्चियों को फाड़ के फ्राइड कर दिया उसने, और लपेट लपेट के मारा है बॉस, लपेट लपेट के मारा है। आज ये देखो एक और बड़े मैच पे, इट इज नॉट अ जोक, फिर से दिखाना जरा फकर जमान, एक और बड़े मैच पे टिक कर दिया इसने यार, टिक कर दिया ना बॉस। 400 रन फॉर्म नहीं लगी हुई थी ना फकर जमान की, लोग कह रहे थे कि यार फकर जमान की तो फॉर्म, बेटा स्टेक का चलाओ, 400 रन मार देना है ना। एक तो क्रिक रॉकेट को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, स्टेक का रखो, स्टेक का स्टेक को भी अपना सपोर्ट दीजिएगा, हमारे पार्टनर्स हैं स्टेक, तो ये ले लेंगे बाद में, ले लेंगे भाई। तू स्टेक का लगा दे अभी, छोड़ दे बस, स्टेक का लगा बैंड ऊपर वो लगा और छोड़ दे बस। हाँ तो ऐसा है कि भाई आज की डेट में भी क्रिक रॉकेट भी डाउनलोड कर लेना, निवेद फूड से भी कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और सब्सक्राइब जिसे नहीं करा भाई एक सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन लगाओ, सब्सक्राइब कर दो, आपकी खिदमत में हाजिर रहता है, प्लीज प्यार दिखाओ। राइट क्या बोल रहा था यार मैं, आज की डेट में भी जो है फकर जमान ने जिस तरीके से खेला है, आपको यह पता चलता है कि किसी भी मोमेंट में वो इतना बड़ा मैच विनर है कि कहीं से भी अपनी टीम को लेकर टूर्नामेंट जिताने के पोजिशन में खड़ा कर सकता है। अगर आज पाकिस्तान सेमीफाइनल आ जाती है जो कि भाई पॉसिबल है, तगड़ी टीम लगेगी आपको उस टाइम पे आएगी तो आप, और होगा भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल, इतना बुरा जीत के आ रहे तो ऑब्वियसली होगा कोलकाता में, हाँ। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि ये चिन्ना स्वामी है, वहां पे इतने रन नहीं आएंगे, और वहां पे भी जैसे मैंने बताया इंडिया वन साइड ही जीतेगी, बुरा मत मानना लेकिन होगा ये, लेकिन ये खेला बड़ा तगड़ा है, क्योंकि देखो अब देखो खेला बहुत तगड़ा है, बहुत नो डाउट जमान के लिए तालियां, पाकिस्तान यहां से सेमीफाइनल पहुंचती है तो बहुत ज्यादा तारीफ है आपकी। लेकिन अगर आप इंडिया के सामने बात कर रहे हो ना, तो पहली बात तो इनकी बोलिंग फुल स्ट्रेंथ नहीं है न्यूजीलैंड की, इंडिया की बोलिंग आप सभी को पता है। दूसरी चीज आपके लिए एक बंदा है फखर जमान, उसी ने आज भी रन किए हैं, उसी ने आपका पूरा काया पलट कर दिया है पूरी टीम का, तो बस वो एक बंदा है, उस बंदे के दम पर पाकिस्तान पहुंचेगी तो पहुंचेगी, अगर वो आपके लिए किसी दिन फिर नहीं चलता तो पाकिस्तान की वही हालत हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की टीम नहीं बट मैं फखर जमान के अगर आप बिहाफ पे बात करो तब ये डिजर्व करते हैं आगे जाना, अगर इन्होंने पहले से इसको खिलाया होता, बाकियों ने भी उस तरीके से कंट्रीब्यूशन, देखो एक का बहुत फर्क पड़ता है फखर जमान, एक बंदा जिस तरीके से आपके लिए परफॉर्म करता है उसका बाकियों पर भी इंपैक्ट पड़ता है कि भाई ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है हम भी करें। ये देखो ना बाबर आजम नॉर्मली इस तरीके से बैटिंग नहीं करते, फखर जमान का रिकॉर्ड रख लो रॉबिन यार, ये देख तो लिया कितनी बार पांच ओवर में नहीं बनने वाला ना, फखर जमान को रख लो, उसके रिकॉर्ड दिखाओ जो उसने बनाए 11 छक्के में, वो देखना चाहता हूँ आज उसी बाबर आजम ने किस तरीके से इंटेंट दिखाया, क्योंकि वो देख रहा है ना कि सामने वाला बैटर अगर इस तरीके से खेल सकता है भाई तो मैं भी कर सकता हूँ वो काम, बाबर ने भी छक्के लगा दिए, बाबर ने भी बाउंड्रीज लगाई, क्योंकि वो सामने देख रहा है सुपर चैट इतनी ईज के साथ छक्के लगा रहा है, स्ट्राइक रेट 155 का है फखर जमान। मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूँ, कितने प्लेयर्स आपने देखे हैं जहां पे 120 से ज्यादा के रन हो और चौके कम हो छक्के ज्यादा हो, दुनिया में बहुत कम, मेरे ख्याल एक या दो तीन प्लेयर होंगे उससे ज्यादा नहीं होगा कोई, वैसे तो कोई भी नहीं होगा, मैंने तो नहीं देखा जहां पे चौके कम हो और छक्के ज्यादा हो, यही आदमी है या रोहित शर्मा को पकड़ लो बस और इससे ऊपर नाम नहीं मिलेगा। जर्नी इनवर्ड्स बोल रहे हैं शेयर हिस्ट्री हाउस पोचारी स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए, भाई करेंगे वो अभी तो यार मैच चल रहा है, आपको पक्का बताएंगे यूएस जर्नी पूरी बताएंगे आपको, जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना मैं प्रॉपरली वीडियो करूंगा। आगे आ जाइए सुपर चैट दिखा दीजिए,
रवि बोल रहे हैं गाइस मैं अपना 1,12,000 वाला मोनेटाइज यूट्यूब चैनल सेल कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप करके मैसेज पे इनका चैनल आप खरीद सकते हैं रवि भाई का। थैंक यू जी, आगे आ जाइए और सुपर चैट दिखा दीजिए और देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे दोस्त। आसिफ अहमद बोल रहे हैं लव योर गाइस शो, आई एम म्यूटेड टीवी एंड जस्ट लिसनिंग टू योर शो व्हाइल वाचिंग मैच ऑन टीवी। फकर ने इमाम का जनाजा निकाल दिया, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैं आपको डे वन से बोल रहा हूँ, पर्चियों खिलाओगे तो मरोगे, क्यों पर्चियों खिला रहे हो भाई। आगे आ जाइए, थैंक यू आसिफ अहमद, थैंक यू सो मच फॉर योर लव फ्रॉम यूएसए। UM123 बोल रहे हैं इंग्लैंड चेजिंग वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड टू आउट फर्स्ट बॉल, वो है ही लानती, वो है ही ओवर हाइप टीम है, सिंगुलैरिटी भाई बुरा मत मानना, ओवर हाइप टीम है, तुक्के तकवा के लगा के। हाँ T20 अच्छा खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बढ़िया खेले थे, वर्ल्ड कप जीते हैं मान लिया मैंने, बट T20 है तुक्का ही ओवरऑल। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप तो आज भी मैं मानता हूँ न्यूजीलैंड जीती थी 2019। आगे आ जाओ, थैंक यू UM123, वैसे उसके ध्यान रखना उसके मैच के ऊपर कि क्या जीत रहा है कौन चल रहा है। UM123 इमाम सिक्सेस इन वनडे करियर 30, फकर इन टू गेम्स 18। हाँ पूरे अभी तो गेम खत्म भी नहीं हुई, पूरे करियर में नहीं है इमाम, अभी तो गेम चल रही है भाई, खत्म भी नहीं हुई। इमाम के UM123 बता रहा है मेरा दोस्त यूएसए के इमामो लग के पूरे करियर में पूरी जिंदगी में उसने मारे हैं छक्के, बेटा उसने छक्के मारे पूरी जिंदगी में 30 और फकर जमान ने दो गेम्स में मार दिए छक्के 18। शुरू हो चुकी है इंग्लैंड की कहानी, इंग्लैंड की कहानी जो रूट भी बाय द वे आउट होके जा चुके हैं। इंग्लैंड से लांती टीम इस कंपटीशन में नहीं है, 19 पर दो आप 280। इंग्लैंड से लांती टीम इस कंपटीशन में नहीं है भाई। आगे आ जाइए, UM123 शुक्रिया जी। रघु बोल रहे हैं सुशांत भाई आप इंडिया टुडे में जो यार एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्या खतरनाक एनालिसिस भी आपकी, वट एवर यू से इट्स जस्ट स्पॉट ऑन इवन रिगार्डिंग फकर जमान, हैट्स ऑफ भाई। आप इंडिया टुडे में जाओ यार एज स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्यों भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ यार, मैं क्यों जाऊँगा कहीं पे। अभी आप देखो 20,000 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, हमने कमाया है भाई अपनी मेहनत करके कमाया, मैंने यहाँ पे और मैं वहां चले जाऊंगा, ये पांडे जी का क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ में ये नहीं है कि मैं इंडिया टुडे या स्पोर्ट्स चैरी, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लाइफ में ये लगती है कि मैं छोटे अपने भाइयों के साथ में काम कर रहा हूँ एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे पीपल कैन कम एंड वर्क टुगेदर एंड अर्न अ लिविंग। दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू एवरीवन, कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो आज की सोसाइटी में। अगर आप बच्चों को जॉब्स दे सकते हो, इस काबिल आपको भगवान बनाता है, तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे से नफरत भी करते हैं, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ना भाई, हमेशा सोचा करो भाई कि काम हो रहा है यहाँ पे, लोग काम कर रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं हाँ भाई तनख्वाह देखते हैं महीने की आती है, वो सबसे बड़ी बरकत है ऊपर वाले की। किसी के भी मुंह उठा के बोल दिया वो ऐसा है वो वैसा है, उसको नीचे खींच लो, बदनाम कर दिया, झूठ झूठ पे झूठ। और मेरे अपने जो मेरे पास झूठ बोले आज पाकिस्तानी कुछ है 2% के, वो झूठ फैला रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। आगे आ जाइए, थैंक यू रघु, थैंक यू ब्रदर, सारे नहीं है पाकिस्तानी दोस्त बड़े अच्छे भी हैं, बट जो 2% वाले हैं आपको पता है कौन है। वे बोल रहे हैं बाबर एंड मिक्की शुड अपोलोजाइज टू बाबर और टू फकर, बाबर आजम एंड मिक्की आर्थर शुड अपोलोजाइज टू फकर जमान एंड पाकिस्तान फैंस फॉर नॉट प्लेइंग फकर जमान व्हेन ही वाज फिट, पाकिस्तान वाज लूजिंग दिस मैच विदाउट फकर जमान, बाबर इज एक बात बता दे असली बात इसने ये करी है, फकर जमान ना होता क्या पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, कितनी बार बोला कि अगर फकर जमान ना होता क्या तुम मैच में भी होते 150-200 भी नहीं बनता, हाँ, नहीं बनता। वही कॉपी पेस्ट जो हर मैच में हमने देखा वही हालात इनके हो जाते बार बार, हम तो इस बारे में बात भी कर रहे हैं और आगे भी आप पहुंच जाते हो, आगे फकर जमा का जल्दी विकेट आ जाता तो फिर सेम स्टोरी रिपीट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। वही बात है ना, और मिकी आर्थर किस बेसिस पे बोल रहे थे कि फकर हमें टूर्नामेंट के लिए चाहिए था, फकर जमान फिट था खिला लेते ना, फकर तो बोल ही रहा था मैं रेडी था खेलने के लिए, हाँ। क्यों नहीं खिलाया फिर, हाँ। आज ये हालत जो पाकिस्तान की हुई है उसी की वजह से तो हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोल देते हो कुछ भी यार, फकर जमान उधर बोल रहा है कि मैं तैयार था, आप बोल रहे हो कोच होकर कि वो तैयार नहीं था, फिटनेस टेस्ट क्लियर किया फिर हमने खिलाया उसको, ऐसे थोड़ी होता है, एज अ प्लेयर वो बोल रहा है मैं रेडी था खिला लेते, आज पाकिस्तान की हालत नहीं होती। लानत जो है, सही है। जहन्नुम में लानत, ये है मिकी आर्थर। देखो आप बहाने बनाते रहो, आप अपने प्लेयरों को बैक करो, प्लेयरों में दम होए, सिलेक्ट मिकी आर्थर को कुछ नहीं करना था, ये जो बकवास करी है ना दिल दिल पाकिस्तान, हमें सिक्योरिटी बड़ी टाइट होगी जी, हमें तो लग रहा है हम कोविड में बैठे जी, BCCI का इवेंट है, ICC का, अच्छा आज BCCI का इवेंट लग रहा है कि ICC का इवेंट लग रहा है, इतना हर छक्के पे क्राउड पागल हो रहा है, हम तो म्यूट में सुन रहे हैं, तुम बता दो, तुम पाकिस्तानी दोस्त भी देख रहे होंगे ना लाइव, आप बता दो कमेंट सेक्शन में, हर छक्के पे क्राउड शोर मचा रहा है, हर छक्के पे क्राउड पागल हो रहा है, इंटेंस कंपटीशन चल रहा है, कितना मजा आ रहा है मैच में, अब BCCI का इवेंट नहीं है, झूठ मत बोला करो यार। मैच जब देखो जब मैच जीत रही होती है ना टीम तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती,
जब हार रही होती ना टीम तो हजार बहाने सामने आते हैं। मिकी आर्थर को कुछ नहीं करना था, उसको बाबर को पकड़ना था, उसको बाबर को बोलना था बाबर देख अगर फकर नहीं खेला हम नहीं जीत सकते भाई, ये तेरा एक काम था, बाकी तो फ्री की तनख्वाह ले रहा ना वो अपना बैठ के रिमोटली लंदन में करा लूंगा, एशिया कप हो रहा है तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जी, काउंटी क्रिकेट देख रहा हूँ मैं, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग दे दूंगा, बकवास जो तुम कर रहे हो। एक काम था, यू हैड वन जॉब, जस्ट कन्विंस योर कैप्टन एंड योर चीफ सिलेक्टर और हुएवर द हेल इट वॉज कि इमाम को खिला लो, इमाम को खिला लो कि भाई कोई नहीं खेलेगा, सिर्फ फखर जमान खेलेगा और कोई नहीं खेलेगा, तो भूल जाओ ये बात। मिकी आर्थर से अगर ये भी नहीं हो पाया इसीलिए आज दुनिया भर के बहाने बना रहा है। अच्छा आज मैं उससे पूछू जाके, तू तो बोल रहा था भाई कोविड, ये तो ऐसे रन मार रहा है जैसे कि मतलब कभी कोविड लगा ही नहीं दुनिया में, फिर अब कैसे फॉर्म अच्छी आ गई, क्योंकि ये प्लेयर खेल ही नहीं रहा था, इसको तो और बुरा लगना चाहिए बेंच में बैठा था, क्यों? उसने प्रूव करना था भाई कि तुमने ज्यादती करी है, बाकी कर रहे मजाक, तुम पर्चियां खिला रहे हो 70 बॉल पे 70 रन, अपने रन बनाने वालों को तुमने जब बाहर कराया, और ऐसे लोग जब 126 नॉट आउट ऑफ 81 बॉल्स चेजिंग 400 रन्स, डू यू नो व्हाट इट मींस, 11 छक्के और 8 चौके, केन विलियमसन की शक्ल देखिए, ही इज लुकिंग हेल्पलेस एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स, वो जिस बॉलर को लगा रहा है खत्म करके दे रहा है कि अच्छा बोल्ट आ गया ले छक्का, सऊदी आ गया ले छक्का, सोडी आ गया ले 2 छक्के, सेंटनर आया ले छक्का, किस बॉलर को इसने छोड़ा? मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं इंडिया के लिए गुरु मंत्र क्या है, कोई भी बॉलर आए आप चढ़ के मारो, बॉलर को सेटल मत होने दो। आज फखर जमान की सबसे अच्छी बात यह है इसने किसी भी बॉलर को सेटल होने ही नहीं दिया, कोई भी बॉलर इस पिच पे अपना जमा ही नहीं, ये निकल निकल के कदमों का प्रयोग जिसको बोलते ना फुटवर्क, जो निकल के छक्के मारे हैं, दैट वॉज द मेन थिंग, ब्यूटिफुल फुटवर्क आई विल से, ब्यूटिफुल फुटवर्क। So he has been extraordinary, there is no doubt about it, right? Babar Azam anchor role, उस टाइम पे मेरे को लोग बोल रहे थे, रघु ने भी भेजा कि भैया मुझे लगता है कि स्लो खेला है बाबर आजम, मैंने बोला नहीं भाई सही कर रहा है, उसका एक काम है आउट मत होइयो, और अगर आउट नहीं होगा बाद में फकर मार रहा है मार रहा है मार रहा है वो भी मारेगा, अभी देख बारिश बंद हुई छक्का नहीं मारा बाबर ने, छक्का चौका सब लगाया उसने, मारा ना, खड़ा रहेगा क्रीज पे रन आएंगे भाई, खड़ा रहेगा क्रीज पे रन आएंगे, ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजल हो रहा है अभी। अरसलान खान बोल रहे हैं अगर मैच अबैंडन हो गया हु इज द विनर, पाकिस्तान इज द विनर ऑलरेडी, तो आगे चल रहे 20 रन से आगे चल रहे, आगे आ जाइए अरसलान जी, पाकिस्तान जीत चुका मैच, अगर मैच अबैंडन हो गया तो पाकिस्तान इज वन द गेम। रघु बोल रहे भाई जाने दो तो हम देंगे नहीं आपको, मैं बस आपके एनालिसिस के लेवल की तारीफ कर रहा हूँ, हैट्स ऑफ भाई, थैंक यू ब्रदर रघु, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, थैंक यू रघु। बट न्यूजीलैंड यार मुझे तो लगता बड़े पवन नाखुश होंगे, 2019 वाज नॉट जस्ट अबाउट फाइनल्स, दे वर डूइंग गुड टिल लास्ट ओडीआई सीरीज 2, every team era comes to end and this is England, if Pakistan India Pakistan semis, भाई वो पाकिस्तान से भी हार गई थी इंग्लैंड 2019 में, ये मत भूलना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही आगे थे वो लोग, they were doing good मान लिया, लेकिन 19 का फाइनल डिजर्व करता था न्यूजीलैंड नॉट इंग्लैंड। दो चीजें हुई थी उस मैच में, एक तो जो बैट से लग के चौका गया था, एक रन एक्स्ट्रा मिला था उनको, आज तक वो अंपायरिंग एरर था, वो टाई नहीं हुआ था मैच, वो न्यूजीलैंड जीत गई थी, ये लोग याद ही नहीं रखते लोग बात, याद है आपको? हाँ, साइमन टेफल ने बोला था कि धर्मसेना ने अकॉर्डिंग टू लॉ जो होता है, जो रूल होता है गेम को, उसके हिसाब से उसने एक रन ज्यादा दिए, क्योंकि जब थ्रो वहां से आया था तो वो रन उन्होंने भागा ही नहीं था दूसरे रन के लिए, वो एक रन ही काउंट होना चाहिए था, वो दो एक ही रन था और उधर भाई साहब ने 2 रन दे दिए थे और वहां पे एक्स्ट्रा रन मिल गया था, तभी टाई हो गया था, तभी सुपर ओवर चला गया था, सुपर ओवर तो जाना ही नहीं बनता था, प्लस यार बैट पे लग के जो चौका चला गया था, भगवान बचाए यार, कसम से यार, इतनी खराब किस्मत किसी टीम की कैसे हो सकती है ये बता दो न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड आज भी तो पवन भाई जीता नहीं था इंग्लैंड ने, वो मैं तो आज तक नहीं मानता भाई, आगे चल लीजिए, आज तो पिटाई हो गई, आज किस्मत थोड़ी, इंजरीज भी इनके साथ में है, पाकिस्तान देखो मैंने दो चीजें बोली थी जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, अगर अगर बारिश नहीं होती मैच होता तो चांस था उनका, चांस इसलिए था कि चांस नहीं था, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली डकवर्थ लुईस के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जीत रहा है, एक विकेट आउट है और भरता बना के रख दिया, अग्रीड, पाकिस्तान हक है, पाकिस्तान पूरा हक से जीत रहा है, आज पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड लक की वजह से नहीं आ रहा, उस टाइम तो एक्सट्रीम लक था, मैंने माना
किस्मत किस्मत को आप दोष नहीं दे सकते। देखो बारिश के बाद आप 1% चांस तो आप देते ना। आज जो उन्होंने सिलेक्शंस करी हैं, जो उन्होंने स्पिनर्स वगैरह रखे हुए हैं, वो दिख ही रहा है कि फेल हो चुके हैं। पवन आगे आ जाइए, 200 बना दिए यार, आगे आ जाइए। मैच होता तो थैंक यू पवन, हम विकेट ले लेते। जिशान कालिम बोल रहे हैं फकर प्लेड लाइक शर्मा, रोहित शर्मा, इसलिए तो मैं कंपेयर कर रहा था, छक्के मारे ना, टुक ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द स्टार्ट, बट यू कैन सी इवन बाबर बिकेम अग्रेसिव। मैं बोलता रहा हूं दिस इज द अग्रेशन दैट पाकिस्तान में, भाई वो एक ही आदमी कर सकता था बाबर, ये फकर जमान, आप वही तो कर नहीं पाए, वही तो टेंशन है। आगे आ जाइए, आगे आइए जी। जिशान कालिम जी का देख लिया, यूके से भेजा, नहीं नहीं वो दिखा दीजिए सुपर चैट और दिखा दीजिए ना, जो थी दिखा दीजिए, वो एक भाई ने भेजी थी, मैंने देख लिया था, दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, उनको मैं जवाब दे देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई, दिखा दीजिए दिखा दीजिए। बट यार राहुल बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देते हो, हाँ अगर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होता तो हमारे ओजी यारी वाले छोड़ के नहीं जाते, सिनेमा 20 टीम आल्सो लेफ्ट, झूठ मत बोलो भाई, आपको जिंदगी में कुछ पता नहीं है कि हुआ क्या, बिकॉज आई हैवंट स्पोकन अबाउट इट। बड़ा आसान है मेरे पे इल्जाम लगाना, मेरे सारे भाई हैं आज तक भी, कौन गया, कब गया, कैसे गया, जिस दिन मैं बताऊंगा ना तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ये बात याद रखना, और अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे राहुल आप शीशे में, द डे दैट आई टेल यू द फैक्ट के हुआ क्या है, समझ गए आप। एंड वर्किंग एनवायरनमेंट ना, मैं खुद नहीं बोलूंगा, उनमें से भी जिन जिन ने मेरे बारे में बोला है मैं उनको हमेशा दुआएं ही देता हूं, बट अगर उन्होंने सच बोला होता ना आज उनको ही बरकत हो रही होती, समझ रहे हो आप। आज की डेट में वो भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें यूज किया गया, हमसे बुलवाया गया, कुछ कुछ बच्चों ने बोल दिया है, और यहां पे जितने हैं कहीं पे भी कल काम करें, भगवान ना करे कोई झूठ बोले, पूछ लेना भाई किस तरीके की ट्रीटमेंट होती है, किस तरीके का होता है, या मैं क्या करता हूं, पूछ लेना, मेरे को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे अपनों ने ही इतना ज्यादा गंद फैलाया मेरे बारे में, बोलूंगा जरूर, बताऊंगा जरूर, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आई विल टेल यू प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप के हुआ क्या है, जस्ट लेट द वर्ल्ड कप गेट ओवर, बिकॉज अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दीस थिंग्स, एंड दीस थिंग्स हर्ट मी ब्रदर, दीस थिंग्स हर्ट मी, बिकॉज जो करता है ना उसी को पता है, अगर स्टार्टअप करो आप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो तब बात करो, उससे पहले बात मत करो, प्रेशर लो, वो एक महीने में 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह देने का प्रेशर लो, फिर आके बात करो, वो रातों की नींद जब उड़ेगी ना कि 30 तारीख आ रही है मुझे बच्चों की तनख्वाह का अरेंजमेंट करना है, तब पता चलेगा आपको, बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है ब्रदर। चलिए वापस आ जाइए, और मेरे को तो बदनाम पूरी दुनिया मेरे अपने कर चुके, तो आप क्या करोगे भाई, कर लो कोई टेंशन नहीं है। जर्नी इनवर्ड्स बोल रहे हैं वर्ल्ड कप्स ऑल रिमेनिंग, वर्ल्ड कप्स ऑल रिमेनिंग मैचेस अलाइव बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, सुशांत अंडरस्टैंड्स क्रिकेट बिजनेस एंड इकोसिस्टम वेल एंड पाकिस्तानी इज वर्थ सुशांत्स बैकग्राउंड। भाई मैं CNN में था इससे पहले, एडिटर था CNN के अंदर, CNN IBN था उस टाइम पे, तकरीबन फॉर अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड मैंने ओलंपिक्स कवर करा हुआ है, 2012 का प्रीकर्सर, 2015 का वर्ल्ड कप कवर करा हुआ है न्यूजीलैंड में, कान फिल्म फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट भी कवर करा था, स्पोर्ट्स भी कवर करा, फिर इंडिया टुडे में स्पोर्ट्स शो करता था सनी भाई के साथ, सुनील गावस्कर साहब के साथ एंड विद हरभजन भाईजान, उनके साथ मैंने करा लाइट्स कैमरा क्रिकेट, वो वाला शो होस्ट करते थे, स्पोर्ट्स तक में भी थोड़ा काम करा, इंडिया टुडे में 5 साल तक मैं एंटरटेनमेंट एडिटर भी था, स्पोर्ट्स वाला शो भी एंकर करा है, और उसके बाद मैंने 2-2.5 साल पहले स्पोर्ट्स चैरी अपना चैनल बना लिया, एंड नाउ आई एम हियर एज एन एंटरप्रेन्योर, आई एम दी ओनर ऑफ स्पोर्ट्स चैरी, और यही कर रहे हैं भाई। आगे आ जाइए जर्नी यूनिवर्स, थैंक यू ब्रदर, आगे आइए भाई, मैच शुरू कब होगा यार चारू, ये भी देखते रहिए, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर ये ड्रिजल खत्म नहीं होगी तो फिर 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट आप ठीक है कि नासाज हैं आप, आ जाएं फिर इधर आ जाएं, कोबरा जी आ गए हैं, आपको वो भेजा है व्हाट्सएप पे, देखने में दिखा दिए, नहीं दिखा, मैं दिखा दी एक तो जो भेजी थी उन्होंने, वही वाली होगी मेरे क्या, जो मेरा भाई मेरा वो बोल रहा था कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बताएंगे किसी दिन तो समझ में आ जाएगी, नहीं आपने व्हाट्सएप पे भेजी कि ग्रुप पे भेजी, थोड़ी देर एसी बंद कर दें, कर दीजिए, नितिन भी, नितिन जी क्या लग रहा है आपको भाई, बारिश का क्या सीन है ये भी बता दो, ठीक है आप, ऑल गुड, सुपर चैट दिखा दीजिएगा, बेहतर फील कर रहा हूं, बेहतर फील कर रहे हो आप। अवनीत कौर बोल रहे हैं यू सपोर्टिंग पाकिस्तान आल्सो हर्ट्स अस, अरे यार उनका मतलब मैं तो उनको निचोड़ के रख दूं, कितना उनका मैंने भी उनको क्रिटिसाइज करा है, कितना मैंने बाबर को बोला है, अब आज वो अच्छा खेल रहे तो अच्छा को अच्छा नहीं बोलेंगे क्या, बुरा बोल देंगे क्या, अवनीत जी कम ऑन यार, अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो मजा नहीं आएगा आपको, मुझे तो बड़ा मजा आएगा जी सेमीफाइनल में हो जाए इंडिया पाकिस्तान, क्यों भाई
चाहते हैं, हर कोई चाहता है इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल, इससे बड़ा कोई क्लैश नहीं होगा, हाइप भी क्रिएट होगी और मैच का मजा भी आएगा। पाकिस्तान जीते और आए इधर। ब्यूटी मैम बोल रहे हैं कि सुशांत भाई पिज्जा मंगवा लो, तो पाकिस्तान जीत गया है ऑलरेडी, पिज्जा रोज खा रहे भाई। पीयूष कटवियाल, रघु सुशांत भाई एनालिसिस इज ग्रेटर देन इंडिया टुडे नेटवर्क स्टार्स, कंपैरिजन ही नहीं है, ये वाले चले गए तो कौन बोलेगा भाई साहब, आप भी और आप भी, अच्छा बारिश के बाद जब गेम दोबारा शुरू होगा बारिश बहुत ज्यादा तेज, क्योंकि अभी इस बार जो हुई थी ना पिछली बार से तेज बारिश हुई है इस बारी में, तो एक तो ग्राउंड अब सुखाओगे, उसके बाद थोड़ा बहुत तो देखो रह ही जाते हैं पैचेस, तो आप क्या वहाँ पे रिस्क लोगे कि भाई किसी भी प्लेयर को इंजरी हो जाए, न्यूजीलैंड तो वैसे ही आप देखो कितने ज्यादा इंजरी प्रोन है, तो लगा लो ना यार, इंग्लैंड के भी दो विकेट चले, नहीं देखना यार वो पागल हो रहा है तू, बिल्कुल नहीं देखना, मेरा मन नहीं हो देखने, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, आप चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे देखो फेसबुक पे भी हमें 8,000 लोग लाइव देख रहे हैं, और अपने यहाँ पे YouTube पे भी हमें 15,000 से लोग ज्यादा लाइव देख रहे हैं, लक्षित को भी 6,000-7,000 लोग लाइव देख रहे हैं, तो मैं प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे भाई, Facebook पे देख रहे हैं फॉलो कर लो, YouTube पे देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करो यार, ये ना करो कि सब्सक्राइब ना करो, ये गलत बात है, आपसे इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं, आप देख रहे हो बंदों ने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी बेचारे, इतना बीमार होकर वापस आ गए फिर भी लगे हुए आऊंगा मैं भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारी हिम्मत बहुत बढ़ती है अगर आप लोग सब्सक्राइब करते, एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, अब ये मैच शुरू कब होगा, मैच शुरू मुश्किल में, वही तो आपको बता रही हूं ना, बारिश देखो अभी ना के बराबर है बट एकदम 100% कट ऑफ टाइम में भी, कट ऑफ टाइम 7:14, बट आप सोचो ना कि पहले भी बारिश हुई थी, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है 40, तो आधा घंटा है ना उस हिसाब से, आधा घंटा है, 10-15 मिनट बारिश नहीं रुकी तो मुझे लगता है अबंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैदान सुखाना है, कवर्स हटेंगे, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद आधा घंटा तो मुझे यार ये चीटिंग है, पिछली बार भी 25 मिनट्स अप्रॉक्स का टाइम लग गया था, जो बैटिंग कर रहा था ना ये फखर जमा, जो बैटिंग हो रही थी आज, बैटिंग देखने में मजा आ रहा था, बिल्कुल मजा आ गया, लग रहा था चेस कोहली था भाई, उनका कोई बॉलर उसने छोड़ा ही नहीं, उसने बोला सेंटर तू है आ जा, सोडी तू है ले भी आ जा, वेलकम डू यू वांट अ पार्टनर, हो पार्टनर ले, उसने फिर दूसरे को बुलाया ताथैया हो, फिर तीसरे को बुलाया उसने, सब चौथे को बुलाया उसने, छत पे सोया था बहन हो गई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, ठुकाई मारे से हो गई, कितना मारा उसने यार, कितना मारा भाई, 11 छक्के मार दिए, 11 छक्के देखने को नहीं मिलते T20 में, यहां मार दिए 11 छक्के, बाय द वे बाबर भी बुरा नहीं खेला आज, बाबर को आप देखते हो पूरे टूर्नामेंट में देखने ना, इसकी स्ट्राइक रेट रही है 70-80 आज मैंने इसको बोला था, अगर मैंने अच्छा शुरू में बोल दिया था ये आज रनर बॉल खेल जाए बस फकर जमान कर देगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है, इसने कोई ओवर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करी, 63 बॉल्स में 66 रन, रन बॉल से बेटर खेल रहा है, जो रघु बीच में बोल रहा था कि भैया मुझे लगता है स्लो खेला, कोई स्लो नहीं खेला भाई, सही गया, आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरे बंदे को ओवर शैडो करने की, आप उसकी शैडो में खेलो, आप उसको सपोर्ट, सिर्फ फकर जमान को एक सपोर्ट चाहिए था कि विकेट ना जाए दूसरे एंड से, वरना वो भी आउट हो जाता, तो कप्तानी इनिंग्स खेली है, कैप्टन इनिंग खेली है, 63 बॉल्स में 66 रन, 6 चौके और 2 छक्के, 104 की स्ट्राइक रेट, ब्यूटीफुल स्ट्राइक रेट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चौके बढ़िया मारे, मैं तो हैरान हूं छक्के कितना बढ़िया मारे, ब्यूटीफुल सक्सेस, छक्का एक शॉर्ट बॉल करी इसने वो मारा जहां पे फंस रहा था, जहां पे हमेशा आउट होता था, टॉप कॉर्नर पे छक्का मार दिया, फिर एक इसने निकल के बिल्कुल सामने लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार दिया, सो ही हैज प्लेड वेल, इसने ऑब्वियसली फखर जमान, तो अब मैं वही पूछूं कि बाबर आजम को रखोगे टीम में, फखर जमान को टीम में रखोगे, तो पूरी दुनिया बोलेगी फखर जमान को टीम में रखोगे, लेकिन कम से कम आज आज इसने अपने कप्तान होने का फर्ज निभाया भाई, रन मारे आउट नहीं हुआ, अभी ये अभी तक की वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बेस्ट नॉक है, बेस्ट इनिंग यही है, अंडर प्रेशर चेस करते हुए, लेकिन एक बात यह भी कि फखर जमान ने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया था, बट फिर भी इसका क्रेडिट कम नहीं होता, फिर भी अगर ये आउट हो जाता तो बार बार हम यही बात करते हैं भाई, इसका क्रेडिट कम नहीं होता, आज है इस इनिंग्स की, बाबर आजम का क्रेडिट मैं कम नहीं करता, बहुत अच्छा खेला है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये जरूर है भाई कि फखर जमान ने जो कर दिया है ना,
आई थिंक इस वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट पारी है बाबर आजम अभी तक की, बिल्कुल है बेस्ट पारी फकर जमान की। फकर जमान, मैं कह रहा हूं फकर जमान की तो है इस पूरे टूर्नामेंट में। जितने हमने विराट कोहली का शॉट देखा, हमने रोहित शर्मा का शॉट देखा, हमने रोहित शर्मा का अस्थि देखा, हमने विराट कोहली का अस्थि देखा, हमने डेविड वॉर्नर का मैमथ शॉट देखा, हमने रचन रविंद्रा के शॉट देखे, हमने क्विंटन डिकॉक की चार सेंचुरी देख ली, लेकिन आज टूर्नामेंट ऑन द लाइन 400 चेस करते हुए, चिन्ना स्वामी है, फ्लैट पिच है, जो मर्जी हो, 400 चेस करते हुए इतना तेज खेल जाना कि 150 की स्ट्राइक रेट से 100 मार देना, बारिश आई, बारिश खत्म हो गई, बंदा आया, बंदा खत्म नहीं हुआ, बंदे ने उसी पेस पे मारा, फिर आके दो छक्के सोनी को लगातार मार दिए कि कोई नहीं है भाई टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में न्यूजीलैंड वालों पर। अच्छा न्यूजीलैंड को हमेशा पाकिस्तान इतना मारती क्यों भाई यार, पर्ची होता फकर की तो नहीं होता कुछ पर्ची होता मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे फकर है इस वजह से न्यूजीलैंड। और यार पर्ची का तो यार मतलब ही नहीं है, पर्ची को तो खुद को रिटायर हो जाना चाहिए, पर्ची को अभी डगआउट में बैठ के बाबर को बोलना चाहिए, बाबर पायान मैं देश दे नाल बड़ा माड़ा कीता ही ते मैं रिजिग्नेशन दे रहा, हेलो ए मैं नहीं कर सकता, ए मेरे बस दी नहीं है, तुसी मैनू प्रोटीन खवाओ, तुसी मैनू आलू खवाओ, गोश्त खवाओ, कुछ भी खवाओ, मेरे बस दी ना है। शान मलिक बोल रहे हैं यूरोप से, सर आप बाबर को कैसा प्लेयर सैंपल है फ्रॉम आयरलैंड, समझ नहीं आई भाई सैंपल, बाबर को कैसा प्लेयर समझते हैं ये शायद पूछ रहे हो। मैंने बताया बाबर के ऊपर, मैंने काफी बार बोला भाई ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन उस लेवल का प्लेयर नहीं है जितना आप समझते हो। मैच विनर कभी कभी हो सकता है, टूर्नामेंट विनर ये आदमी है फकर जमान। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ फकर जमान, फकर जमान, फकर जमान, फकर जमान एंड फकर जमान, नथिंग एल्स। आगे आइए, थैंक यू शान मलिक। बट मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को डिक्लेयर कर देंगे जल्दी, क्योंकि अब टाइम कितना बचा, देखिए 715 हो गए हैं, मैच नहीं होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, 25 ओवर में 200 बनाए भाई। अदनान ओनली बोल रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड कप आई वांट टू सी सैम अयूब ओपनिंग विद फकर जमान। हां वो भी मैंने सुना, लड़का बड़ा तेज है, कराची का लड़का है, अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला शफीक ठीक ठीक है यार, देखो थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक को भी ना बड़ी टीम के सामने मैंने देखा नहीं अभी तक। कौन से मैच में रन मारे, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में तेज के अंडर चेज जो, लेकिन वो स्लो हो गया, श्रीलंका वाले मैच में स्लो हो गया था, पर इमाम से बैटिंग हो गया था, बाकियों से अच्छा इंटेंट दिखाया है, अब्दुल्ला शफीक स्लो क्यों हो गया था, बाबर आजम आए और चलो देखते हैं आगे, लेकिन सैम अयूब भी अच्छा है, सैम अयूब का बड़ा नाम हो रहा है कराची से। आगे आ जाइए, थैंक यू अदनान, आगे आ जाओ, रेन बढ़ गई है बाय द वे फिर से, रेन और तेज हो गई। रघु बोल रहे हैं फकर भी लाइक भाईजान, आप भी भाईजान, आप भी भाईजान, आप भी भाईजान, आप भी बाय द वे पीयूष भाई सही बात, एंड यस सुश भाई यू वर राइट अबाउट बाबर्स इनिंग्स, थैंक यू रघु, आप माने तो सही कम से कम, वरना नाराज हो जाते हैं। आगे आ जाइए, किसी और को बोलो, आगे आ जाइए, फिल्मी वर्ल्ड बोल रहे कोबरा आएगा, अब पाक शोर हारेगा, अरे वो जीत चुका है भाई, मैच ही नहीं हो रहा और बारिश हो जा रही है, हर तरीके से जीत गया, और मैं जब तक नहीं था तब तक तो यार खत्म ही कर दिया। उस्मान कुरैशी थैंक यू फॉर सेंडिंग योर फर्स्ट सुपर चैट। बाबा पिज्जा, पाकिस्तान विन के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगर सेमी हुआ तो परसेंटेज कितना भाई, 100 इंडिया 0 पाकिस्तान, बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ 100% इंडिया। आगे आ जाइए, थैंक यू बाबा, कोई भी हो यार ये परसेंटेज हर किसी के लिए है भाई, आज भी यहाँ पे एक ही बंदे ने आपके लिए किया है जो किया, अदरवाइज वही ऐसे ही, मैं तो इतना ज्यादा पाकिस्तान के लिए वो परसेंटेज नहीं है, पूरी टीम का नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे का क्रेडिट है। चलिए आगे आ जाइए, रघु बोल रहे हैं भाई हम सब तो है ही, ऐसे नेगेटिव लोगों पर ध्यान मत दीजिए आप, लव यू भाई। कोबरा का कुटापा, कोबरा भाई की तबीयत मेरी पप्पी से खराब हो गई, जहरीले को डबल जहरीले दस लिया आपने, ये नया हैशटैग क्यों चला रहे हैं आप, हैशटैग कोबरा का कुटापा, जहरीले को डबल जहरीले दस लिया, बताइए आप तो जहर किस में ज्यादा फैले, उसमें ज्यादा जहर है आप, आगे आइए, थैंक यू रघु, माइनस माइनस तबीयत खराब, गर्मी हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाता था, जहर जहर एक दूसरे को काट देंगे। आदिल फारूक बोल रहे हैं बिग अप ब्रदर्स एंड सिस्टर फॉर योर एफर्ट, थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रदर, पाकिस्तान इंडिया लिख रहे हैं, आगे आ जाइए, थैंक यू आदिल। शुभम पाटिल बोल रहे हैं सुशांत ये मैच पाकिस्तान नहीं जीतेगा, अगला मैच पाकिस्तान 350 बना के इंग्लैंड को 70-80 में ऑल आउट करना होगा, अच्छा अगर ये जीत भी गया और 350 फिर 25-30 में चेस करना होगा फॉर गुड रन रेट, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, लेकिन आउटसाइड चांस कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार गया फिर क्या होगा, फिर तो ये जीत के चले जाएंगे, बट आउटसाइड चांस अगर पाकिस्तान, अच्छा एक एक कंडीशन ये भी है बाय द वे, न्यूजीलैंड हार गया श्रीलंका से, पाकिस्तान हार गया इंग्लैंड से, हार सकता है, इंग्लैंड को भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फाइट करेगा, अफगानिस्तान जीत गया
चाहे उससे जीत जाए साउथ अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से, अफगानिस्तान चले जाएगा टॉप फोर, क्योंकि अफगानिस्तान की पॉसिबिलिटी है। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों मैच हार गए तो अफगानिस्तान एक मैच जीत के चला जाएगा। पर अफगानिस्तान डिजर्विंग टीम है, अफगानिस्तान ने जैसे खेला और एक बंदे के दम पर नहीं, आप पूरी टीम के कंट्रीब्यूशन है उनकी जीत में, और वो जाएंगे तो मुझे तो बड़ी खुशी। नो डाउट जी, नो डाउट, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। अगर जाएगा तो हिस्ट्री भी बनेगा, एटलीस्ट दो एशियन टीम तो आप देखोगे। आगे आ जाइए, इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप सबकॉन्टिनेंट में। करण दार जी, आई एम वन ऑफ द टॉप 50 सब्सक्राइबर्स ऑफ यारी टीम एंड फॉलोइंग सुशांत सिंस वेरी वेरी लॉन्ग। आई एम श्योर यू ऑल्सो नो दिस। आई एम स्टिल विद यारी टीम एंड ऑल डूइंग ग्रेट वंस अगेन। यारी ऑलवेज, वंस यारी ऑलवेज यारी। थैंक यू भाई करण दार जी, मुझे पता है आप शुरू से हमारे प्यारे अजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू सो मच भाई, दिल से थैंक यू आपको। और जो किसी किसी हमारे वो भी दोस्त हैं जो आए थे, देखो जब आप झूठ फैलाओगे तो लोगों को भी तो लगेगा ना, वो भी झूठ मान जाएंगे कभी कभी, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, मेरे जो दोस्त थे उनको मैं कभी कुछ नहीं बोलने वाला, उन्होंने मेरे को बहुत बुरा भला बोला, लेकिन वो मेरे बच्चे जैसे ही, मतलब मेरे छोटे भाई जैसे, उनको मैं कभी ऐसी चीज नहीं बोलता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थ्योरी होती है मीडिया में, बुलेट थ्योरी, उसी की तरह हुआ है कि आपके झूठ लिखते रहो बताते रहो, क्योंकि हम चुप थे भाई। मैंने हमेशा ये सोचा था हमारा काम बोलेगा, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरे खिलाफ झूठ भड़का के लोगों ने सोचा कि हम, चलो छोड़ दो यार, आगे आ जाओ, कि फेमस और बड़ा हमको एडवांटेज मिल जाएगी, नहीं हो पाया ना। भगवान है भाई। तमूर सिद्दीकी बोल रहे हैं, भाई जी जब नॉर्वे आना है तो आप स्वीडन भी जरूर आना, पाकिस्तान लव मैच की अपडेट करने। भाई नॉर्वे और स्वीडन दोनों जगह ही नहीं गया, नॉर्वे जाना है मेरे को, स्वीडन जाना है मुझे, ऑस्ट्रिया जाना है। ऑस्ट्रिया बड़ी प्यारी जगह, वही तो है ना, तो दोनों जगह जाएंगे और मजा आएगा, देखेंगे जाके भैया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू तैमूर जी, थैंक यू सिद्दीकी साहब, आएंगे जरूर आपके पास भी। आगे आ जाइए। संस्कार खेतान बोल रहे हैं, विदाउट पांडे एंड समीत इज इजी टू गो विद फाइव बोलर्स, वही तो थोड़ी सी टेंशन है, वैसे पांच बोलर विदाउट हार्दिक, अब आप अभी तक तो काम किया है, लेकिन किसी किसी भी बोलर का दिन खराब हो जाए, ये बिल्कुल भी आप अफोर्ड करके नहीं चल सकते, वहां मामला फंस जाएगा, छठे बोलर का ऑप्शन नहीं है, या फिर आप पहले से ही आप प्रसिद्ध कृष्णा को आपने बुला लिया है। जुबरान हफीज बोल रहे हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका रेन चांस, वहां पे भी रेन थी, एक बार देखियो, एक बार देखना चारू, एक बार देखना, वहां पे भी थी थोड़ी बहुत रेन चांस थी। थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम कनाडा जुबरान, अभी बताते हैं आपको। आगे आ जी, नेक्स्ट शान मलिक, फकर वर्सेस शुभमन, हु इज बेस्ट हिटर। भाई शुभमन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, बट बेस्ट हिटर तो देखो, मैंने हमेशा बोला है जिस दिन फकर का दिन होता है ना, उस दिन मैच फिनिश हो जाता है, बहुत कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही तेज मार जाता है, रुकता ही नहीं है, उसको परवाह ही नहीं होती। और एक्चुअली आज बॉलिंग भी बड़ी हल्की थी, कोई बॉलिंग ने चैलेंज भी नहीं करा, बट जब ऐसे मार रहा होता है बैटर तो फिर हर बॉलिंग हल्की लगती है भाई, कोई आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, वहाँ पे कप्तान से लेकर बॉलर सारे फिर आपके सामने घुटने टेक देते हैं, वो फिर आप कोई ऑप्शन ट्राई कर लो। ईस्ट थोड़ी को जो छक्का मारा वो सातवें आठवें स्टंप पे बॉल पड़ी थी, वहां से लपेट के मारा है भाई, पावर देखो ना उस बंदे का, वो छक्के वाली बॉल थोड़ी थी, उसको लपेटा है, उसके अंदर है प्रोटीन, प्रोटीन की जरूरत नहीं है भाई, वो बिना प्रोटीन के छक्के लगाता है। 9 तारीख को, क्योंकि वही 2 बजे से आपका मैच शुरू है, तो वहां पे 2 बजे से आप 2 बजे से क्या, इनफैक्ट आपके लिए पहले 10-11 बजे तक तो 10-10% है, 12 बजे से 50% है, और 1 बजे से लेकर के आपका 70% बारिश दिखा रहा है, 1 से 4 70% है, 5 बजे 60% है, लेकिन 6 बजे से फिर गिरना शुरू हो जाएगा, 10% आगे चल के कम है, बट बीच में आपको फिर से मैच शुरू होने का टाइम है 2 बजे और आपका 1 बजे से 70% बारिश है, इनफैक्ट 12 बजे से 50% श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, 9 तारीख 9 नवंबर चिन्नास्वामी बेंगलुरु, कुदरत का निजाम, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो गई, ये सच में कुदरत, और मैच रद्द हो गया, धुल गई, मैच नहीं हुआ, दिल दिल पाकिस्तान, फिर तो हो जाएगा, गाना बज जाएगा। सही बात है यार, सही क्वेश्चन पूछा भाई जुबान ने, लेकिन चारू 1 बजे से बारिश है 70%, 1 बजे है 50% और फिर नहीं 12 बजे 50%, 1 बजे से 70%, 70% है 4 बजे तक, 4 बजे तक 70% है, फिर 5 बजे आपकी 60% हो जाएगी, मतलब बारिश है यार, 6 बजे 1 सेकंड, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि 6 बजे के आसपास ये 10% दिखा रहा, फिर कम ही होती है। चारू ये स्क्रीनशॉट लेके आप भेजिए, ऑन एयर दिखाइए, बिकॉज ये अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है, न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका, बिकॉज देखो अभी तक हम नेट कर रहे हैं, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका में इतनी बारिश हो जाए कि मैच ही ना हो, फिर तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 मैच जीते हैं भाई, अफगानिस्तान को 2 मैच जीतने होंगे,
दोनों मैच जीतने होंगे ना जाने के लिए, और नेट भी बेटर होनी पड़ेगी, बेटर करनी पड़ेगी, तो मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच हुआ ही नहीं, इतनी बारिश आ गई, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली शुरू है। हाँ, यारी वाले में भेज दो, नहीं तो जो भी भेज दो। तो भाई हो सकता है, जुबरान जी आगे आ जाइए, दिखाइएगा आगे भी चलिए। थैंक यू जुबरान हफीज मेरे भाई। आसिफ महमूद बोल रहे हैं लव फ्रॉम हांगकांग, आई लव टू यू आल्सो ब्रदर, लव टू यू फ्रॉम हांगकांग। मैंगो मैन पढ़िए, मैंगो मैन बोल रहे हैं भाई ये लोग इतने आंसू बहाएंगे अगर हार गए इंग्लैंड से, अब आखिरी दिन, चलो आज तो ऑफिशियल जीत ही गए, नेट रन रेट आ गया, क्या इनका पॉजिटिव में नहीं आया? नहीं पॉजिटिव में आ सकता है, प्लस पॉइंट कुछ हो सकता है, 25 ओवर में 200 भी तो बनाए, न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं जाएगा, कंसीडर होगा नेट रन रेट इनका, अभी न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं जाएगा, न्यूजीलैंड को पास नहीं कर पाएंगे आगे, बट ये पांचवे नंबर पे आ जाएंगे या चौथे नंबर पे आ जाएंगे, नहीं पांचवे पे, पांचवे पे बेहतर है ना इनका, न्यूजीलैंड का बेटर, न्यूजीलैंड का बेटर होगा पॉइंट में तो अफगानिस्तान से बराबर हो जाएगा। चलो आपके क्लासमेट आए हैं, आपके क्लासमेट की सुपर चैट पढ़ लीजिए। होस्ट गुंडा, आई विल होस्ट यू, कम टू स्पेन बार्सिलोना एज वेल। वाओ यार, स्पेन तो मेरी फेवरेट जगह है यार, स्पेन वो बीचेस और वो नजारे, गुंडाल साहब आप तो जानते होंगे, दिखा दो रॉबिन बारिश का नजारे तो अलग ही है, बार्सिलोना बट बार्सिलोना के बीचेस और वो नजारे, फिर आप समझ नहीं रहे वो मेरी इमोशंस, फिर वो भी देखने जाएगा बुल फाइट, फालतू की चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं। उसके बाद थोड़ा मेरे को बीच पे रहना होता है और स्विमिंग करनी होती है, बस कोई कॉल्ड ऑफ, प्ले कॉल्ड ऑफ, पाकिस्तान विंस द गेम ऑफिशियली, प्ले कॉल्ड ऑफ हो गया है जी, पाकिस्तान ने गेम जीत लिया है, आबिद फरूक नहीं, इसको बंद करेंगे और फिर से जुड़ेंगे, बिकॉज प्ले हैज बीन कॉल्ड ऑफ और पाकिस्तान ने यहाँ पे गेम जीत लिया है। आबिद फरूक थैंक यू भाई, बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ योर शो, लव फ्रॉम पाकिस्तान, भाई इसको बंद करते हैं, इमीडिएटली जुड़ते हैं बिकॉज